सुपर चोर एपिसोड 131 से लेकर 135 तक। भाई, तो वह बड़ी बहन कौन है जिसे तुमने कुछ दिन पहले ब्लैक बॉक्स में भेजा था? क्या वह कोई दुश्मन है? एस के चेहरे के सारे रंग उड़ गए जब उसने यह मासूम लेकिन खतरनाक सवाल सुना। उसे आखिरकार एल्फ प्रिंसेस लिविया की याद आ गई, जिसे उसने भविष्य में किसी आपदा के डर से मोइरा के आगरा पर अगवा किया था। हालांकि विपत्ति पहले से ही यहाँ थी और उसने इसे अपने ऊपर खरीद लिया। इवा अब अपनी काली आंखों में एस की दुष्ट निगाह के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में ठंडक स्पष्ट नहीं हो सकी। ऐसा लग रहा था कि तुम अभी भी लड़कियों को इकट्ठा करने के अपने शौक के बारे में पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो। एस वास्तव में उस छोटे बच्चे का गला घोंटना चाहता था, जिसे अभी भी पता नहीं था कि उसने क्या किया है, और उसने ये भी सोचा कि साइरस जानबूझकर उसका जीवन नरक बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर भी उसे अपनी सारी शक्ति लगाकर इस पक्षी को पुनः शिक्षित करने से पहले शैतान से निपटना था। ऐसा नहीं है, वह लड़की मुझे भविष्य की आपदा से बचाने की कुंजी है, और इसीलिए भगवान मुझे उसे पकड़ने और अपने पास रखने के लिए कहता है, और मैं एक घातक स्थिति से बच पाऊंगा। एस ने तुरंत भगवान पर दोष मार दिया, क्योंकि उसने उसे अनंत चोर भाग्य कंपास के बारे में नहीं बताया था। इसके अलावा ये किसी खजाने से कहीं ज्यादा विश्वसनीय था, जो उसे भविष्य में किसी आपदा के कारण एक महिला का अपहरण करने के लिए कह रहा था। वह अनंत चोर भाग्य कंपास की उत्पत्ति की व्याख्या किए बिना उसे खुश नहीं कर पाएगा। तो नकली भगवान सबसे अच्छा बलि का बकरा था। हाल ही में वह इस काल्पनिक नकली भगवान का काफी इस्तेमाल कर रहा था, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह ऐसा करके असली भगवान को अपमानित कर रहा है। फिर भी उसे उन काल्पनिक देवताओं की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। जब तक उनका नाम उपयोगी था, वह उनका इस्तेमाल करेगा, और वह जानता था कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और उन देवताओं को भी उसके ऐसा करने से कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसा कि उसने सोचा था, ईवा के चेहरे पर तब बदलाव आया जब उसने सुना कि एस की जिंदगी इस मामले में शामिल है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके अलावा कोई भी उसे नाराज नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह तुरंत उस पर विश्वास कर ले तो वह मूर्ख होगी। उसने आंखें सिकुड़ते हुए अपने होंठ भींच लिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? इसके अलावा अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें किसी भी खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। एस ने आह भरी और प्यार से उसके दृढ़ निश्चयी और गंभीर चेहरे को देखा, जिससे उसका स्वाभाविक आकर्षण और अधिक उभर कर सामने आया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे सहमत हो जाऊंगा? उस लड़की को अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैं उसे अपने कब्जे में ले रहा हूँ, क्योंकि वह मेरे दायरे में पूरी तरह से दब चुकी थी और मैंने अभी तक उससे ठीक से बात भी नहीं की है। मैं यहाँ से जाने के बाद उसके साथ सब कुछ स्पष्ट करने की योजना बना रहा था, और अगर वह चोर घर में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती तो यह अच्छा होता, और अगर नहीं तो मैं उसे दूसरे तरीकों से मना लेता। यह मेरा एकमात्र इरादा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी नहीं। एस ने गंभीर भाव से कहा। चोरों का घर काफी अनोखा था, और उसने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि यह केवल उसके लिए ही था, ताकि वह ऐसे सहायकों को प्राप्त कर सके जो उसकी तरह बिना किसी सीमा के बढ़ सकें और फिर उसके मिशनों और अन्य संकटों में उसकी मदद कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सदस्य हर काम खुशी खुशी करेंगे, जबरदस्ती नहीं, जब तक उनमें मजबूत बनने का साहस और महत्वाकांक्षा है। एक तरह से एस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि वह सीखे कि उन चोरों का सही स्थिति में कैसे उपयोग किया जाए, और उनका पालन पोषण पूरी तरह से सिस्टम के नियंत्रण में था। ठीक वैसे ही जैसे एलिना की स्थिति में, जब उसने विंटर को उसके लिए जानकारी एकत्र करने के लिए सक्रिय किया था, अन्यथा वह पूरी स्थिति के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रहता। उसे चोर घर के सदस्यों का पूरी क्षमता से उपयोग करने के तरीके के बारे में एक और प्रेरणा भी मिली। इसके अलावा चोर घर बढ़ सकता है, इसलिए वह अब चोर घर में और अधिक सदस्यों को जोड़ने में संकोच नहीं करता है, और एल्फ राजकुमारी और उसकी प्रतिष्ठा के साथ अपने मुठभेड़ से वह जानता था कि अगर वह चोर घर में प्रवेश करती है तो वह एक अच्छी चोर होगी। इसलिए वह मोइरा के इस सुझाव से सहमत हो गया कि जब तक चोर घर के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ जाती, तब तक उसे अपने पास ही रखा जाए। हालांकि ईवा का जागना पूरी तरह से उसकी गणना से बाहर था, और वह उसे चोरों के घर में किसी और से कहीं अधिक चाहता था, क्योंकि सिस्टम उसे कई तरीकों से सुरक्षित कर सकता है। सदस्यों की दुकान में सिर्फ लाइफ कॉइन ही एस के लिए उसे चोर के घर में ले जाने के लिए काफी था। जब जीवन रक्षक उपायों की बात आती थी तो उसे सिस्टम के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने खुद कई बार उनका अनुभव किया था। तो क्या होगा अगर ईवा के पास एबिसल ब्लडलाइन है? सिस्टम तब तक इसे विकसित होने दे सकता है जब तक वह चोर के घर में प्रवेश करती है, और एस को इस पर एक सेकंड के लिए भी संदेह नहीं हुआ। इसीलिए उसने बहुत पहले ही चोर के घर को भरा रखने का निर्णय कर लिया था, लेकिन उससे पहले उसे यह सुनिश्चित करना था कि जिन लोगों की उसे परवाह है वे पहले प्रवेश करें, उसके बाद ही वह और अधिक सदस्यों की भर्ती करने का प्रयास करेगा। ईवा को एस के चोर घर से संबंधित महान लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखने के बाद किसी कारण से वह उसे अमूर्त नहीं करना चाहती थी।
उसके आसपास इतनी सारी लड़कियां होने के कारण वह सिर्फ मुझे ही अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता, खास तौर पर उस एलिना के साथ। इसके अलावा उसके पीछे बैठा यह ईश्वर उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने और उसे समाधान देने में भी डराने वाला है, उसने गंभीरता से सोचा, क्योंकि उसे उसके दिल में अपनी जगह को लेकर खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन जब उसने प्रेम की अंगूठी के बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसकी सारी चिंताएं सिर्फ उसकी असुरक्षा की भावना थी कि वह उसका अनुग्रह खो देगी। उसके मन में यह विचार था कि यदि वह उसे हर खूबसूरत महिला के बारे में परेशान करने लगेगी और बार बार गुस्सा करने लगेगी तो वह उससे परेशान हो सकता है, जो उसकी रुचि खत्म होने का वास्तविक कारण हो सकता है। तो या तो उसे अपने मन को बदलना होगा कि वह उसके अलावा अकेली है, या फिर उसे इसकी मानसिकता को बदलना होगा कि वह अन्य महिलाओं के साथ बातचीत करना बंद कर दे और उनकी परवाह करे। हालांकि चोर घर की वजह से एस को उन्हें छोड़ने के लिए राजी करना इस समय असंभव था। उसने पहले ही उसे बता दिया था कि चोर घर में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए यदि उसका उसके लिए कोई स्थान खोलने का कोई इरादा था तो वह आसानी से मौजूदा सदस्यों में से किसी एक को हटाकर उसके लिए स्थान खोल सकता था। वह मूर्ख नहीं थी जो सोचती कि एस ने कभी इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन वह इतनी समझदार थी कि उसने ये पता लगा लिया कि एस का मौजूदा सदस्यों से छुटकारा पाने का कोई इरादा नहीं था, भले ही उनके पिछले आचरण ने उसके खिलाफ काम किया हो। अब वह और भी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि एस की योजना केवल उन तीन महिला सदस्यों तक ही सीमित रहने की नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक महिला मौजूद थी जो स्थान खुलने पर शामिल होने के लिए तैयार थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह भोला भला किंतु चालाक लड़का मात्र 15 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा, और इन वर्षों में उसने इतना कुछ अनुभव किया था कि कुछ लोग अपने पूरे जीवन में भी उसका एक अंश भी अनुभव नहीं कर पाते। अंत में वह आसानी से बता सकती थी कि यह सब बहुत महत्वाकांक्षी हो गया है। अब वह लड़का नहीं रहा जो सिर्फ अपनी बहन की तलाश में था, वह सबसे खूंखार चोर था जिसका नाम किसी के भी चेहरे पर चिंता की लकीरें बना देने के लिए काफी था। तो जब वह अभी अपनी आकांक्षाओं को खोजने और स्वर्ग पर अपनी नजरें गड़ाने लगा है तो वह क्यों रुकेगा। अब उसके सामने विकल्प था कि या तो वह इस आकांक्षा को अपना मान ले या फिर वह हर समय असुरक्षित महसूस करे और तब तक उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करती रहे जब तक कि वह उसकी परवाह करना पूरी तरह बंद न कर दे। उसका चुनाव बहुत ही स्पष्ट था, क्योंकि उसने मुश्किलें मोल लेना बंद कर दिया था और सीधे उसकी गहरी नीली आंखों में देखने लगी थी जो उसके लिए प्यार से भरी हुई थी, और यह इस बात का भी सबूत था कि वह बिना किसी कारण के ही पागल हो रही थी। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर तुम कभी दूसरी पत्नी लेना चाहोगे तो उसे पहले मेरी परीक्षा से गुजरना होगा, उसने अपने आकर्षक होंठों को काटते हुए उससे सख्ती से कहा। एस उसके इस अचानक आगमन से अचंभित रह गया और उसे पता नहीं था कि उसे क्या हो गया था, लेकिन जो भी हो वह बता सकता था कि अब वही ईर्ष्यालु नहीं लग रही थी। तुम क्या सोच रही हो, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि मैंने जो किया वो क्यों किया। जब मेरे पास तुम्हारी जैसी शैतानी बीवी है तो मैं दूसरी बीवी क्यों चाहूंगा, एस ने उसकी सख्त लेकिन पीड़ा भरी अभिव्यक्ति को देखते हुए ठहाका लगाया। खुश होने के बावजूद ईवा फिर भी नहीं हिली और सख्ती से बोली, बस मुझसे वादा करो। ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे प्रति ईमानदार और वफादार हो और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप चोर बनने के बारे में गंभीर हैं तो किसी दिन आपको किसी के समूह में घुसपैठ करने से ज्यादा कुछ करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको किसी दिन दुश्मन के ठिकाने में घुसने के लिए किसी को लुभाना पड़े या फिर किसी का पति होने का नाटक करना पड़े, जैसा कि तुम पिछले 15 सालों से करते आ रहे हो, और हम दोनों जानते हैं कि मैं ये सच कह रहा हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस समय सिर्फ मेरी वजह से हिचकिचाओ और जो तुम्हें करना है वो करो। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगा अगर अलीना के मन में भी तुम्हारे लिए बहन जैसी भावनाएं हैं? क्या तुम उसका दिल तोड़ पाओगे या वह पीछे हट जाएगी? मैं नहीं चाहता कि तुम उसके और मेरे बीच चुनाव करो, मैं तुम्हें कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर तुम कभी किसी महिला की जिम्मेदारी लेना चाहो और अधिक पत्नियां रखना चाहो तो तुम्हें पहले मुझे बताना होगा और फिर उसे मेरी परीक्षा से गुजरना होगा, और यही मेरी अंतिम सीमा है। ये कैसी स्थिति है? पहले तो वो चाहती थी कि मैं अपनी बात समझाऊं, और अब अचानक उसके मन में ये पागलपन आ गया कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूं, और वो इसके लिए राजी भी हो गई। ईवा को देखकर और उसकी गंभीरता को देखकर एस के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इन सभी वर्षों में एस कई महिलाओं से मिल चुका था और यहाँ तक कि उनका पक्ष भी ले चुका था, लेकिन उसने कभी भी उनका मनोरंजन करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उसके पास न तो समय था और न ही ईवा का अस्तित्व। दूसरी औरतें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह नोआ के उसके प्रति गहरे लगाव के बारे में जानता था, लेकिन हमेशा अनजान बनने का नाटक करता था। लेकिन सच तो ये था कि वह उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा रखता था, क्योंकि वह चोर घर की पहली सदस्य थी और हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करती थी ताकि वह उसके उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सके। शायद यही कारण था कि वह सीधे तौर पर उससे भिड़कर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, और उसने तब तक इंतजार करने का निर्णय लिया जब तक वह अपनी भावनाओं को सुलझा नहीं लेता।
जब ईवा जागी और उसने देखा कि उसका पागल और जुनूनी व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक मजबूत है, तो उसे पता चल गया कि वह कभी भी अपने अलावा किसी अन्य महिला को अपने पक्ष में स्वीकार नहीं करेगी और उसे इसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब उसने ईवा के तर्क सुने कि वह किसी और का पति बनकर काम कर रहा है या अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य महिलाओं को बहका रहा है, तो उसके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि उसने पहले कभी इन विकल्पों पर विचार भी नहीं किया था, क्योंकि उसे ऐसे काम करने की जरूरत थी। फिर भी भविष्य के बारे में क्या होगा यदि उसके पास ये काम करने के अलावा कोई और विकल्प न हो? क्या वह अपने मिशन को छोड़ देगा और सभी के जीवन को खतरे में डाल देगा, जिसमें स्वयं का जीवन भी शामिल है, सिर्फ इसलिए कि वह अन्य महिलाओं के साथ सोना या उन्हें रिझाना नहीं चाहता था, जबकि वह ऐसी चीजों के लिए पूरी तरह सक्षम था, भले ही उसे उन चीजों को करने की कभी जरूरत न हो, क्योंकि उन्हें करने से बचने के कई तरीके हैं। फिर भी वह एलिना वाले हिस्से को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसा कि ईवा ने कहा, क्या होगा यदि एलिना सिर्फ उसकी बहन से अधिक बनना चाहे? वह मूर्ख नहीं था और वह जानता था कि वह सिर्फ 2 साल से ज्यादा समय से उसकी बहन है, उसकी सगी बहन नहीं। अगर उनमें से किसी के मन में ऐसे विचार आते हैं तो इसे बचपन का प्यार भी कहा जा सकता है। इसके अलावा एलिना उसके दिल में एक विशेष स्थान रखती थी और यही कारण था कि वह उसे बचाने के लिए बेताब था, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये विचार महज अनुमान थे, क्योंकि इस बात की भी उतनी ही संभावना थी कि उसके मन में ऐसी भावनाएं न हो और वे वैसी ही बनी रहें। लेकिन उसे बचाने के बाद क्या होगा? क्या वह उसे चोर के घर में जबरदस्ती घुसने के लिए मजबूर कर सकता है, जबकि उसका जीवन आदर्श था और माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वह भी अंदर नहीं जाना चाहती थी? क्या वह उसे छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा, ये जानते हुए भी कि एक बार जब वह उसकी रक्षा करने के लिए आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह उसकी परवाह करता है। इस प्रकार उसे बाहर निकालने के लिए उसका उपयोग करने का कार्य अंतिम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक उसने चोर होना बंद नहीं कर दिया और अपनी यात्रा समाप्त नहीं कर ली, जो कि और भी असंभव था। यही कारण है कि जब तक वह लीना की परवाह करना पूरी तरह से बंद नहीं कर देता या उसे हमेशा अपने पास रखने का निर्णय नहीं लेता, तब तक उसे बचाना ही संपूर्ण समाधान नहीं है। अंत में चोर के घर में रहने वाली लड़कियों के बारे में क्या? इस बात की बहुत कम संभावना थी कि किसी समय वे इस खतरनाक जीवन से संन्यास लेना चाहेंगी और किसी से प्यार कर बैठेंगी और या तो उसे चोर के घर में रखना चाहेंगी या उसके साथ रहना चाहेंगी। हालांकि ऐसे पूरी तरह से रोक सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपने संपूर्ण नश्वर सिद्धांत और भावनाओं को त्यागना होगा, जो वह इस समय नहीं कर सकता। लेकिन ये सब बदल सकता है यदि वह एक पुरुष बनकर दूसरों से पहले उनका पक्ष ले सके और अपने जीवन को कम तनावपूर्ण बना सके। तो एक तरह से ईवा उसे महिलाओं की सभी समस्याओं से हमेशा के लिए हाथ धोने का एक बड़ा अवसर दे रही थी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? यद्यपि वह अपना दिल तोड़ रही थी, फिर भी वह सारी बागडोर अपने हाथ में रखे हुए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह खुद से आगे बढ़कर कोई प्लेबॉय न बन जाए। ऐसा लग सकता है कि वह उसे जितनी चाहे उतनी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की छूट दे रही थी, लेकिन वह वास्तव में ये सुनिश्चित कर रही थी कि वह हमेशा उसके अस्तित्व को शीर्ष पर याद रखेगा और उसे ऐसी छूट देने का पछतावा नहीं होगा। जहां तक उसकी परीक्षा पास करने की बात है, कौन जानता है कि यह शैतान किसी को अपने साथ स्थायी रूप से रहने देने से पहले किस तरह की परीक्षा लेगा। एक दुष्ट शैतान की तरह ईवा ने अपना हाथ बहुत जल्दी खेल दिया था, इससे पहले कि एस उसकी भयानक पूर्वाभास क्षमताओं को समझ पाता। कम से कम वे तब डरावने थे जब ये सुनिश्चित करने की बात आई कि एस का उसके प्रति प्यार कभी कम न हो। अंत में भविष्य में उन महिलाओं को भी पता चल जाएगा कि एस के पक्ष में जगह पाने के लिए उन्हें किसे खुश करना होगा, यहां तक कि चोर घर में भी। एस ने ईवा के कठोर चेहरे को गहराई से देखा, क्योंकि वह धैर्यपूर्वक उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी और वह आसानी से बता सकता था कि यदि उसने उससे वादा नहीं किया तो वह कभी भी शांति से नहीं रह पाएगी, और यही बात उसके लिए भी लागू होती है। एस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके शैतानी रूप से साफ चेहरे पर हाथ फेरा, फिर उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मुझे ये सताता रहता है कि मुझे बाद में इसका पछतावा होगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम इस तरह से मेरी परवाह करना बंद कर दोगी तो मुझे और भी ज्यादा पछतावा होगा। जैसे ही वह उसके चमकदार लाल होंठों के पास पहुंचा, ईवा की दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी मोहक आंखें वासना और प्रत्याशा से धुंधली हो गईं और उसकी सारी चिंताएं पिघल गईं जब उसने उसके होंठों को छूने से बस एक बाल की दूरी पर कहा, मैं वादा करता हूं। अगले ही पल उनके होंठ एक दूसरे के होंठों में घुल गए और यह उनके जुनून की फिर से शुरुआत थी। बेशक एस ने साइरस को चूमने से पहले ही उसे लपेटना नहीं भूला था, जिससे जिज्ञासु पक्षी नाराजगी में चहचहा उठा जब उसे एस ने अन्यायपूर्ण तरीके से पुनः वापस भेज दिया। उनके भावुक आदान प्रदान के बाद अंततः टावर छोड़ने का समय आ गया। एस ने ईवा की तरफ देखा, जो अब एक तंग लाल पोशाक पहने हुए थी और उसका शैतानी रूप दिख रहा था। वह उसकी गोद में बैठी थी और उसके हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे। उसने कोमल आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मैं तुमसे कभी तृप्त नहीं हो सकता।
इवा हल्की सी शर्म के साथ खिलखिलाकर हंसी और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए मोहक ढंग से बोली, तो फिर हम वापस क्यों न चलें? एस ने आह भरी और दुखी होकर अपना सिर हिलाया। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे अभी भी एल्विन महाद्वीप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है और एजोर विन महाद्वीप तक पहुंचना है। फिर मुझे ये पता लगाना है कि वे एलिना को कहां ले गए हैं। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। एक बार जब मैं उसे बचा लूंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे सभी मेरे साथ कभी भी बुरा व्यवहार करने पर पछताएंगे। इवा ने अपने होंठ भींचे। हम्फ, बेहतर होगा कि तुम कुछ भी खतरनाक काम ना करो, वरना एक बार जब मैं कानून समझ के दायरे में पहुंच जाऊंगी। वह खतरनाक ढंग से मुस्कुराए। एस को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि एक बार इवा ने कल्टीवेशन शुरू कर दी तो प्रणाली के अनुसार वह बहुत तेज होगी, और उसने खुद कहा था कि वह सभी सामग्रियों को लेने के बाद 2 साल के भीतर 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। जहां तक उसकी बात है तो वह एलिना को बचाने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसके लिए और अधिक एलिमेंटल ऑर्ब्स की तलाश करना असंभव होगा। फिर भी जब तक इवा 8वें क्षेत्र तक पहुंचती है, तब तक पूरे नश्वर आकाश स्वर्ग में कौन उसके साथ गड़बड़ कर पाएगा। फिर भी उसे गर्मजोशी महसूस हुई, क्योंकि वह जानता था कि इवा उसके बारे में चिंतित थी, और अब जब उसने उससे वादा किया था तो वह अब उसके रास्ते में बाधा डालने के बारे में नहीं सोच रही थी। मुझे पता है कि कब रुकना है, एस ने गंभीरता से कहा। क्या तुम सच में नोआ और फ्रेया से मिलना नहीं चाहते? अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें भी अपने साथ अपने स्पेस में ले जा सकता हूँ, अगर तुम दोनों दोस्त बन जाओ। चूंकि उसने पहले ही उसे चोर के घर के बारे में बता दिया था, इसलिए उसे अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि उसे पता चल जाएगा, और यह मामला पहले ही निपट चुका था। इसलिए उसने इवा को नोआ और फ्रेया से मिलने का प्रस्ताव दिया। चूंकि वह अंततः चोर के घर में शामिल हो जाएगी, इसलिए उसे इन लड़कियों के एक दूसरे से मिलने और यहां तक कि दोस्त बनने से कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह इवा को चोर के घर में अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब इवा ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। नहीं, मैं उनसे तब मिलूंगी जब मैं चोर के घर जाऊंगी और जब वे सब एक साथ होंगे, इवा ने धीरे से कहा। उसकी गहरी आंखों में एक चमक छिपी हुई थी। वह कुछ योजना बना रही है। एस केवल उन लड़कियों के लिए चुपचाप प्रार्थना कर सकता था, और उसके पास हस्तक्षेप करने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि इवा उसकी बात सुनने वाली नहीं थी और वह इसे गलत तरीके से ले सकती थी। इवा अचानक मंद मंद हंसने लगी। इसके अलावा, क्या आपके पास पहले से ही एक एल्फ राजकुमारी नहीं है जो आपके कमरे में बंद है? मैं साइरस के साथ उसे आपके लिए शिक्षित करूंगी। मेरे लिए यह मनोरंजन पर्याप्त होगा। तुम एक खलनायक की तरह लग रहे हो, तुम्हें पता है, एस ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जितनी जल्दी लिविया अपने भाग्य को स्वीकार कर ले उतना ही बेहतर होगा। हे, बर्तन केतली को काला कह रहा है, इवा ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ उपहास किया। फिर जब उसने अपने कोमल नितंब पर एक चुटकी महसूस की तो वह रो पड़ी। आह, तुम बदमाश हो, तुम्हारी हिम्मत है पलटकर जवाब देने की? एस ने बुरी तरह हंसते हुए अपने दुष्ट हाथ का और भी अधिक उग्रता से प्रयोग किया। आहाहा, रुको रुको टिल्दलिया, तुम तो मर चुकी हो, इवा कराह उठी जब उसका हाथ उसकी छाती में घुस गया और उसकी उंगली उसके संवेदनशील निप्पल के चारों ओर घूमने लगी, और उसने भी जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। बस इसी तरह वे जोश से चुंबन लेने से पहले एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करने लगे। ममम, आखिरकार इवा एक लंबे चुंबन से मुक्त हो गई, क्योंकि उसकी सांस थोड़ी उखड़ी हुई थी और उसका चेहरा आकर्षक लाल था, जबकि उसकी बड़ी छाती पूरी तरह से उजागर हो गई थी। वह उसकी ओर वासना भरी निगाहों से देखते हुए बुदबुदाए और उत्सुकता से बोली, क्या तुम सचमुच अब और नहीं रुकना चाहते? एस ने उस शैतानी सुंदरी को देखा जो उससे बलात्कार करने की भीख मांग रही थी, और यदि कोई और समय होता तो वह वास्तव में तब तक रुकता जब तक वह संतुष्ट होता, लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी उसके शैतानी शरीर से तृप्त नहीं होगा। नहीं, वह अगर कोई और महिला होती जो कल्टीवेशन बाड़ी में पारंगत नहीं होती तो वह इसकी कामों की इच्छाओं को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन इवा एक बिल्कुल अलग किस्म की महिला थी, क्योंकि किसी कारण से वह जितनी ज्यादा यौन गतिविधियों में उलझती जा रही थी उतनी ही ज्यादा मजबूत और जंगली होती जा रही थी। काश अगर वह फिर से उसकी कल्टीवेशन की जाँच करने की जहमत उठाता और उसे इससे झटका लगता, क्योंकि वह पहले से ही सोल फाउंडेशन बिल्डिंग दायरे में थी और यह 9 स्लेट की नींव थी कम से कम नहीं। लेकिन एस का मन अभी भी शांत नहीं था जब तक कि एलिना जंगल से बाहर नहीं निकल गई, या फिर वह चौंक जाता और पूछता कि इवा के साथ क्या हो रहा है। यही कारण है कि इवा ने उसे यह बताने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने कभी पूछा ही नहीं था, और इससे स्वाभाविक रूप से वह नाराज हो गई। और जब तक उसे खुद ये बात पता नहीं चल गई तब तक उसने उसे यह बात बताने की कोई योजना भी नहीं बनाई थी। मैं वास्तव में चाहता हूँ, एस केवल उसे और खुद को निराश कर सकता था, हालांकि ये स्वाभाविक रूप से उनके पल को बर्बाद कर देता है। इवा ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और एस के आलिंगन से बचते हुए अपनी पोशाक को ठीक करना शुरू कर दिया।
एस को पता था कि उसने बहुत ईमानदार होकर उस पल को बर्बाद कर दिया था और अब उसने इवा को क्रोधित कर दिया था। वह उसका दिल जीतने के लिए बस हाँ कह सकता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि तब वह वास्तव में डर सकता था और यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता था। कुछ पीड़ादायक भाव के साथ उसने समझाने की कोशिश की, इवा, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि एलिना को बाहर लाने के बाद तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है और यह मेरी गलती है, इवा ने दुखी होकर कहा। जब उसने उसके दर्द भरे चेहरे को देखा, उसे अपने दिल का दर्द महसूस हुआ और उसने धीरे से कहा, बस अपने दिल की सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगी। एस को शर्म महसूस हुई, लेकिन अब वह जानता था कि इवा ठीक है और अब उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं है। उसका मन अपने आप ही एलिना की ओर भटकने लगा, इसलिए बेहतर होगा कि वह उसे चोट न पहुंचाए और एक पुरुष की तरह इसे स्वीकार कर ले। वह उठ खड़ा हुआ और उसे भागने का मौका दिए बिना जल्दी से उसे कसकर गले लगा लिया और गंभीर स्वर में कहा, जब मैं एलिना के साथ काम पूरा कर लूंगा तो मैं अपनी शादी का वादा पूरा करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह सबसे शानदार शादी होगी जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। इवा ने जब उसका वादा सुना तो वह थोड़ा कांप उठी। हो सकता है कि उन्होंने ये काम पहले ही कर लिया हो, लेकिन शादी एक ऐसी चीज थी जिसका उसने सपना देखा था और जिसका खास मतलब था, खास तौर पर एक महिला के लिए। मैं तुम्हें इसके लिए बाध्य करूंगी, उसने कोमलता से कहा, क्योंकि उसे अंततः बेहतर महसूस हुआ। एस ने सिर हिलाया क्योंकि उसका उससे किए गए अपने शब्दों से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। यह उससे किया गया उसका पहला वादा था और वह इसे हर हाल में पूरा करेगा। काफी समय के बाद अंततः वे अलग हो गए और उनका बंधन पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। चलो चलें, इवा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया क्योंकि उनकी आकृतियां एक दूसरे में पूरी तरह उलझी हुई थीं। मैं आपकी देखभाल में रहूंगा, एस ने सिर हिलाया। इसके बाद इवा ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली और मुख्य महाद्वीप की ओर जाने वाला द्वार खोलने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसके चिकने मुकुट जैसे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और षडभुज का निशान अचानक लाल रोशनी में चमक उठा। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, उसने अचानक कहा। एस का दिल बैठ गया, समस्या क्या है? इवा ने अंततः अपनी आंखें खोली क्योंकि उसके माथे पर षडभुज का निशान चमकना बंद हो गया था, लेकिन थकावट स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने कहा, ये खजाना एक विशाल संरचना के ऊपर खड़ा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये संरचना वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन संरचना है, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मुख्य भूमि या कहीं और की ओर जाने के लिए कोई द्वार खोलने की ऐसी कोई क्षमता नहीं है। ये खजाना केवल अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकता है। अब जब कोर मेरे द्वारा अवशोषित कर लिया गया है तो इसने अपनी क्षमता भी खो दी है। एस का चेहरा कुछ बदसूरत हो गया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम यहाँ फंस गए हैं? लेकिन वह ये भी जानता था कि सिस्टम ने उसे बताया था कि इस टावर में अभी भी एक आखिरी टेलीपोर्टेशन बचा है और यह गलत नहीं हो सकता। वह सिस्टम से पूछने ही वाला था कि इवा ने बात जारी रखी, नहीं, हम फंसे नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह टावर संभवतः टेलीपोर्टेशन संरचना पर खड़ा है और मुझे लगता है कि यह संरचना मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है। टावर स्पिरिट संभवतः उस संरचना का उपयोग एल्वेन महाद्वीप की ओर जाने वाले द्वार बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन ये क्षमता भी कोर के साथ खो जाती है, इवा ने अपने विचार प्रकट किए। एस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि वह समझने लगा था कि उसका क्या मतलब था। तो तुम्हारा मतलब क्या है? इवा ने गंभीरता से कहा, मैं मुख्य भूमि के लिए कोई द्वार नहीं खोल सकती क्योंकि वह अद्वितीय कोर अब चला गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस टावर का उपयोग उस संरचना को सक्रिय करने के लिए किसी तरह की कुंजी के रूप में कर सकती हूँ। एस की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इसका मतलब है कि यह पूरा टावर एल्वेन महाद्वीप में टेलीपोर्ट किया जाएगा। इवा ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टावर इस आखिरी टेलीपोर्टेशन के बाद तुरंत ढह जाएगा क्योंकि इसकी पूरी बची हुई शक्ति का उपयोग उस संरचना को आखिरी बार सक्रिय करने के लिए किया जाएगा। इवा द्वारा वर्तमान स्थिति का खुलासा करने के बाद एस ने गंभीर भाव के साथ बिंदुओं को जोड़ना शुरू किया। जब मैंने पहली बार इस भूमिगत आयाम टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश किया तो सिस्टम ने मुझे बताया कि आयाम टेलीपोर्टेशन संरचना को सक्रिय करने के लिए मुझे 3 ग्रेड 8 स्पेस क्रिस्टल और एक संगत टेलीपोर्टेशन चैनल सक्रियण कुंजी की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर मैं उन्हें इकट्ठा भी कर लूं तो भी यह संभावना बनी रहेगी कि संरचना का दूसरा पक्ष बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होगा। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि यह टावर एक अन्य आयाम टेलीपोर्टेशन संरचना के ऊपर खड़ा था और संभवतः इसमें टेलीपोर्टेशन चैनल सक्रियण कुंजी थी जो एल्वेन महाद्वीप से जुड़ी हुई थी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वह भूमिगत मार्ग मुझे भी इस टावर की ओर ले जाए, और इसीलिए मुझे उस समय खतरा महसूस हो रहा था। जितना अधिक वह सोचता उतना ही अधिक उसे विश्वास होता कि संभवतः यही बात है। एस ने आह भरते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर हम इस टावर को टेलीपोर्ट कर दें तो हम एल्वेन जाति के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों को वापस लाएंगे और वे सिर्फ निष्क्रिय खड़े होकर यह जांच नहीं करेंगे कि क्या हुआ यहाँ। मैंने सोचा कि उन एल्वों को यहाँ छोड़ने से एल्वेन जाति की शक्ति कम हो जाएगी।
इससे एल्विन महाद्वीप अस्त व्यस्त हो जाएगा और मैं स्वतंत्र रूप से घूम पाऊंगा। लेकिन अब मुझे तीन कानून जागरूकता क्षेत्र साधकों का ध्यान आकर्षित किए बिना भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इवा ने भी सिर हिलाया क्योंकि उसके मन में भी पहले यही विचार आया था, लेकिन अब जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था तो महाद्वीप पर पहुंचने के बाद इसको बहुत सावधान रहना था। वह एक विदेशी जाति के इलाके के बिल्कुल बीच में होगा और अगर उसे देखा गया तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें भरोसा है, उसने जांचते हुए पूछा। एस ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ और सोचा। सिस्टम ने यह भी कहा कि मैं कुछ स्वतंत्र अंतरिक्ष कोर की तलाश करने की कोशिश कर सकता हूँ जो इस स्थान के मूल में होना चाहिए, और जब तक मैं उस कोर को नष्ट कर सकता हूँ, स्वतंत्र अंतरिक्ष कोर के खो जाने के बाद ये स्थान नश्वर आकाश स्वर्ग में विलीन हो जाएगा। मेरे साइड मिशन का सशर्त इनाम भी इस स्पेस कोर से जुड़ा हुआ है। मैं इसे छोड़ने की योजना बना रहा था क्योंकि मैं जल्दी में था, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये टावर टूटने से टावर में मौजूद तीनों को खतरा हो सकता है, लेकिन यदि मैं किसी तरह अंतरिक्ष केंद्र को खोज सकूं, तो यह अंतरिक्ष संभवतः किसी अज्ञात स्थान पर विलीन हो जाएगा जो कम से कम एल्विन महाद्वीप के हृदय में तो नहीं होगा। एस की आंखें चमक उठी जब उसने इवा को देखा और गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि हमें टेलीपोर्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और हम खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं। इवा इस अप्रत्याशित उत्तर से आश्चर्यचकित हुई। कैसे? उसने उत्सुकता से पूछा। एस ने कुछ नहीं छिपाया और उसे इंडिपेंडेंट स्पेस कोर के बारे में बताया। एस की योजना सुनकर इवा की आंखें चमक उठीं। जैसा कि आपने कहा, वास्तव में हम न केवल उनकी सेनाओं के साथ टकराव से बच सकेंगे बल्कि हम एक कदम और आगे जा सकेंगे। इवा ने धूर्तता से हंसी उड़ाई। अब आश्चर्यचकित होने की बारी एस की थी। आप क्या जोड़ना चाहते हैं? इवा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जब तक तुम्हें वह अंतरिक्ष कोर मिल गया है, तुम्हें इस टावर की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? सबसे अधिक संभावना है। एस ने सिर हिलाया। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि यह संरचना फिर भी सक्रिय हो जाए और इस टावर को दूर भेज दे? इवा ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराकर कहा। एस तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था और वह अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। इस तरह वे कल्पित बौने वापस आ जाएंगे और वे अपने पवित्र टावर के पतन का भी अनुभव करेंगे। तब भले ही मैं कल्पित महाद्वीप में प्रकट हुआ, लेकिन ऊपरी सोपानक पवित्र टावर के बारे में घबराने में व्यस्त हो जाएंगे और मैं स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूम सकता हूँ। हे, बुरा नहीं है, इवा ने आकर्षक ढंग से हंसते हुए कहा, क्योंकि उसे बहुत खुशी महसूस हुई जब उसने सोचा कि इस योजना के क्रियान्वयन के बाद कल्पित बौने कैसे पागल हो जाएंगे। तुम खुद भी बुरे नहीं हो, एस भी हंसा और उसे मानना पड़ा कि इवा अभी भी वही चतुर लड़की थी जो आज तक उसे ढूंढने में कामयाब रही थी। एस ने तब गंभीरता से कहा, अब हमें उस अंतरिक्ष केंद्र को खोजना होगा और यह इस गुप्त स्थान के केंद्र में होना चाहिए और कहीं भी छिपाया जा सकता है। इवा ने फिर मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बताया, आपको क्या लगता है यह टावर कहाँ खड़ा है? इवा की मनोरंजक मुस्कान को देखकर एस की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ, ईव ने सिर हिलाया, ये वास्तव में इस स्थान का केंद्र है और मैं आपको कुछ दिलचस्प बात बताती हूँ। संरचना के ठीक नीचे एक अजीब खोखला क्षेत्र है और इस टावर के फर्श में भारी मात्रा में एनर्जी स्थानांतरित हो रही है। तो यहीं पर सारी एनर्जी जाती है, एस ने आश्चर्य से कहा। इवा ने पुष्टि में हंसते हुए कहा, अगर आपने मुझे इस स्पेस कोर के बारे में नहीं बताया होता तो मैं इस घटना पर कभी ध्यान नहीं देती। वह स्पेस कोर संभवतः उस संरचना के नीचे है और इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी संभवतः उसी से आ रही है या वहां एक विशाल एनर्जी पत्थर की खदान है। लेकिन सोल क्रिस्टल लोड और एनर्जी स्टोन लोड दोनों को एक साथ रखना काफी अवास्तविक है। ये सबसे अधिक संभावना है कि आप यही खोज रहे हैं। एस को पता था कि वह दो अलग अलग खदानों के एक साथ मौजूद होने के बारे में सही कह रही थी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? वह अब उस स्पेस कोर पर अपना हाथ पाने के लिए काफी उत्सुक था, क्योंकि उसके चोर का स्थान इसके साथ उन्नत हो जाएगा, जो कि अच्छी खबर के अलावा और कुछ नहीं था। इवा ने होंठ सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, तुम जाने के लिए इतने उत्सुक हो, है ना? एस ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ खजाना खोजने के लिए उत्सुक हूँ। इवा ने घृणा से अपनी आंखें घुमाई, जैसा कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी। फिर भी उसने अपनी आंखें फर्श पर केंद्रित कर ली और अगले ही पल वह खुल गई और एक लंबी काली सीढ़ी दिखाई दी। इवा ने कहा, ये सीढ़ी हमें सबसे निचली मंजिल तक ले जा सकती है जहां इस टावर का निकास है। एस ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलें महोदया। उलझे हुए हाथों से वे आगे बढ़ने लगे और लंबी सीढ़ियां उतरने लगे, जबकि एस कहीं अंतहीन समुद्र में गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। एक पारदर्शी अवरोध में बंद एक उदास नाव तेज गति से आगे बढ़ रही थी, अराजक जल को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, जबकि चारों ओर की हवा धुंधली थी। पाल के ऊपर एक सुंदर आकृति खड़ी थी जो धक्कों से प्रभावित नहीं लग रही थी।
वह काले प्राचीन खंडहरों में चमकती हुई कांस्य संरचना प्लेट को देख रही थी और वहां एक अजीब सुई एक निश्चित दिशा की ओर इशारा कर रही थी और यह ठीक वही दिशा थी जिस ओर नाव चल रही थी। उसकी मधुर आवाज में उल्लास गूंज उठा, मैं छिपे हुए प्रवेश द्वार के पास पहुंच रही हूं, जबकि वे मूर्ख अभी भी मुख्य प्रवेश द्वार के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वे प्रवेश करेंगे मैं उस आत्मा की आग के साथ बहुत पहले ही चली जाऊंगी और फिर उस घृणित चोर की तलाश में शामिल हो जाऊंगी। काले सागर की गहराई में रीगल फीन टॉवर के टुकड़े समुद्र तल पर बिखरे पड़े थे तथा और भी अधिक डूब रहे थे। वह मीनार जो टूटी हुई अवस्था में भी कभी नहीं टूटी थी अब टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगी थी। टावर का निचला हिस्सा समुद्र तल के भीतर गहराई तक घुसा हुआ था और यह एक विशाल भूमिगत क्षेत्र में जाता है। यह पूरा क्षेत्र जटिल रूनों से भरा हुआ था। टावर ने रूनिक क्षेत्र के 95% हिस्से को कवर किया था तथा इसका आकार 2000 मीटर से अधिक था। इस समय रीगल फीन टॉवर का 100 मीटर ऊंचा काला गेट बहुत लंबे समय के बाद खुला, जिसमें एस और ईवा एक दूसरे का हाथ थामे हुए दिखाई दिए। एस ने बाहर की ओर देखा और उसकी नजर बाहर फर्श पर उकेरे गए रूनस पर पड़ी। ये संरचना उस संरचना से सैकड़ों गुना बड़ी है जिसका उपयोग मैं यहाँ आने के लिए करता था। मुझे आश्चर्य है कि क्यों और किसने इस गुप्त क्षेत्र को बनाया और फिर इसे छोड़ दिया, एस ने जोर से आश्चर्य व्यक्त किया। या फिर उस बूढ़े कमीने ने मूल निवासियों का कत्लेआम कर दिया और उनके सारे संसाधन खुद ले लिए। ईवा ने ठंडी सांस ली। एस उसकी बात से पूरी तरह सहमत था। वह जानता था कि बूढ़ा भूत ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम है। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि यह जगह काफी चौड़ी थी और टावर की छत में एक बड़ा सा छेद हो गया था और छत पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी जो अब टूट चुकी थी। इस जगह पर निश्चित रूप से बाढ़ आ जाएगी जैसे ही यह टावर हटाया जाएगा। खैर यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें इसे उस जगह पर भेजने की जरूरत है जहां से सारी एनर्जी आ रही है, उसने ईवा को देखते हुए सवाल किया। सच कहा जाए तो यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि इस टॉवर के नीचे का स्थान वास्तव में अंतरिक्ष कोर है या नहीं, इसलिए ऐसे से दूर नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि अगर वे गलत साबित होते तो वे फंस जाते। ईवा ने तथ्यात्मक रूप से कहा, यदि आप खुदाई करना चाहते हैं तो आपको इस मंजिल को तोड़ना होगा और मुझे नहीं लगता कि इस आधार को नष्ट करने के बाद टेलीपोर्टेशन संरचना काम करेगी। भले ही आप इस टॉवर को यहां रहने दें और इस मंजिल को तोड़ दें, ये फिर से संरचना को बेकार कर देगा और टॉवर भी बना रहेगा। या उसने दीवार की ओर देखा और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, या हम बस उस दीवार को नष्ट कर दें और वहां खुदाई करें, एस ने हंसते हुए कहा। मैं अंत तक सभी उपलब्ध विकल्पों को रखना पसंद करता हूं। मैं यहां फंसने के बजाय कल्पित बौनों के साथ अपनी किस्मत आजमा सकता हूं। जहां तक खुदाई की बात है तो मैं अब इसमें एक तरह से विशेषज्ञ हूं। हे कितने साधन संपन्न, ईवा खुशी से हंस पड़ी। एस ने उसे तिरछी नजर से देखा, कम से कम हम में से एक को तो इसमें कुछ मजा मिल रहा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खुदाई करूं, ईवा ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन वह मुस्कान खतरनाक अर्थों से भरी थी। तुम मुझे क्या समझते हो, एस ने सख्ती से जवाब दिया। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दी, जिससे एस झेप गया और वह काम पर लग गया। लेकिन उससे पहले वह साइरस को फिर से बाहर निकालता है, जो तुरंत ही अपनी मर्जी के विरुद्ध उसके अचानक चले जाने के बारे में नाराजगी से शिकायत करना शुरू कर देता है। एस ने अपने कंधे पर बैठे गुस्से वाले पक्षी को देखते हुए हैरानी से कहा, ठीक है मैं गलत था, अब खतरे पर ध्यान दो। वह जानता था कि साइरस की इंद्रियां कितनी सटीक थीं और इस तरह की स्थिति में उनका उपयोग न करना व्यर्थ होगा। यदि उन्हें भूमिगत गहराई में किसी खतरे का सामना करना पड़ता तो साइरस उसे तुरंत चेतावनी दे सकता था, क्योंकि इस गुप्त क्षेत्र में उसका भाग्य मानचित्र ठीक से काम नहीं कर रहा था तथा केवल रंग ही दिखा रहा था। अभी ये स्थान एक अस्पष्ट क्षेत्र था, लेकिन वह गहरे भूमिगत क्षेत्र के बारे में निश्चित नहीं था। हम कहाँ जा रहे हैं, जब साइरस ने उसका आदेश सुना तो उसे तुरंत दिलचस्पी हुई। हालांकि एस के जवाब देने से पहले ही ईवा ने साइरस को उसके कंधे से उठा लिया था। साइरस पहले तो चौंक गया और अगर ईवा उसे नहीं उठा रही होती तो वह आसानी से उन हाथों को जलाकर राख कर सकता था। ईवा ने छोटे लड़के को देखा जो चमकती आंखों के साथ बेहद नर्म और गर्म था। उसने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई खुदाई करने वाला है, इसलिए तुम मेरे साथ रह सकते हो, तुम्हारी बड़ी बहन नहीं तो तुम गंदे हो जाओगे। फिर उसने एस की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक कठोर भाव था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर साइरस ने ईवा की कोमल मुस्कान की तरफ देखा और फिर गंभीरता से सिर हिलाया, ठीक है। अच्छा, ईवा संतुष्ट हो गई और उसने छोटी चिड़िया को अपने कंधे पर रख लिया और फिर एस की ओर देखा और बोली, तुम खुदाई क्यों नहीं कर रहे हो। दरिद्र, वह केवल उस छोटे गद्दार को देख सकता था जो अब खुशी से उस नर्म लचीले कंधे पर बैठा था। सफेद तलवारें प्रकट हुई और बिजली की तरह दीवार की ओर बढ़ी। ईवा, जो एस को चिढ़ाने का आनंद ले रही थी, जब उसने उन हल्की तलवारों को देखा और उनसे निकलने वाली खतरनाक अनुभूति को देखा तो वह चौंक गई। उसने आश्चर्य से एस की ओर देखा और बोली, क्या तुम स्वॉर्ड इंटेंट को समझते हो।
एस उसके हैरान चेहरे को देखकर खुद को अच्छा महसूस करने से नहीं रोक पाया। उसने अभी तक उसे अपनी लड़ने की क्षमता या कौशल के बारे में नहीं बताया था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह चौंक जाएगी। उसने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, ये तो बस तलवारबाजी का इरादा है, क्या तुम्हें इस तरह से प्रतिक्रिया करने की जरूरत है? इवा अवाक रह गई और आखिरकार उसे पता चल गया कि यह आदमी उसे चिढ़ा रहा था, और उसने कहा, क्या दिखावा है। लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी काफी चिंतित थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने वाकई उसे कमाका था, शायद उसे मेरी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एस ने उससे झगड़ा नहीं किया और जब उसने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो केवल विजयी भाव से मुस्कुराया। वह जानता था कि वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी और उसे 15 साल पहले जैसा ही व्यक्ति समझती थी। वह सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर उसके मन को शांत करना चाहता है। वह अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम था और उसे मारना आसान नहीं था। जैसे जैसे एस अपनी तलवार की नियत से सुरंग बना रहा था, इवा उसकी तलवार की नियत पर उसके नियंत्रण को देखकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हो रही थी, और अब वह सचमुच कुछ हद तक उत्तेजित महसूस करने लगी थी, क्योंकि वह सिर्फ उसकी ढाल बनना चाहती थी जिस पर वह भरोसा कर सके, और अपनी नई वंशावली प्राप्त करने के बाद वह बहुत आश्वस्त थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अगर वह इसी तरह सुधार करता रहा तो वह अभी भी उसके साथ बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं थी। वह जानती थी कि अपनी दिव्य विशेषता और गुप्त कौशल के बिना वह अपनी वर्तमान साधना के साथ तलवार की मंशा वाले किसी व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वह अब साधना पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में बेहद गंभीर थी। दूसरी ओर साइरस ईवा के साथ मस्ती से बातें कर रहा था और उसे अपने छोटे से अनुभव के बारे में बता रहा था, खास तौर पर जब ऐसा आगे बढ़ रहा था। यह उसकी सबसे गहरी याद थी। एस ने उसे ईवा को बताने से नहीं रोका क्योंकि वह पहले ही उसे अपनी विशेष विधि के बारे में बता चुका था। फिर भी जब इवा ने साइरस को स्वर्गीय दंत का वर्णन करते हुए सुना, जिसे एस ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया था, तो वह अभी भी हैरान थी और उदास होकर सुन रही थी। इसी तरह एक घंटा बीत गया जब साइरस ने अचानक बात करना बंद कर दिया और सामने देखकर कहा, उस दीवार के पीछे कुछ है। साइरस की चेतावनी सुनकर एस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्या आपने यहाँ घने एनर्जी को देखा है? इवा ने सिर हिलाया, हाँ, हम जितना गहरे जाएंगे एनर्जी उतनी ही सघन होगी। ऐसा लगता है कि हम सही जगह पर हैं और यह कोई खदान भी नहीं है। ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि हम कहाँ हैं। एस की आंखें तेज हो गईं क्योंकि उसने तलवार की रोशनी का इस्तेमाल करके आगे की दीवार पर हमला किया और उसे तोड़ दिया। वह पहले ही भाग्य का नक्शा देख चुका था और वह अभी भी धूसर रंग का था, जिसका अर्थ केवल यही था कि यह स्थान सुरक्षित था। जिस क्षण दीवार टूटी, एनर्जी से भरा एक बादल जैसा कोहरा मार्ग में प्रवेश कर गया। कितना ताजगी भरा, साइरस ने खुशी से कहा, यहाँ तक कि एस भी मोटी एनर्जी से चकित था और इस समय सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट ने 2 SP अवशोषित कर लिए हैं, होस्ट ने 4 EXP अवशोषित कर लिए हैं, होस्ट ने 1 SP अवशोषित कर लिया है, होस्ट ने 3 EXP अवशोषित कर लिए हैं, होस्ट ने 5 SP अवशोषित कर लिए हैं, होस्ट ने 2 EXP अवशोषित कर लिए हैं, होस्ट ने 3 SP अवशोषित कर लिए हैं। ये बिल्कुल उस समय की तरह है जब मैंने सोल क्रिस्टल स्रोत की खोज की थी, और एनर्जी अवशोषण तो और भी हास्यास्पद है, एस ने उत्सुकता से आगे बढ़ते हुए कहा। वह जानता था कि चूंकि यहाँ एनर्जी अवशोषण इतना अधिक है तो एनर्जी घनत्व भी काफी अधिक होगा, और यह स्थान जो भी हो यह अपने आप में एक खजाना था। इवा भी चमकती आंखों के साथ पीछे पीछे आ रही थी। यह उसका पहली बार था जब वह इतनी घनी एनर्जी के संपर्क में आई थी। जैसे ही वे खुली दीवार के पास से गुजरे, उन्हें एक अजीब दृश्य का सामना करना पड़ा। हालांकि वह जगह सफेद धुंधली एनर्जी से भरी हुई थी, लेकिन वे दूर तक काली चमक को साफ तौर पर देख सकते थे, जैसे कि वह इस जगह का केंद्र बिंदु हो। इस केंद्र बिंदु से कुछ मीटर ऊपर 50 मीटर बड़ा निर्वात था और धुंध भयावह गति से उस निर्वात में समा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हमें अपना लक्ष्य मिल गया है। एस की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने काले फोकल बिंदु और वैक्यूम को देखा। ये शून्य स्पष्ट रूप से शाही राक्षस टॉवर का काम था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि एनर्जी बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो रही थी, जैसे कि वह अंतहीन थी। सिस्टम स्वतंत्र अंतरिक्ष कोर है, एस ने सिस्टम से पूछा क्योंकि वह सुनिश्चित होना चाहता था। हाँ, जब तक होस्ट इसकी 10 मीटर की रेंज में प्रवेश करता है, सिस्टम इसे वहां से ले सकता है। सिस्टम के रहस्योद्घाटन को सुनकर एस की भौहें तन गईं। उसने सोचा कि उसे उस चीज को पकड़ना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह भाग्यशाली था क्योंकि सिस्टम व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाला था और यह सुरक्षित नहीं हो सकता था। आप तावा को दूर भेज सकते हैं, मैं उस चीज से छुटकारा पाने जा रहा हूँ, एस ने बिना किसी हिचकिचाहट के इवा से कहा। इवा एक क्षण के लिए चौंक गई, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि एस मजाक नहीं कर रहा था और इस बार वह आश्वस्त था। ठीक है, सावधान रहना। टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले धीरे से चेतावनी दी। एस ने केवल मुस्कुराया और काले फोकल पॉइंट की ओर बढ़ गया।
लेकिन उसने भाग्य मानचित्र को सक्रिय रखा ताकि अगर कोई अप्रत्याशित जाल सामने आ जाए तो वह बच न सके। लेकिन वह सिर्फ पागल हो रहा था और वह बिना किसी रुकावट के 10 मीटर की दूरी तक पहुंच गया। अगर कुछ भी हो तो एनर्जी अवशोषण अब कम से कम 20 एसपी और 20 एक्सपी था, जो उसके एसपी और एक्सपी को आश्चर्यजनक दर से भर रहा था। फिर भी वह 150 मिलियन के आंकड़े तक पहुंचने से अभी भी बहुत दूर है। वह सिस्टम से पूछने ही वाले थे कि आगे क्या करना है, तभी नोटिफिकेशन अपने आप बज उठा। होस्ट ने सबसे कम ग्रेड का स्वतंत्र स्पेस कोर खोजा है, एक विकल्प का चयन करें। एक, क्या आप इसे इकट्ठा करना चाहते हैं? दो, क्या आप इसे अवशोषित करना चाहते हैं और अपने जीवित चोर के स्थान को 1000 घन मीटर स्थान जोड़ 5 मानव स्टोरेज क्षमता तक उन्नत करना चाहते हैं? क्या मैं इसे इकट्ठा भी कर सकता हूँ? एस के होंठ मुने हुए थे। मुझे इस अपग्रेड के लिए 100 ग्रेड 8 स्टोरेज रिंग और 50 मिलियन चोर पॉइंट की जरूरत है, जबकि मुझे किसी भी चीज के लिए स्पेस कोर की जरूरत नहीं है, या मुझे इसके इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और सिस्टम ने मुझे बताने से इनकार कर दिया। भले ही मुझे पता हो कि चोर का स्पेस मेरे लिए किसी भी चीज से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, मैंने दूसरा विकल्प चुना, चोर के स्थान को उन्नत करें। एस जानता था कि केवल एक ग्रेड 8 स्टोरेज रिंग पाना लगभग असंभव था, 100 इकट्ठा करना तो और भी मुश्किल था। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के पास भी एक रिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए चोर के स्थान को अपग्रेड करना एक बेहतर विकल्प था, जबकि उसके पास अभी भी मौका था। इस अपग्रेड के बाद केवल एक आखिरी अपग्रेड बचा होगा, जिसके लिए ग्रेड 9 स्टोरेज स्पेस ट्रेजर और ग्रेड 9 टाइम टाइप ट्रेजर की आवश्यकता होगी। यह अभी के लिए पूरी करना असंभव शर्त थी। जिस क्षण इसने विकल्प चुना, उससे मात्र 10 मीटर की दूरी पर स्थित काला केंद्र बिंदु अचानक कांप उठा और एस के आश्चर्यचकित भाव के कारण अगले ही क्षण वह गायब हो गया। इतनी जल्दी, वह सिस्टम की कार्यकुशलता पर आश्चर्यचकित था और उसे ये भी देखने का मौका नहीं मिला कि उसने अंतरिक्ष कोर को किस तरह संभाला। जब उसे कुछ आभास हुआ तो वह अपनी अचंभे की स्थिति से बाहर आया और उसने तुरंत चोर के स्थान पर नजर डाली। इस समय चोर का स्थान खतरनाक गति से फैलने लगा, क्योंकि चारों कोनों में स्थित सभी स्टोरेज रिंग अब छोटे छोटे ढेर की तरह दिखने लगे, जो स्थान के केंद्र में एक रिंग बना रहे थे। जल्द ही चोर के कमरे का आकार दोगुना हो गया और चोर के घर के सदस्यों के कमरे का आकार भी उसी समय बढ़ गया, जिससे दोनों महिलाएं चौंक गईं। विस्तार पूरा होने के बाद सिस्टम की आवाज बजी, लिविंग थीफ स्पेस को अपडेट कर दिया गया है। जीवित चोर की अंतरिक्ष स्थितियां, स्टोरेज स्थान क्षमता 1000 घन मीटर, रहने की जगह की क्षमता 1, 9 मानव रूपी प्राणी, मानव, राक्षस, शिकारी आदि, 2, 99,999 कोई मानव नहीं, जानवर, जड़ी बूटियां, पौधे, प्राकृतिक खजाने आदि। एस नए उन्नयन पर संतुष्टि में मुस्कुराया और नोआ और फ्रेया को स्थिति पर एक छोटा सा अपडेट देने के बाद उसका ध्यान फिर से बाहर की ओर चला गया। लेकिन सिस्टम अभी काम पूरा नहीं कर पाया था कि एक और नोटिफिकेशन फिर से बज उठा, जिससे वह चिंतित हो गया। निम्न ग्रेड 7 आत्मा क्रिस्टल स्रोत का पता चला है। निम्न ग्रेड 7 एनर्जी स्टोन नस का पता चला है। होस्ट को आत्मा क्रिस्टल स्रोत और एनर्जी स्टोन नस को अवशोषित करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। पुरस्कार 1, 200 मिलियन EXP और 200 मिलियन SP। 2, होस्ट एनर्जी स्टोन्स और सोल क्रिस्टल से EXP और SP को अवशोषित करने में सक्षम होगा ग्रेड 4 से ग्रेड 7 तक। एस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने यह अप्रत्याशित अधिसूचना देखी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे मत बताओ कि यह जगह वास्तव में एनर्जी पत्थरों और आत्मा क्रिस्टलों का भंडार है, और वह भी ग्रेड 7 वाली। रोमांचित होकर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने आदेश दिया, अवशोषण शुरू करो। जब एस ने अंतिम आदेश दिया तो उसके चारों ओर की धुंधली एनर्जी हलचल करने लगी, इससे पहले कि वह उग्र रूप से उसके शरीर में समा जाए। इसके बाद ऊपर का चूषण बल भी अचानक गायब हो गया और सारी एनर्जी अब केवल एस द्वारा अवशोषित कर ली गई, और यह गति पिछली चूषण शक्ति की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। इवा ने इस समय अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने ये भी देखा कि एनर्जी अचानक दूसरे केंद्र बिंदु पर इकट्ठा हो रही थी और पुराना अंधेरा केंद्र बिंदु किसी तरह गायब हो गया था। वह इसको देखने के लिए उसकी ओर जाना चाहती थी, तभी साइरस ने कहा, आह भाई, सब कुछ सोख रहा है। इवा चौंकी और अनिश्चितता से उस छोटे लड़के की ओर देखने लगी, यह एस है। साइरस ने सिर हिलाया और चमकती आंखों से जवाब दिया, वास्तव में मैं स्पष्ट रूप से समझ सकता हूं कि कोई गलती नहीं है। इवा की आंखें आश्चर्य से चमक उठी जब उसने एनर्जी को एस के अंदर समाते हुए देखा, जैसे वह एक अथाह गड्ढा हो। उसने अपने होंठ भींच लिए, मैं भी उसकी तकनीक को नहीं समझ सकती, या शायद मैं बहुत कमजोर हूँ। आखिर वह किस स्तर पर है, उसने सोचा, जैसे उसे संकट का एहसास हो रहा हो। 15 मिनट बीत गए और घना कोहरा अब पारदर्शी होने लगा था। एस की आकृति आखिरकार देखी जा सकती थी, क्योंकि वह इस एनर्जी के ठीक बीच में खड़ा था, पूरी तरह से इसे अवशोषित करने में डूबा हुआ था। इवा अब और भी ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एस एनर्जी को अवशोषित नहीं कर रहा था, वह इसका सार ही अवशोषित कर रहा था।
इसका मतलब ये था कि वह सचमुच इस जगह से एनर्जी को लूट रहा था और अब इसे वापस पाना संभव नहीं था। यहाँ तक कि राक्षस टॉवर भी सार को अवशोषित करने की हिम्मत नहीं कर सका, जो कि दो ग्रेड 7 लॉर्ड्स के अलावा और कुछ नहीं था, और यहाँ तक कि उन दो लॉर्ड्स को समाप्त होने से बचाने के लिए कई उच्च ग्रेड की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सिस्टम बिना किसी परवाह के उन्हें सुखाकर साफ कर रहा था। देखो बड़ी बहन, ये अजीब लाइनें हैं। इस समय साइरस की जिज्ञासु आवाज ने इवा का ध्यान आकर्षित किया। उसने आखिरकार चारों ओर देखा। घने कोहरे के कारण वे इस जगह का वास्तविक स्वरूप नहीं देख पा रहे थे। हालांकि अब जब एनर्जी लगातार एस द्वारा अवशोषित हो रही थी तो आसपास की जगह दिखाई देने लगी। ये स्थान 200 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक आकार का था और यह अजीब काली रेखाओं से भरा हुआ था जो अत्यंत आंखों को लुभाने वाली थी, और वे सभी एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप कर रही थी। न केवल वे काले रंग की चमक में चमक रहे थे, बल्कि जब इवा ने उन्हें करीब से देखा तो उसने ये भी पाया कि चमक फीकी पड़ रही थी, क्योंकि एस एनर्जी को अवशोषित कर रहा था। इसके अलावा कुछ रेखाएं उस चमक से पूरी तरह मुक्त थी और वे इस तरह से टूटने लगी जैसे कि उन्होंने अपना आधार खो दिया हो या कुछ और। जैसे जैसे एनर्जी पतली होती गई, अधिक रेखाओं की चमक खत्म होती गई और उनमें दरारें पड़ने लगी। इवा को उन काली रेखाओं से कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वह चिंता में चिल्ला उठी, एस एनर्जी को अवशोषित करना बंद करो, कुछ ठीक नहीं है। एस ने तुरंत अपनी आंखें खोली और भौहें सिकोड़ ली। वह अपने अंगों को हिलाने में पूरी तरह सक्षम था, क्योंकि यह सिस्टम ही था जो वास्तविक अवशोषण कर रहा था। उसने उन काली रेखाओं को भी देखा जिस क्षण उसकी दृष्टि स्पष्ट हुई। उन्हें भी एक अजीब सी अनुभूति होने लगी जब वे बोल रहे थे, सिस्टम ये क्या है? चूंकि अंतरिक्ष कोर को अवशोषित कर लिया गया है, इसलिए अंतरिक्ष सील जो एक गुप्त क्षेत्र को बरकरार रखते हैं, वे मुरझा रहे हैं। ये प्रक्रिया लंबी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि होस्ट पहले से ही इस क्षेत्र के एनर्जी भंडार को अवशोषित करने की प्रक्रिया में था, इसलिए यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से तेज हो गई है। सिस्टम सुझाव देता है, आप शैडो एबिसल डेविल को उन सीलों के पूरी तरह से खर्च होने से पहले ही स्टोर कर लें, अन्यथा उसका अस्तित्व पता चल जाएगा। तुम्हें मुझे पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। एस को आखिरी हिस्सा सुनकर गुस्सा आया। फिर भी अब उसके पास समय नहीं था, क्योंकि उन स्पेस सील्स में से आधे से ज्यादा टूट चुकी थी। उसने अपना सिर घुमाया और इवा के चिंतित भाव को देखा। उसने दुखी होकर आह भरी और कहा, मेरा हाथ पकड़ो। उसने अपना हाथ चूषण बल के खिंचाव से बाहर तक पहुंचाया। क्यों? इवा ने पूछा, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी वह आगे बढ़ी और कुछ कठिनाई के साथ वह उसका हाथ छूने में कामयाब रही। यह क्षेत्र विलय होने जा रहा है, आपको मेरे स्टोरेज स्पेस में प्रवेश करना होगा, विरोध मत करना। एस ने अफसोस जताते हुए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह सब अचानक हो जाए। लेकिन वह लालची होने और इसके बारे में पूछताछ न करने के लिए केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता है, अन्यथा वह आसानी से इस स्थिति से बच सकता था। इवा के चेहरे के भाव बदल गए और वह कुछ कहना चाहती थी, तभी उसे एक भयानक खिंचाव महसूस हुआ जो उसे निगल जाना चाहता था। लेकिन चूंकि वह खिंचाव एस के हाथ से आ रहा था, इसलिए वह जानती थी कि वह उसे अपने भीतर खींचना चाहता था। इसलिए उसने विरोध नहीं किया और कोमल प्रेम भरी निगाहों से उसकी ओर देखने के बाद वह साइरस के साथ गायब हो गई। एस को बहुत बुरा लगा जब उसने अभी भी अपनी उंगलियों पर उसका गर्म स्पर्श महसूस किया और झुंझलाहट में बोला, तुम पागल हो। जिस अस्तित्व को उसने कोसा था वह हमेशा की तरह अलग थलग लग रहा था। परेशान होकर उसके पास अपने क्रोध को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और फिर उसने चोर के भीतर झांका। इवा अंधेरे स्थान में साइरस के साथ दिखाई दी थी, लेकिन एस के विचार से उसने सबसे कीमती चमकदार प्रकाश पत्थरों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपने चोर स्थान के चारों तरफ से हमला कर दिया, जिससे वह इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगा उठा। इसके बाद एस ने सब कुछ वापस कोनों में रख दिया और एक पल में जगह को साफ कर दिया, और जो कुछ बचा था वह था कुछ अंडे और बीच में एक काली चादर, क्योंकि वे जीवित थे। ओह, और 120x20 काले धातु का क्यूब। यह एक जेल थी जो अपने कैदियों को असली चोर की जगह देखने से रोकती थी, और यह घन भी साधारण धातु से नहीं बनाया गया था। यह एक निम्न श्रेणी 5 खजाना था जो विशेष रूप से पीक सोल दायरे से नीचे के साधकों को दबाने के लिए बनाया गया था। उसे ये किसी साधक की स्टोरेज रिंग में मिला था। हालांकि चूंकि चोर का स्थान अंदर के प्राणियों को पूरी तरह से दबा सकता है जब तक वह चाहे, ऐसे इस खजाने को एक साधारण जेल के रूप में उपयोग कर रहा था। लेकिन इवा को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि इस जगह के प्रति उसकी स्वाभाविक निकटता है, और किसी कारणवश वह यहां से जाना ही नहीं चाहती थी। इतना ही नहीं, वह महसूस कर सकती थी कि यहां साधना करने से उसे कहीं अधिक लाभ मिल सकता है, यहां तक कि बाहरी मुख्य क्षेत्र की चरम अवस्था से भी अधिक। उसके पास फिर से एस के पीछे के ईश्वर का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और अब वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि एक अथाह रक्तरेखा भी इस अस्तित्व से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। फिर भी चूंकि यह सब उसका था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके लिए खुश थी, और अब वह पहले की तरह चिंतित नहीं थी। ये बड़ा हो गया है,
साइरस ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि यह जगह पहले जितनी बड़ी नहीं थी। आखिरकार यह उसका घर था। अंत में अब स्थान का केंद्र भी साफ हो गया था, और अब जब रिंग वॉल मौजूद थी तो वह आकर्षक नहीं लग रही थी। ये काफी बड़ा है, इवा ने भी सिर हिलाया और उत्सुकता से चारों ओर देखा, और जब उसने चारों कोनों में फैले उन लाखों स्टोरेज छल्लों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तुमने ये सब चुराया है, वह खुद को रोक नहीं सकी और बोल पड़ी, बुरा नहीं है, है न? एस की आवाज गर्व से भरी हुई थी। वह इवा की प्रतिक्रिया से खुश था। इवा ने सिर हिलाया, और जब उसने एस के साथ हुए सभी कारनामों के बारे में सोचा तो उसे अब ये सब चौंकाने वाला नहीं लगा। आखिरकार उसने बाहरी दानव प्रांतों के खजानों के सबसे बड़े संगठन को खाली कर दिया था। वहाँ कौन जाता है, ये कौन सी जगह है? अचानक एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जिसने सभी का ध्यान बड़ी काली जेल की ओर खींचा। अहम, मैं इसे तुम्हें संभालने दूंगा, एस ने कुछ शर्मिंदगी के साथ पूछा, क्योंकि वह लिविया का अपहरण करने के बाद उसे पूरी तरह से भूल गया था। इवा के होंठ मुड़ गए, शैतानी मुस्कान बनाते हुए उसने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं लंबे समय से एक नौकरानी रखना चाहती थी। एक राजकुमारी को नौकरानी बनाना मेरी स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, साइरस? साइरस उलझन में पड़ गया और पूछा, बड़ी बहन, नौकरानी क्या होती है? क्या मुझे भी एक नौकरानी मिल सकती है? साइरस के मासूम सवाल से इवा कुछ देर के लिए चौंक गई, फिर वह खुशी से हंस पड़ी, बेशक, चलो बड़ी बहन, हम तुम्हें इसके बारे में ठीक से सिखाते हैं। एस, जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जब उसने काली जेल और फिर इवा के बीच देखा और उत्साहित साइरस उस ओर बढ़ रहा था। उसे अचानक लिविया पर दया आ गई और वह अब सोच रहा था कि क्या साइरस को इस शैतान से सीखने देना सही काम था। ठीक है, जब तक वह खुश है, बाकी कोई बात मायने नहीं रखती। एस ने जब देखा कि इवा अब उदास नहीं है या अकेलापन महसूस नहीं कर रही है, तो वह धीरे से मुस्कुराया और अपना ध्यान बाहर की ओर लगा लिया। आधे घंटे बाद सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, ग्रेड 7 एनर्जी स्टोन नस पूरी तरह से अवशोषित हो गई है। ग्रेड 7 आत्मा क्रिस्टल स्रोत पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया है। होस्ट अब होस्ट साधना क्षेत्र सीमा के अनुसार एनर्जी स्टोन और आत्मा क्रिस्टल को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 तक की एक्सपी और एसपी में परिवर्तित कर सकता है। बधाई हो होस्ट, स्वर्गीय डार्क सी कोर दायरे के 9वें चरण और स्वर्गीय लाल पवन आत्मा कोर के 9वें चरण को प्राप्त करने पर। होस्ट स्थिति अपडेट कर दी गई है। मार्शल कल्टीवेशन हेवनली डार्क सी कोर स्टेज 9, एक्सपी 51291780, आत्मा साधना स्वर्गीय लाल पवन आत्मा कोर चरण 9, एसपी 50322010, एलिमेंटल ऑर्ब 0, एल्वेन महाद्वीप, एल्वेन राजधानी शहर, एल्वेन महल, एल्वेन पैलेस के ठीक नीचे हजारों फीट की ऊंचाई पर। वहां 1000 फुट से अधिक चौड़ी और दसियों फुट ऊंची जगह थी, और यह पूरी जगह सुंदर प्राचीन संगमरमर से बनी थी, और केवल फर्श ही बचा था क्योंकि वह जटिल रून से भरा हुआ था। प्रवेश द्वार पर 50 से ज्यादा शाही कल्पित रक्षक सुनहरे कवच में खड़े थे। कल्पितों ने इस जगह को पवित्र स्थान कहा, क्योंकि पवित्र मीनार में प्रवेश करने या बाहर निकलने का रास्ता यहीं से होकर जाता था। इस स्थान की खोज वर्तमान एल्वेन रानी ने तब की थी जब वह युवा थी, और किंवदंती के अनुसार उसने पवित्र आत्मा का आह्वान सुना था और इस तरह वह यहाँ आने में सफल रही। वह पवित्र टॉवर में प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति थी, और तब से एल्वेन जाति के लिए सब कुछ बदल गया क्योंकि वे पवित्र टॉवर के प्रभाव में पनपने लगे, और इसलिए यह उनका सबसे सुरक्षित रहस्य, उनकी पवित्र भूमि भी बन गई। इसी समय तेजी से कदमों की आवाज सुनाई दी और कुछ आकृतियां पवित्र स्थान में प्रवेश कर गईं। सबसे आगे एक बेहद खूबसूरत योगिनी थी जिसकी लंबाई 2 मीटर थी, लंबे चमकीले चांदी के बाल थे और उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट था। हालांकि इस समय उसकी चांदी की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। वह खून जमा देने वाली आभा छोड़ रहा था, जिससे उसके पीछे खड़े कल्पित बौने बहुत पीले पड़ गए थे क्योंकि उनके चेहरे उनके पैरों की ओर थे। वे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मौत की सजा मिलने का डर था क्योंकि वे जानते थे कि वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम था। क्योंकि सुनहरे मुकुट वाला यह एल्फ कोई और नहीं बल्कि प्रथम एल्फ राजा कंसोर्ट और वर्तमान एल्वेन राजा रेगनेंट था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वातावरण इतना अधिक क्यों उत्तेजित था तथा एल्वेन राजा इतनी तीव्र हत्या की मंशा क्यों प्रकट कर रहा था, तो इसका कारण ये था कि उसे अपनी प्रिय पुत्री एल्वेन क्राउन राजकुमारी के राक्षस के साथ द्वंद में मारे जाने का समाचार मिला था। इसके अलावा वह राक्षस वास्तव में छद्म मानव था और उसने किसी तरह पवित्र भगवान का अनुग्रह अर्जित कर लिया था, और वह इतना साहसी था कि पवित्र भगवान द्वारा दी गई चुनौती से भी सहमत हो गया था। यदि केवल इतना ही होता तो प्रथम एल्वेन राजा इतना रक्तपिपासु और तर्कहीन नहीं होता, लेकिन वह उस मानव की जीवित खाल उतारना चाहता था क्योंकि उसने लिविया को मार डाला था, जिसे वह इस दुनिया की किसी भी चीज से अधिक प्यार करता था। जहां तक खबर देने वाले की बात है, जो क्राउन प्रिंसेस लिविया होने का नाटक कर रही थी, वह स्वाभाविक रूप से राजा के हाथों सबसे क्रूर तरीके से मर गई।
कानून जागरूकता क्षेत्र के विशेषज्ञ के क्रोध के कारण उसकी राह भी नहीं बची। इसके अलावा जिन अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने यह गंभीर समाचार सुना वे भी चिंतित हो गए। लिविया की मृत्यु के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि एक मानव ने किसी तरह उनके पवित्र टॉवर में प्रवेश किया और यहां तक कि प्रभु का अनुग्रह भी प्राप्त कर लिया। उन्हें एक राजकुमारी के जीवन की जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि उनकी पूरी जाति का भविष्य दांव पर लगा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां उनका हित दांव पर लगा था। लेकिन उन्होंने अपनी चिंताओं के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने पहले एल्विन राजा को कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था, और वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी राय देने की हिम्मत की तो उनका भी वही हश्र होगा जो लिविया के हमशक्ल का हुआ था। जहां तक दूसरे एल्विन प्राइस रांडेल और उसके छोटे भाई तीसरे एल्विन राजकुमार जेरिस का प्रश्न है, वे अभी तक वापस नहीं आए थे। लेकिन कुछ उच्च अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि उन्हें राजकुमारी की मृत्यु के बारे में पता है और वे निकट भविष्य में प्रकट नहीं होंगे जब तक कि वे क्रोधित राजा से मिलना न चाहें। वे जानते थे कि उन दोनों भाइयों की नज़र हमेशा आसमान पर रहती थी और वे लिविया से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कई काम करते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि प्रथम राजा को सब कुछ पता था, लेकिन वह हमेशा उन्हें अनदेखा करता था और बच्चों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करता था क्योंकि वह भी उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता था। फिर भी उन्हें कुछ हद तक राहत मिली कि जब तक तीनों शासक उसके रास्ते में खड़े रहेंगे मानव कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वे सभी पवित्र टॉवर में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे और अधिक घुसपैठियों की तलाश कर रहे थे तथा उन्हें यथाशीघ्र नष्ट करना चाहते थे, जबकि राजा और रानी प्रकाश में मौजूद घुसपैठिए से निपट रहे थे। उन्होंने इस मामले में कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यदि टावर के भीतर एक से अधिक विदेशी घुसपैठिए थे और यदि वे उनकी जानकारी के बिना अंदर आ सकते थे तो वे निश्चित रूप से उनकी जानकारी के बिना बाहर भी जा सकते थे। यदि अन्य घुसपैठिए उस मानव की तरह लालची नहीं होते तो वे निश्चित रूप से अपने उच्च अधिकारियों को सचेत कर देते, और जब ये खबर फैलती तो वे सभी जानते थे कि पवित्र मीनार पर न केवल मनुष्य आक्रमण करेंगे बल्कि राक्षसी जानवर शिकारी दानव और यहां तक कि शैतान भी शांत नहीं बैठेंगे। एल्विन जाति अभी भी शीर्ष पांच जातियों के लिए एक साथ मेल नहीं खाती थी, इसलिए उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा, लेकिन वे अभी भी स्थिति को बचाना चाहते थे। इस समय प्रथम राजा संरचना के ठीक बीच में खड़ा था और उसने अपनी आस्तीन ऊपर की जिससे सात मंजिलों वाला टावर टैटू दिखाई दिया। उसने अपनी एनर्जी उसमें डाली और टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने की कोशिश की फिर से। इसका अर्थ यह है कि जब उसे समाचार मिला तो उसने तुरंत पवित्र टॉवर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश टेलीपोर्टेशन बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए वह यहाँ आया क्योंकि इस स्थान पर टेलीपोर्टेशन के काम न करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह सामान्य तरीका था जिसका उपयोग कल्पित बौने टॉवर में पुनः प्रवेश करने के लिए करते थे, सिवाय उन लोगों के जिनके पास सीधे प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, जैसे कि एल्विन राजा। बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि वे छठी मंजिल के दावेदार थे। हालांकि जब द्वार दिखाई नहीं दिया तो उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे, भले ही उन्होंने अपने टैटू में कितनी भी एनर्जी डाली हो। क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग एल्फ की घबराई हुई आवाज गूंजी। क्या ये हो सकता है कि हम एक सप्ताह के बाद ही प्रवेश कर सकें? एक विद्वान महिला योगिनी ने अनुमान लगाया, लेकिन अगले ही पल उसे ये शब्द कहने पर पछतावा हुआ, क्योंकि प्रथम राजा का आभामंडल अचानक बढ़ जाता है और पूरे स्थान में भयानक दबाव छा जाता है। वे सभी कल्पित प्राणी तुरंत ही अपने घुटनों पर गिर पड़े और उनका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उन्हें ये भी अनुमान हो गया था कि राजा का टैटू भी काम नहीं कर रहा था और उन्हें इसके कारण कष्ट उठाना पड़ेगा। हालांकि दबाव जल्द ही गायब हो गया क्योंकि प्रथम राजा की कर्कश बर्फीली आवाज गूंजी, हम इंतजार करेंगे। इसके बाद पूरा परिसर एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। कोई भी बोलने या हिलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वे सभी कठोर भावों के साथ प्रतीक्षा करते हैं। एक दिन से थोड़ा अधिक समय बीता था कि अचानक पूरा फर्श जगमगा उठा और किसी ने संरचना को सक्रिय कर दिया था। हालांकि प्रथम एल्विन राजा सहित सभी एल्विन आश्चर्यचकित थे क्योंकि यह संरचना पहले कभी इस तरह सक्रिय नहीं हुई थी और हमेशा एक दरवाजा दिखाई देता था। जैसे जैसे वे प्रतीक अधिकाधिक चमकीले होते गए, एल्विन राजा की खतरे की भावना चिंताजनक होती गई। मूर्ख, जल्दी से भागो, वह चिल्लाया। इससे पहले कि चांदी की एनर्जी बाहर निकलनी शुरू हो जाए, एल्विन राजा के शरीर को ढकते हुए वह बेहद राजसी और पवित्र लग रहा था। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकलने की ओर छलांग लगा दी। खतरे से बचने के लिए उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है और वहां रहना कोई निर्णय नहीं होगा। अगर वह मर गया या घायल हो गया तो वह अपनी बेटी का बदला कैसे ले सकता था। वे अधिकारी भी अपनी अचंभे की स्थिति से बाहर आए और राजा के पीछे भागने के लिए अपनी सबसे तेज तकनीक का प्रयोग किया। यहां तक कि उन्हें भी इस संरचना के बीच में रहते हुए संकट का एहसास होने लगा। अपनी गति के कारण वे भूमिगत मार्ग से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन राजा नहीं रुके क्योंकि वे भयानक गति से महल से बाहर निकल रहे थे। उन अधिकारियों ने भी देरी नहीं की और उनका पीछा किया। सब लोग महल से निकल जाओ, कुछ ठीक नहीं है, जल्दी करो।
एल्विन राजा की गूंजती आवाज पूरे एल्विन महल में गूंज उठी, यहाँ तक कि आसपास के कुछ नजदीकी इलाकों में भी उसकी आवाज सुनी गई, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत से लोगों को लगा कि कोई मौत को दावत दे रहा है और वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। वहीं जिन चंद लोगों ने इस चेतावनी पर ध्यान दिया वे लोग थे जो राजा की आवाज से परिचित थे। हालांकि राजा की चेतावनी के ठीक एक मिनट बाद कुछ अकल्पनीय घटित हुआ। एल्विन राजधानी में एक गगनभेदी आवाज गूंजी, उसके बाद एक भयानक भूकंप आया जिसने सभी को चौंका दिया और वे सभी स्रोत को देखने के लिए जल्दी से वहां पहुंचे। उनमें से कुछ को लगा कि उन पर हमला हो रहा है। हालांकि जिसने भी महल क्षेत्र की ओर देखा वह दंग रह गया मूर्ख और अपनी जगह पर जड़वत, क्योंकि उन सभी ने देखा कि एक समय के शानदार शाही महल के मलबे से मांस के कई टुकड़े और खून बह रहा था। लेकिन उनका पूरा ध्यान उस विशाल मीनार पर था जो जादुई तरीके से शाही महल में प्रकट हो गई थी। आकाश में एल्विन राजा दंग रह गया और उस टूटी हुई मीनार को देख रहा था, क्योंकि उसे इस रहस्यमयी मीनार की उत्पत्ति के बारे में भयानक अनुमान था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टावर अचानक हिलने लगा और किसी रेत के महल की तरह ढहने लगा। इसे रोको, एल्विन राजा घबरा गया और उसने दहाड़ते हुए विनाश को रोकने की कोशिश करने के लिए अपनी चांदी की एनर्जी का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर यह वास्तव में वही था जो उसने सोचा था तो वह इसे नष्ट नहीं होने दे सकता था। लेकिन अफसोस, चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसकी एनर्जी पूरे टावर को कवर नहीं कर सकी और किसी कारण से उसकी एनर्जी इसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार थी और अन्य कल्पित बौनों के अनुभव अलग थे। जब टावर का एक तिहाई हिस्सा ढह गया तो दो और कल्पित बौने आकाश में मंडराते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक अन्य सुंदर योगिनी थी जिसके सिर पर वैसा ही मुकुट था जैसा प्रथम राजा ने पहना था, जबकि दूसरी एक आकर्षक 11 सुंदरी थी जिसके सिर पर भव्य स्वर्ण मुकुट था। हालांकि उनके चेहरे पर हैरानी थी, मानो वे कोई सपना देख रहे हों। लेकिन अफसोस, काश ये कोई सपना होता। बुद्धिमान एल्फ्रेस पूरी तरह से पागल होने वाली है। आसमान साफ था, असंख्य चमकीले तारों से जगमगा रहा था, जबकि आज पूर्णिमा का चांद असाधारण रूप से चमकीला था। खूबसूरत चांदनी के नीचे पानी की अराजक लहरें उभर थीं और एकाकी लहरों की उभरा आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था जो एक अजीब उदासी भरी धुन पैदा कर रही थी। इस समय एक विचित्र घटना घटती है जब एक काल्पनिक अंधकार में छवि अचानक प्रकट होती है और अराजक तरंगों के साथ ओवरलैप होने लगती है। स्वच्छ नीला पानी अचानक ही मटमैले काले पानी से ढक गया, जिससे ये भयावह काली छवि काले पानी से भर गई। अचानक लहरों के आसपास का पूरा स्थान विकृत हो गया, इससे पहले कि प्रेत छवि साकार होने लगे, और पानी का स्तर अचानक बढ़ गया जिससे तिल्द लहरें पैदा हुई और पानी भी काला हो गया। अंतरिक्ष में यह विचित्र घटना 10 घंटे से अधिक समय तक चली, क्योंकि रात पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा अंधेरा आकाश अब सुनहरा होने लगा था। अराजक लहरें भी शांत होने लगी, जबकि काला पानी बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा था। अगर कोई आसमान से इस क्षेत्र को देखे तो ये साफ नीले समुद्र में एक काले धब्बे की तरह दिखाई देगा। 3 घंटे और बीत गए, सूरज क्षितिज पर आ चुका था। इस समय शांत गहरे काले पानी की सतह पर अचानक लहरें उठने लगीं। इस प्रकार एक हुड वाला सिर सामने आया और हुड के नीचे उसकी गहरी नीली आंखें सतर्कता से भरी थीं, जबकि वह चारों ओर देख रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक अंतहीन पानी ही पानी है, तो वह हैरान रह गया और निराशा में बुदबुदाया, मुझे मत बताओ ये राज्य कहीं अंतहीन समुद्र में विलीन हो गया है। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ऐसा था जो रीगल फाइन टावर द्वारा छोड़े गए बाढ़ वाले छेद से तैरकर सतह पर आया था। अगर वह छेद न होता तो उसे फिर से बाहर निकलने के लिए खुदाई करनी पड़ती। फिर भी उसे सतह तक पहुंचने में कुछ घंटे लग गए और उसे लगभग ऐसा लगा कि वह अभी भी अंधेरे क्षेत्र में है। लेकिन जब उसने देखा कि सतह पर रोशनी बढ़ रही है तो उसे पता चल गया कि वह बाहरी दुनिया में वापस आ गया है, क्योंकि वह जगह किसी भी तरह की धूप से मुक्त थी। हालांकि अपने आसपास का माहौल देखने के बाद वह अब उतना आशावादी नहीं रहा, क्योंकि यदि वह सचमुच अंतहीन समुद्र में पहुंच गया होता तो यह और भी अधिक परेशानी वाली बात होती, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस अज्ञात स्थान से कैसे निकला जाए। इस समय सिस्टम की आवाज बजी, इससे पहले कि एक पैनल बंद हो जाए। साइड मिशन पूरा हो गया है। साइड मिशन रहस्यमय अंतरिक्ष से बच निकलना। मिशन परिचय, होस्ट एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच गया है जो अज्ञात से भरा है। आवश्यकता, रहस्यमय अंतरिक्ष से भागने का रास्ता खोजें। स्थिति पूर्ण। पुरस्कार 1 10 मिलियन XP, 2 10 मिलियन XP, 3 1000 TP। सशर्त पुरस्कार 1 स्वतंत्र स्पेस कोर एकत्रित करें। दावा किया गया 54,810,950। अब समय आ गया है। एस ने उपहास करते हुए इंटरफेस बंद कर दिया, साथ ही उन 10 मिलियन XP और SP को बारिश के दिन के लिए बचा कर रखा। अब उसे EXP या SP की संख्या बढ़ाने के लिए उन कीमती जड़ी बूटियों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वह 8वें दायरे में न पहुंच जाए। जब तक उसके पास पर्याप्त एनर्जी पत्थर और सोल क्रिस्टल हैं, वह उनका उपयोग करेगा।
अधिसूचना पैनल को बंद करने के बाद उसने काले पाल पर शाही दानव परिवार के प्रतीक के साथ छोटी नीली नाव निकाली। ये वही नाव थी जिसका उपयोग उन्होंने गुप्त क्षेत्र में काला सागर में किया था। पानी से बाहर कूदने के बाद उसने अंततः राहत की सांस ली, क्योंकि वह अंततः गुप्त क्षेत्र से बचकर वापस आ गया था। लेकिन वह जानता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसे इस अनजान जगह से नीला पवन महाद्वीप की ओर अपना रास्ता खोजना था। चूंकि उसके पास कोई नक्शा नहीं था, इसलिए वह केवल दूसरे सबसे अच्छे विकल्प पर ही भरोसा कर सकता था, जो कि लाइव फेक मैप की दिशा थी। इसके अलावा उसका भाग्य ज्ञान भी उसे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाने के लिए बाध्य कर रहा था, लेकिन ये बहुत अस्पष्ट था। जब उसने भाग्य का नक्शा खोला तो उसे केवल धूसर रंग मिला तथा उस पर कोई भूभाग भी नहीं था, इसलिए वह केवल कंपास सूचक को ही देख सका, जो कि उसके भाग्य बोध की ही दिशा में इंगित था। एस ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि वह इस दिशा में नहीं जाना चाहता था। इस बार उसकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि अगर वह अंतहीन समुद्र में था तो कौन जानता है कि यह दिशा कितनी दूर है और यह उसे कहां ले जाएगी। यदि यह वीगल फीन टॉवर जैसा खजाना था तो वह खजाने की खोज के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, और वह 90% आश्वस्त था कि यह कोई और खजाना था, क्योंकि उसकी भाग्य बोध भी उसी दिशा में इशारा कर रही थी। लेकिन दूसरी दिशा में जाने से वह किसी अज्ञात स्थान पर भी पहुंच सकता है, और कौन जानता है कि उसे कोई जमीन मिलेगी भी या नहीं, और वह लक्ष्यहीन तरीके से भटकता रहेगा। इस अंतहीन समुद्र का नाम अंतहीन एक कारण से रखा गया था, और बिना किसी उचित समुद्री चैनल के कोई भी व्यक्ति बिना जाने ही आसानी से चक्कर लगा सकता था। इसके अलावा अंतहीन समुद्र समुद्री राक्षसी जानवरों जैसे अज्ञात खतरों से भरा हुआ था, जिनसे आत्मा प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ भी डरते थे, इसलिए वह लापरवाह नहीं हो सकता। जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसने हताश होकर अपने दांत पीस लिए, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। मुझे लगता है कि कोई दिशा न होने से कुछ दिशा बेहतर है। एक बार जब मैं जमीन पर पहुंच जाऊंगा तो मैं तुरंत किसी स्थानीय व्यक्ति से आत्मा परीक्षण करूंगा, ताकि पता चल सके कि मैं कहां हूं, और फिर सही दिशा में चलूंगा। मैं एल्विन महाद्वीप से बहुत दूर नहीं हो सकता, एस ने नाव को चालू करने से पहले गंभीरता से कहा और अधिकतम गति से कंपास दिशा में आगे बढ़ा। चूंकि अब वह स्वतंत्र था, उसने चोर के स्थान पर ईवा को देखने के लिए देखा और तुरंत चकित हो गया, क्योंकि उसने देखा कि ईवा के चेहरे पर झुंझलाहट थी, क्योंकि वह इस एल्विन सुंदरी को देख रही थी जिसकी सुंदरता फ्रेया के समान ही थी और ईवा से थोड़ी कम थी। वह स्वाभाविक रूप से एल्विन क्राउन राजकुमारी लिविया थी। लिविया ने ट्यूनिक ग्रीन रोब पहना हुआ था। वह 5-11 फीट लंबी थी और उसका फिगर एकदम सही घंटे के आकार का था। उसके चमकीले चमकीले चांदी के बाल उसे बेहद पवित्र बना रहे थे, जबकि उसका दिल के आकार का बर्फ सफेद चेहरा, छोटी नाक और गुलाबी होंठ उसके मनमोहक आकर्षण से पूरी तरह मेल खा रहे थे। उसकी आंखें रत्नों के समान चांदी की पानीदार थीं, लेकिन जिस तरह से वह देख रही थी वह उसकी वर्तमान स्थिति के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खा रहा था। सबसे पहले वह नाराज, घबराई हुई या यहां तक कि घबराई हुई भी नहीं लग रही थी। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो खुशी के अलावा और कुछ नहीं बता रही थी। दूसरा, उसने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ रखा था और अगर ध्यान से देखा जाए तो वह एक उल्लू के प्रतीक को बहुत धीरे से रगड़ रही थी, जो इसकी नजरों में काफी डरावना था। तीसरा, वह ईवा को प्रशंसा और लालसा से देख रही थी, जो और भी संदिग्ध था। एस ने जिस भी कोण से देखा, लिविया अपने अपहरण से बिल्कुल भी क्रोधित नहीं दिखी, इसके बजाय वह खुश थी। अंततः ईवा के क्रोधित चेहरे को देखकर एस को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। कुछ घंटे पहले जब ईवा चोर के स्थान में प्रवेश कर चुकी थी, काली जेल के सामने खड़ी ईवा ने जब लिविया की घबराई हुई लेकिन धमकी भरी आवाज सुनी तो वह कुटिलता से मुस्कुराई। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, बस मुझे जवाब दो कि यह कौन सी जगह है और तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो क्या हुआ अगर तुम मुझसे थोड़े ज्यादा शक्तिशाली हो? मैं इसी क्षण पवित्र आत्मा से मिलने की मांग करता हूँ। पवित्र आत्मा कौन है? ईवा के कंधे के ऊपर खड़े होकर साइरस ने असमंजस में पूछा। कोई कमीना आदमी जो मौत को दावत दे रहा था, ईवा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ राक्षस, हिम्मत हो तो मुझे मार डालो, लिविया ने झल्लाहट में दहाड़ते हुए कहा। ईवा की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और किसी भी भावना से मुक्त हो गई। केवल ऐसी उससे असंख्य भाव खींच सकता है, कोई और नहीं। वह आगे बढ़ी और आखिरकार बिना किसी चिंता के काली जेल का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, घूंघट ओढ़े लिविया एक शेरनी की तरह बाहर झपटी, लेकिन ईवा तैयार थी और उसे पहले ही किनारे कर दिया गया। लिविया ने फिर जल्दी से अपने पतले शरीर को घुमाया और सतर्कता से ईवा की ओर देखा, जब उसने एक मुकुट पहने शैतानी सुंदरता को देखा जो उसने कभी देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक सुंदर थी। अपने जीवन में पहली बार वह सुंदरता के मामले में किसी और से कमतर महसूस कर रही थी। कितना उग्र, ईवा ठंडी हंसी हंस पड़ी जब उसने लिविया को चकित होकर उसकी ओर देखते हुए देखा। लिविया की आंखें शर्म से भर गई और वह अचानक चौंक गई। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यह जगह क्या है?
उस अंधेरी जेल में उसकी एनर्जी पूरी तरह से दबा दी गई थी और उसे लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जेल खास तौर पर साधकों को बंदी बनाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि अब जब वह उस अंधेरी जेल से बाहर आ गई थी तो उसने पाया कि उसकी एनर्जी अभी भी पहले की तरह दबा दी गई थी, जो उसके लिए काफी चौंकाने वाला था। लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि उस राक्षस ने उसे उस समय क्यों नहीं मारा और कैसे उसने उसे बिना जाने ही यहाँ भेज दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उसे यहाँ क्यों भेजा और क्या इसमें पवित्र आत्मा भी शामिल था। हालांकि ये धारणा काफी बेतुकी थी क्योंकि कल्पित बौने सचमुच पवित्र आत्मा का सम्मान करते थे और इसके पीछे योजनाएं थीं। इसके अलावा इसने पहले कभी ऐसी चाल नहीं चली थी और हमेशा निष्पक्ष रहा था। लेकिन अब कई दिनों तक पकड़े जाने और दबाए जाने के बाद वह आश्वस्त नहीं थी और ईवा के प्रकट होने से रहस्य की एक और परत जुड़ गई। ईवा के होठों पर एक आकर्षक मुस्कान उभरी जो कोमल नहीं बल्कि धमकी भरी थी। तुम अपना चेहरा क्यों ढक रही हो? अपना चेहरा खोलो और मुझे दिखाओ कि तुम मेरी नौकरानी बनने के लायक हो या नहीं। अगर तुम बदसूरत हो तो मैं तुम्हें साइरस को दे दूंगा। साइरस ने तुरंत गुस्से में जवाब दिया, नहीं, मुझे बदसूरत नौकरानी भी नहीं चाहिए। ईवा ने छोटे लड़के को एक तरफ से देखा और फिर समझ में सिर हिलाया, ठीक है, अगर वह बदसूरत है तो हम उसे इस जगह का चौकीदार बनने देंगे। साइरस तुरंत ही मौन हो गया, जैसे कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, जबकि उसे अभी भी ये पता नहीं था कि नौकरानी या चौकीदार क्या होता है, जिससे वह ईवा की नजरों में और भी अधिक आकर्षक हो गया। हालांकि इस बातचीत से लिविया अवाक रह गई क्योंकि उसके दिल में गुस्सा उबलने लगा था। वह बुद्धिमान एल्फ जाति की क्राउन प्रिंसेस थी और किसी ने भी उसे इस तरह से कभी छोटा नहीं किया था। हालांकि ईवा वाकई खूबसूरत थी, लेकिन उसे राजकुमारी होने का गर्व और सम्मान भी था और वह अपने सामने खड़ी इस घमंडी महिला से लड़ना चाहती थी। वह इतनी गुस्से में थी कि वह ईवा के खास नस्लीय गुणों के साथ साथ बोलने वाले पक्षी के बारे में भी भूल गई। सहज रूप से उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्द ही याद आया कि जब उसे उस जेल में भेजा गया था तो वह पहले ही ले ली गई थी। लेकिन अंधेरे और उसकी साधना के दबे होने के कारण वह अपनी उंगली पर उल्लू का प्रतीक नहीं देख पाए। हालांकि अब जब चोर का स्थान अंधेरा नहीं रह गया था तो जब लिविया ने अचानक अपनी उंगली की ओर देखा तो उसकी क्रोधित अभिव्यक्ति जम गई क्योंकि उसकी आंखें उसकी अनामिका पर या अधिक सटीक रूप से उल्लू के प्रतीक पर टिकी हुई थीं। ईवा ने भी लिविया के अचानक रुक जाने और उसकी आंखें अपनी उंगली पर टिक जाने को देखा और उसने भी कुछ हद तक उत्सुकता भरी नजर से उस ओर देखा। ईवा ने चोर के प्रतीक और उल्लू के पंखों पर लिखे नाम को भी देखा। उसकी आंखें चमक उठी, तो ये चोर का प्रतीक है जिसके बारे में वह बात कर रहा था। कितना सुंदर और अनोखा, मुझे भी अपने लिए एक के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लोमड़ी या बिल्ली या पक्षी का उपयोग करना चाहिए। नहीं, वे पर्याप्त प्रभावशाली नहीं हैं, उसने गंभीर भाव से सोचा। हालांकि उसकी विचार प्रक्रिया तब टूट गई जब लिविया की हकलाती आवाज सुनाई दी, सस्काय सेंट स्टीलर, यह तुम स्काय स्टीलर हो। ईवा ने लिविया की आंखों में अचानक परिवर्तन देखा जब वे उन्मादपूर्ण और श्रद्धापूर्ण ढंग से चमक रही थी, जिससे ईवा को बुरा लगा। उसने आंखें मूंद ली और ठंडे स्वर में कहा, तो अगर मैं हूं तो क्या हुआ? हालांकि लिविया ने अचानक अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, नहीं, यह आप नहीं हो सकते। यह मैं क्यों नहीं हो सकता? ईवा लिविया के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव से और भी हैरान थी। वह बस उस पर झपटने और लड़ाई शुरू करने वाली थी, लेकिन अब वह गुस्से में भी नहीं दिख रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो रही है। लिविया ने उसे अनदेखा कर दिया और चारों ओर ऐसे देखने लगी जैसे वह कुछ खोज रही हो और अंततः उसकी नज़र चारों कोनों में बिखरे हुए उन स्टोरेज छल्लों पर पड़ गई। मैं सही थी, मेरा अनुमान सही था, लिविया की आंखें चमक उठी और वह खुशी से चिल्लाए। ईवा को अब यकीन हो गया था कि इस महिला के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने अचानक अपना ब्लडलाइन प्रेशर जारी किया जो साइरस से कम नहीं था। ये थोड़ा शक्तिशाली भी था। ईवा की साधना चोर के स्थान तक ही सीमित नहीं थी क्योंकि साइरस या चोर घर के सदस्यों की तरह वह इसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और ये मानदंड सिस्टम द्वारा ही निर्धारित किए गए थे। यही कारण है कि ये लोग चोर के स्थान पर स्वतंत्र रहते हैं जबकि अन्य लोग तुरंत दबा दिए जाते हैं। जब लिविया ने महसूस किया कि उस पर भयानक दबाव पड़ रहा है जो इतना घातक था कि वह बेकाबू होकर कांपने लगी। यह आतंक सीधे उसके खून से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सूरज के सामने खड़ी एक जुगनू हो। लिविया को घबराए हुए चूहे की तरह व्यवहार करते देख ईवा को तुरंत ताजगी महसूस हुई और उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम किस बारे में चिल्ला रहे थे? लिविया ने अपने शरीर पर दबाव महसूस किया क्योंकि वह आखिरकार सांस लेने में सक्षम थी। उसने ईवा को डर से देखा और हौंफने लगी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसके सामने खड़ी यह महिला कितनी डरावनी थी। लेकिन वह कुछ और ही सोच रही थी और इस बार उसने विनम्र लहजे में कहा, ममिस, क्या आप सचमुच आसमान चोर हैं? तुम मूर्ख हो। साइरस राज खोलने ही वाला था कि ईवा ने जल्दी से अपनी चोंच बंद की और भ्रमित छोटे लड़के की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो।
जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो बच्चे ही सुनते हैं। साइरस कुछ कहना चाहता था, लेकिन अफसोस, ईवा ने उसकी चोंच नहीं छोड़ी और उसे केवल एक अशुभ नजर से देखा, इससे पहले कि वह अंततः संघर्ष करना बंद कर देता। वह तो बड़ी बहन फ्रेया से भी ज्यादा डरावनी है, उसने गंभीरता से सोचा और आखिरकार व्यवहार करने का फैसला किया। उसका बड़ा भाई भी उससे डरता था, इसलिए उसे उसकी बात ज्यादा सुननी चाहिए। आखिरकार ईवा ने तब जाने दिया जब साइरस ने बोलना बंद कर दिया और फ्रेया की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं आकाश चोर हूँ, तुमने मुझ पर शक क्यों किया? लिविया ने तेजी से सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस की झलक देखी जा सकती थी। लेकिन वह उसे और अधिक चौंकाने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उसे अपने सामने एकमात्र चींटी होने का भयावह एहसास याद आ गया था। इसलिए उसने जल्दी से अपना पर्दा हटाया और अपना बेजोड़ चेहरा दिखाया। उसने थोड़ा झुककर खुशी से कहा, मिस काइस्टीलर, मुझे पता है कि यह बेतुका लगता है, लेकिन मैं इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी अनुयायी हूँ और मैं आपसे चोरी करने की कला सीखना चाहती हूँ और उसकी पूरी दुनिया को जीतना चाहती हूँ। ईवा उन शब्दों से हैरान थी और उसे लगा कि यह महिला उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। हालांकि जब उसने लिविया की आंखों में ईमानदारी और जुनून देखा तो उसे पता चल गया कि लिविया बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। मुझे मत बताओ कि वह पहले अविश्वास में थी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और वह मेरे ऐस को बहकाना चाहती थी। उसके विचार तुरंत पटरी से उतर गए, क्योंकि उसकी आंखों में हत्या के इरादे चमकने लगे और उसकी आभा फिर से चमक उठी। लिविया इस बार अपने चेहरे पर पीलापन लिए घुटनों के बल गिर पड़ी, तथापि जब ईवा ने उसकी आंखों में हर्ष की झलक देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन ही मन कसम खाए, मैं उसे उसके करीब भी नहीं आने दूंगी। क्या तुम मुझसे सीखने के योग्य हो? ईवा ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि अब उसे उसके साथ मौज मस्ती करने की कोई परवाह नहीं थी। लिविया ने दबाव सहते हुए अपने दांत पीस लिए और कहा, मैं गलत थी, मैं आपकी नौकरानी के रूप में आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ईवा ने उसे निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, तुम मेरी नौकरानी बनने के लिए बहुत बदसूरत हो। वह उसे ऐसे दूर रखने के लिए दृढ़ थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह महिला कुछ गलत करने वाली है तथा उसके इरादे बुरे हैं। हालांकि एस ने कहा कि लिविया उसे भविष्य में आने वाले किसी संकट या अन्य परिस्थिति से बचा सकती है, लेकिन पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उसे उचित शिक्षा दे। हालांकि उसने लिविया के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका। लिविया इस उत्तर से जरा भी घबराई नहीं और उसने तुरंत कहा, मुझे पता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक विशेष संविधान है जिसे पवित्र दिव्य शरीर के रूप में जाना जाता है। वहां उपस्थित ईवा के क्रोधित भाव और लिविया की ईवा की ओर श्रद्धापूर्ण दृष्टि को देखकर एस को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और वह शायद कुछ दिलचस्प बात चूक गया है। इसलिए उसने सीधे बात नहीं की और ईवा के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किया, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या उसे संभालना इतना मुश्किल है? एस की आवाज सुनकर ईवा एक क्षण के लिए चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता आ गई और उसने बिना मुंह खोले जवाब दिया, ये कुतिया पागल है। एस को खुशी हुई जब उसने ईवा की हताश आवाज सुनी और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? ईवा ने तब कुछ भी नहीं छिपाया और उसे लिविया के चोर कट्टर व्यक्तित्व के बारे में बताया और बताया कि कैसे वह काइस्टीले की अनुयायी बनना चाहती थी। वह उसकी नौकरानी या सिर्फ नौकर बनने के लिए भी तैयार थी। एस की अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी जब उसने ये सुना, और वही ईवा की घिनौनी अभिव्यक्ति को देखे बिना नहीं रह सका और उसने मनोरंजक ढंग से सोचा, क्या तुम भी तब ऐसी ही नहीं थी जब तुम मुझसे मिली थी और जबरन मेरे साथ एक टीम बनाई थी ताकि तुम चोर बन सको? कम से कम उसे तो पता चलेगा कि उस समय मुझे कैसा महसूस हुआ था। हालांकि जब उन्होंने ये सुना, केवल इतना ही नहीं बल्कि उसके पास एक तरह का संविधान था जिसे पवित्र दिव्य शरीर कहा जाता था, जो कुछ खास है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि उसके शानदार शरीर का नाम उसकी जाति द्वारा सटीक और स्वनिर्मित नहीं हो सकता है, मैं इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित भी नहीं हूँ। रुको, शानदार काया, तुम्हारा मतलब है कि वह एक अनोखी शारीरिक संरचना के साथ पैदा हुई है, जैसे कि पौराणिक तत्वों की काया है न? ऐसे रहस्योद्घाटन से चकित था, क्योंकि ये दूसरी बार था जब वह एक अनोखी काया के मालिक के संपर्क में आया था। हाँ, इन संरचनाओं को शानदार शारीरिक रचना के रूप में जाना जाता है और शानदार मेरिडियन भी हैं, ईवा ने खुलासा किया। वैसे भी यह महिला सरल नहीं है और उसका ये पवित्र दिव्य शरीर उसके भविष्य के बारे में कुछ चीजों को विभाजित करने और भविष्यवाणी करने में उसकी मदद कर सकता है। उसके अनुसार उसे उस टॉवर में जीवन बदलने वाले अवसर का सामना करना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस तरह का सामना होगा और उसने सोचा कि यह उस टॉवर की आत्मा द्वारा बनाई गई एक नकली घटना थी। एस की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन आखिरकार उसका अपहरण मेरे द्वारा ही हुआ क्योंकि मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाला मौका मैं ही था? एस को यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसी काया मौजूद हो सकती है जो इस तरह के भाग्य की भविष्यवाणी कर सकती है। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि चोर घर गोल्डन स्काई वर्ल्ड में किसी के लिए भी सबसे बड़ा जीवन बदलने वाला अवसर था। भाग्य चाले चलता है पर गलतियां नहीं करता। क्या इसे भाग्य की चाल माना जा सकता है?
एस ने आश्चर्य व्यक्त किया। ईवा भी एस की तरह ही निष्कर्ष पर पहुंची, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहां तक कि उसे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि वह तुम्हारे प्रति जुनूनी है। शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन उसने भविष्यवाणी की है कि तुम्हारे पास या तो कोई जीवित स्थान का खजाना है या किसी तरह की टेलीपोर्टेशन क्षमता है जिसका इस्तेमाल तुम अपने ट्रैक को छिपाने और अपने पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए करते हो। एस की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या उसने अपनी शारीरिक बनावट के कारण यह भविष्यवाणी की थी? उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत कठोर थी, क्योंकि यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। यदि कोई विलक्षण शारीरिक क्षमता वाला व्यक्ति उसके विलुप्त होने की भविष्यवाणी कर सकता है, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति उसके अगले कदम के बारे में भी भविष्यवाणी कर सकता है, उसके पहले ही, और फिर उसके लिए जाल बिछा सकता है या सीधे उसका पता लगा सकता है? ईवा ने झुंझलाहट भरा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं, वह आपकी हर चोरी की जांच करने के बाद खुद इस निष्कर्ष पर पहुंची है, और उसके पास एक गुप्त डायरी भी है जिसमें उसने ये सब आखिरी विवरण तक नोट किया है। टॉवर के टेलीपोर्टेशन फंक्शन ने उसके इस निष्कर्ष पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसे तो ये भी लगता है कि आपके पास उस टॉवर जैसा खजाना है। उसने सोचा कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे पास मददगार भी हैं। अंत में उसने कल्पना की कि स्काई स्टीलर का लक्ष्य इस दुनिया को जीतना था और वह इसका हिस्सा बनना चाहती थी। उसने कहा कि अगर वह तुमसे इस तरह नहीं मिलती तो वह एलिना की वजह से एजोर विंड कंडीशन में तुम्हें खोजती और तुम्हारी मदद भी करती। सतर्कता के साथ ईवा ने कहा, जब उसे पता चला कि आकाश चुराने वाली एक महिला है तो वह बहुत दुखी हुई, जिसका मतलब है कि वह आपको बहकाने की योजना बना रही थी। इसलिए जब तक मैं उसे ठीक से शिक्षित नहीं कर देती, मैं आपको अपनी पहचान बताने से मना करती हूँ। जब एसी ने अंतिम भाग सुना तो उसे समझ में नहीं आया कि वह हंसे या रोए, तथा उसे ईवा की सतर्कता बहुत प्यारी लगी। लेकिन फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिविया उसकी कट्टर प्रशंसक थी, और यह पहली बार नहीं था जब उसका सामना हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई दूसरी जाति का उसका प्रशंसक होगा, एक पूरी जाति की राजकुमारी की तो बात ही छोड़िए। ये कहना झूठ नहीं होगा कि यह एक अजीब लेकिन अच्छा एहसास था। लेकिन वह शैतान को यह बात तब तक नहीं बताएगा जब तक कि वह वास्तव में अच्छा महसूस नहीं करना चाहता। फिर भी चूंकि लिविया का शरीर विचित्र है, इसलिए अब वह मोइरा के उसे चोर घर में शामिल करने के सुझाव के प्रति और भी अधिक इच्छुक है, और हो सकता है कि भविष्य में कोई विपत्ति उसका इंतजार कर रही हो। लेकिन उससे पहले लिविया को अपने सामने आने वाली विपत्ति से बचना था। ऐसा ईवा के मजे को खराब करने का कोई इरादा नहीं था, वह बस हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उसे जितना खेलना था खेलने दिया। ठीक है, तुम जितना चाहो स्काई स्टीलर बन सकते हो, कल्टीवेशन करना मत भूलना और उसे बहुत ज्यादा परेशान मत करो। वह एक भावी सदस्य है और एक तरह से मेरी भावी उपकारकर्ता है। अगर वह तैयार है तो वह चोर घर की पहली सदस्य होगी जिसे मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है। एस ने पुरानी यादों में खोकर आह भरी। क्या मुझे मत बताओ कि तुम्हारी नजर पहले से ही उसके शरीर पर है? ईवा की धमकी भरी आवाज गूंजी। एस अवाक रह गया और उसने पलट कर कहा, आप इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा वह आपकी तरह सुंदर भी नहीं थी। ये सुनते ही उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया और उपहास करते हुए कहा, जैसे कि तुम्हारे कारनामों के बारे में सुनकर मुझे तुम पर यकीन हो गया है। तुम तो बहुत चालाक हो, अब हमें परेशान मत करो। एस को तब आश्चर्य हुआ जब उसे अपने चोर स्थान से बाहर जाने के लिए कहा गया, और वह आक्रोश में बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे चोर स्थान को मेरी पागल पत्नी ने हड़प लिया है? एक प्रतिष्ठित दानव, जिसकी गहरी अथाह आभा थी, इंपीरियल दानव परिवार की शिखा के साथ बैंगनी कवच पहने हुए उन तीन राक्षसों को देख रहा था जो सम्मानपूर्वक उसके सामने खड़े थे। इन तीनों राक्षसों ने भी एक जैसे शिखरों वाले बैंगनी कवच पहने हुए थे, लेकिन उनके कवच उसके कवच से कम प्रभावशाली थे और उनकी आभा भी उतनी राजसी नहीं थी। उसने भावशून्यता से अपनी कर्कश आवाज में कहा, मैं आप तीनों को ये बताने के लिए बुलाता हूँ कि हम तीन दिनों में अपने गंतव्य पर पहुँच जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेड़े को ब्रीफ करें और उन्हें उनके सर्वोत्तम व्यवहार के बारे में बताएं। मैं दूसरों के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहता, खास तौर पर इंसानों के सामने तो बिल्कुल नहीं। क्या ये स्पष्ट है? तीनों ने एक स्वर में कहा, हाँ एडमिरल, अगर आपके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो खारिज कर दीजिए, उन्होंने शांत भाव से कहा। तीनों ने बिना कुछ कहे आदरपूर्वक झुककर विदा ली। हालांकि जब दोनों राक्षस चले गए तो समूह में से केवल राक्षसी ने अचानक अपने कदम दरवाजे पर रोक दिए। उसने पीछे देखा और अपनी आंखों में झिझक भरी नजर के साथ कहा, एडमिरल, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ? दानव एडमिरल ने भावशून्य भाव से राक्षसी को देखा और तनाव से भरकर कहा, कैप्टन हेजल, आप खुलकर बोल सकती हैं। हेजल बहुत खुश थी और बिना समय बर्बाद किए जल्दी से बोली, मुझे पता है कि एडमिरल से यह पूछकर मैं बहुत ही अहंकारी बन रही हूँ, इसलिए मैं पहले ही माफी मांगती हूँ, और मेरा हमारे आदेशों का अपमान करने या उन पर संदेह करने का कोई इरादा नहीं है।
मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हमें मानव महाद्वीप पर इतनी बड़ी सेना क्यों भेजनी चाहिए? क्या वह चोर वाकई इतने ध्यान और हमारे प्रयास के लायक है? डायमन एडमिरल की पीली आंखें चमक उठी जब उसने हेजल को स्वीकृति की झुंझुनी के साथ देखा। ये पहली कैप्शन थी जिसने उससे इतना खतरनाक सवाल पूछने की हिम्मत की, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सिर्फ आंख मूंद कर आदेशों का पालन कर रही थी और साथ ही अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए उसने उसी भावशून्य स्वर में उत्तर दिया, आपका साहस सराहनीय है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ सिर्फ इंसानों की रखवाली करने नहीं जा रहे हैं। हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी योग्य दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ तक कि शैतान भी लड़ाई में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो महामहिम आपको पुरस्कार देने से पीछे नहीं हटेंगे, और मुझे भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं कैप्टन हेजल, मुझे निराश मत करना। हेजल को यह आश्चर्यजनक तथ्यों से भरा सूक्ष्म उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे अंततः समझ में आने लगा कि एजोर विंड कॉन्टिनेंट की यह यात्रा शायद मायावी चोर स्काई स्टीलर को पकड़ने जितना आसान नहीं है। लेकिन उसने अपनी सीमाओं को लांघने की हिम्मत नहीं की और आगे की जानकारी मांगी। बस इतनी सी जानकारी ही उसके प्रति दानव एडमिरल की सद्भावना दिखाने के लिए पर्याप्त थी, और अगर वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती तो शायद उसे नाराज कर देती। आपके भरोसे के लिए शुक्रिया एडमिरल, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। उसने जल्दी से सिर झुकाकर विदा ली। हेजल के जाने के बाद दानव एडमिरल के होंठ सिकुड़ गए और वह हत्या के इरादे से बुदबुदाया, दानव सेना ने सदियों से अपना असली रंग नहीं दिखाया है, और अब सब कुछ ये सोचने लगा है कि हम किसी तरह के धक्का मुक्की वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ तुच्छ चोर कुछ तुच्छ चालों पर भरोसा करके कुछ खजाने चुराने में सक्षम हैं। हम गोल्डन स्काई में फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए व्हाइट क्राउन के उन लोगों की जिंदा खाल उतार देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि चोर को हमारी राक्षस जाति को छेड़ने का पछतावा हो। अगर योजना सफल रही तो पूरी मानव जाति इस दुनिया से गायब हो जाएगी। हमसे चोरी करने की यही असली सजा है। कैप्टन हेजल को डायमंड के उच्च अधिकारियों के असली इरादे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह चेहरे पर हल्की उदासी लिए अपने कमरे में लौट आई थी। वह बेड़े के अन्य सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए अपने उपकप्तान को बुलाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने एक काला पारदर्शी बॉक्स प्रकट हुआ। लेकिन जब उसने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो वह चौंकी नहीं। घर पर आने वाला कॉल। कॉल करने वाला हाउस लीडर एस वाइट। स्वीकार करें, 10 सेकंड में स्वतः स्वीकार करें। नोट, आप हाउस लीडर एस वाइट के कॉल को अस्वीकार या अनदेखा नहीं कर सकते। हम्फ, अगर यह विशेषाधिकार न होता तो मैं आपको एक घंटे तक नजरअंदाज कर देती। कैप्टन हेजल, जो वास्तव में विंटर का भेष था, ने कॉल स्वीकार करने से पहले अपने होंठ भींचे। एस की उत्साही आवाज उसके दिमाग में घूम गई, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। विंटर चौंक गई क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी आवाज पिछली बार की तरह घबराहट या चिंता से भरी होगी, लेकिन किसी कारण से एस फिर से अपने आप में लौट आया। मुझे मत बताना कि उसे अब उस लड़की की परवाह नहीं रही और उसने मुझे फोन करके यह मिशन रद्द करने को कहा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? विंटर ने उदास होकर सोचा, लेकिन वह इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। उसने पूछा, तुम क्यों फोन कर रहे हो? मैं आपके वर्तमान मिशन में आपकी प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन कर रहा हूँ। एस की आवाज अचानक कुछ कठोर और उम्मीद से भरी हुई हो गई। ओह, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। विंटर ने राहत की सांस ली। उसने आत्मसंतुष्ट होकर उत्तर दिया, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं मानव महाद्वीप तक पहुंचने से पहले ही 3 दिन दूर हूँ। क्या इतनी जल्दी? ऐसे अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि वह अभी भी दानव महाद्वीप में होगी या अभी भी एजोर विंड महाद्वीप की ओर अपनी यात्रा के बीच में होगी। हे, मैं डेमोनिक मरीन आर्मी के सबसे तेज बेड़े में से एक के साथ यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए ये स्वाभाविक था कि हम इतनी तेजी से यात्रा करें, और डायमंड रेस के व्यक्तिगत समुद्री चैनल के साथ ये और भी तेज था। विंटर एस की प्रतिक्रिया से काफी प्रसन्न थी, इसलिए उसने और भी उत्साह बढ़ाया। एस की प्रशंसा भरी आवाज गूंजी, तो तुम मरीन आर्मी में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए है ना? मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मेरे मिशन की 6ठी शर्त पूरी करने की कुछ उम्मीद है। विंटर ने हंसते हुए कहा, बेशक। मुझे मत बताओ कि तुम्हें उस शर्त को रखने का पछतावा है और अब तुम 5 मिलियन का इनाम वापस लेने जा रही हो। वह इस बात से चिंतित थी। हाँ, जब तक तुम एलिना के साथ भाग सकते हो मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ, और मैं तुम्हारे 2 एहसान चुकाऊंगा, 5 मिलियन हाउस पॉइंट तो और भी कम जो तुम कमाते हो। लेकिन यह आसान नहीं होगा, अपने आप को खतरे में मत डालो। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वहाँ न पहुँच जाऊँ और अधिक से अधिक जानकारी एकत्र न कर लूँ, तब तक तुम मेरी आँखें और कान बनो। अनावश्यक जोखिम मत लो। हम एक संभावित अर्ध कानून समझ क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ काम कर रहे हैं, न कि केवल एक के साथ। विंटर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि यह सच था, क्योंकि जिस एडमिरल से उसकी मुलाकात हुई थी वह एक कानून जागरूकता क्षेत्र का दानव था, और वह जानती थी कि वह दानव सेना का केवल एक छोटा सा हिस्सा था।
मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी को किसी भी चीज से ज्यादा संजोकर रखती हूँ, उसने हंसते हुए कहा। तुम कब आओगे? एस के मुंह से एक शक्तिहीन आह निकली और उसने असहाय भाव से उत्तर दिया, मैं अंतहीन समुद्र के बीच में हूँ और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं इस समय कहाँ हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे वापस आने से पहले बस कुछ और समय चाहिए, विंटर ने सख्ती से जवाब दिया। ठीक है, बेहतर होगा कि आप अपना खेल तेज करें। मुझे अभी पता चला है कि शैतान जाति की एक और सेना भी मानव महाद्वीप पर राक्षसों में शामिल हो जाएगी और हो सकता है कि इस बार आप अकेले लक्ष्य न हो। वे शायद कुछ बड़ी योजना बना रहे हों और यह सब मानव महाद्वीप के इर्द गिर्द विकसित हुआ है। एस चुप हो गया क्योंकि यह एक अप्रत्याशित खबर थी। हालांकि उसे उम्मीद थी कि शैतान जाति इसमें शामिल होगी, लेकिन सेना भेजना पूरी तरह से अलग मामला था। शिकारियों के बारे में क्या? क्या उनकी तरफ से कोई हलचल है, खास तौर पर सिल्वर आइस कबीले की तरफ से? एस ने अपनी आवाज में ठंडक के भाव के साथ पूछा। एलिना के परिवार के बारे में उसकी अच्छी धारणा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था और ड्रीम शैटर को उसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए सौंप दिया था। वास्तव में ये काफी अजीब है, क्योंकि हंटर रेस की ओर से कोई हलचल नहीं है, क्योंकि वे आइस लॉर्ड की घोषणा के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। मुझे नहीं पता कि वे लोग क्या कर रहे हैं, विंटर ने अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया, लेकिन मैंने सुना है कि वे अभी भी उस प्राचीन सभा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहाँ तक कि राक्षस और शैतान भी वही हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस गुप्त क्षेत्र को नहीं छोड़ा। उस जगह के खुलने में बस एक साल से थोड़ा ज्यादा समय बचा है, एस ने दुखी होकर कहा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है, या फिर वे कुछ योजना बना रहे हैं। जहाँ तक इस आग से भरे गुप्त नरक की बात है, यह अब हमारी चिंता का विषय नहीं है। एलिना को बचाना सबसे पहले था। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे पास पहुँचने का रास्ता ढूंढता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है, विंटर ने तुरंत सहमति दे दी और कॉल खत्म हो गई। कॉल के बाद वह अनिश्चितता से बुदबुदाई, वह वास्तव में आपके लिए कौन है? अर्धचंद्र की धुंधली रोशनी में एसपाल के ऊपर पैर फैला कर बैठा था, जबकि तेज हवाएं उसके लंबे बालों को छू रही थीं, जिससे वे काली लपटों की तरह लहरा रहे थे। उसके शरीर पर एक शक्तिशाली आभा फैल रही थी। हालांकि उसकी आभा पूरी तरह से शांत नहीं थी, बल्कि थोड़ी अव्यवस्थित और अंधेरी थी। गुप्त क्षेत्र को छोड़े हुए तथा सजीव भाग्य मानचित्र और अपने भाग्य बोध का अनुसरण करते हुए अनंत समुद्र में यात्रा शुरू किए हुए उसे 54 दिन हो चुके थे। हालांकि जहां तक वह देख सकता था, वहां जमीन का कोई निशान नहीं था और अब वह अधीर हो रहा था। लेकिन वह अभी भी इस मामले में काफी असहाय था और सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उल्लेखनीय बात सिर्फ ये थी कि वह अपने कौशल में प्रगति कर रहा था और कभी कभी उसे समुद्री जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस समय उसने अपनी आंखें खोली, जैसे कि उसके सामने से बिजली चमक रही हो। उसने अचानक आगे देखा और जब उसने देखा कि एक मील से भी ज्यादा दूर तक काले कोहरे का पर्दा फैला हुआ है, तो उसकी भौहें तन गईं। मुझे उस कोहरे में प्रवेश करना होगा, एस ने भौहें सिकुड़ते हुए भाग्य का नक्शा खोलकर अपने अनुमान की पुष्टि की, जबकि उसका भाग्य बोध उसे उसी दिशा में इशारा कर रहा था। जैसे ही वह कोहरे के करीब पहुंचा, उसे एक परिचित घुटन भरी अनुभूति हुई और अचानक उसे याद आया कि उसने पहले भी ऐसी अनुभूति कहां महसूस की थी। यह मार्शल और सोल रेडिएशन है, एस की अभिव्यक्ति धुंधली हो गई जब उसे रॉयल डायमंड इंस्टीट्यूट के परीक्षण के प्रवेश द्वार पर अपनी मुठभेड़ याद आई। वह 5 पॉइंट तक के मार्शल और सोल रेडिएशन के संपर्क में था, इसलिए वह जानता था कि रेडिएशन के भीतर का वातावरण एक साधक के लिए बेहद दमघोटू था। हालांकि यह विकिरण एस के लिए हानिरहित था, लेकिन वह अंतहीन समुद्र में था। आमतौर पर कोई भी साधक प्लेग की तरह विकिरण वाले क्षेत्रों से बचना चाहता है, क्योंकि एनर्जी वाली कोई भी वस्तु विकिरण में मुरझाने लगेगी। विकिरण का घनत्व जितना अधिक होगा, मुरझाने की गति उतनी ही अधिक होगी, और यदि साधक के शरीर की सारी एनर्जी नष्ट हो जाए तो उसका अंत हो जाता है। एस ने विकिरण कोहरे की ओर तेजी से बढ़ते हुए सेलबोट को देखा और सोचा, अगर मैं इसके सुरक्षात्मक अवरोध का उपयोग करता हूँ तो उस कोहरे में एनर्जी पत्थरों की खपत 10 गुना हो जाएगी या इससे भी अधिक अगर विकिरण 10 अंक से अधिक है। इसके अलावा ये संकेतक स्पष्ट रूप से मुझे किसी खजाने की ओर ले जा रहा है, क्योंकि मेरे ज्ञान में कोई भी महाद्वीप विकिरण कोहरे से घिरा हुआ नहीं है। लेकिन मैं इतनी दूर आने के बाद वापस नहीं लौट सकता और मेरे पास एनर्जी पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है। अपना संकल्प दृढ़ करने के बाद उन्होंने नाव के सुरक्षात्मक अवरोध को सक्रिय कर दिया और नाव के चारों ओर एक लाल पारदर्शी प्रलय प्रकट हो गया। अगर उसे रेडिएशन कोहरे से सेलबोट के नष्ट हो जाने का डर नहीं था, तो उसे कोहरे में जीवित रहने के लिए किसी अवरोध की जरूरत नहीं थी। ये सेलबोट उसके पास एकमात्र थी। सबसे तेज होने का जिक्र तो दूर की बात है, इसलिए उसे इसे संभालते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ी। जैसे ही एस कोहरे में प्रवेश किया, घुटन की भावना अपने चरम पर पहुंच गई, क्योंकि इस कोहरे के भीतर एनर्जी का कोई निशान भी नहीं था और सेलबोट के गठन में शामिल एनर्जी पत्थर भी पागलों की तरह चमकने लगे।
यह विकिरण कोहरा वास्तव में 10 अंक से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह क्षेत्र आत्मा अभिव्यक्ति क्षेत्र के साधकों के लिए भी अभिशाप है। यहाँ ऐसी कौन सी चीज छिपी है जो मेरे लिए उपयोगी हो सकती है, जब तक कि यह कोई दूसरा तात्विक गोला न हो, और यह कोहरा इसका प्राकृतिक अवरोध है। अगर यह कोई तात्विक गोला है तो यह यात्रा सार्थक हो सकती है। यह विचार आते ही एस की आंखें उम्मीद से चमक उठी। उसे अभी भी याद है कि कैसे उसने बिजली का गोला और फिर शाही शैतान का टॉवर पाया था। इसलिए ये कहना झूठ होगा, वह ये देखने के लिए उत्साहित नहीं था कि उसे वहां किस तरह का खजाना मिलेगा। अब उसका मन कुछ हद तक निश्चिंत था, क्योंकि उसे पता था कि विंटर पहले से ही नीली हवा वाले महाद्वीप पर है, और अपने वर्तमान कौशल के साथ वह असंभव को संभव कर दिखाने में सक्षम हो सकती है। एस ने काले कोहरे के साथ चलते हुए लाइव फेड मैप को सक्रिय रखा, साथ ही एनर्जी पत्थर की खपत पर नजर रखी, और जब पिछला पत्थर धूल में बदल गया तो उसे नए बैच से बदल दिया। 15 वर्षों में उसने जो धन इकट्ठा किया वह वास्तव में कुछ ऐसा था जो किसी को भी ईर्ष्या से हरा कर सकता था, और केवल आकाश चोर ही बिना पलक झपकाए इतने बड़े एनर्जी पत्थर के नुकसान को सहन कर सकता था। 3 घंटे से अधिक समय तक काले कोहरे में घूमने के बाद एस की अभिव्यक्ति कठोर हो गई थी, क्योंकि एनर्जी पत्थर की खपत अचानक दोगुनी हो गई थी, क्योंकि काला कोहरा बादलों की तरह घना हो गया था। इसके अलावा भाग्य का नक्शा अब ग्रे नहीं था, बल्कि 10 मिनट पहले ये लाल हो गया था। क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, एस ने उदास होकर सोचा, लेकिन वह डटा रहा और अपनी जगह पर खड़ा रहा और आगे बढ़ता रहा, लेकिन वह पूरे समय हाई अलर्ट पर था। लेकिन एस के चेहरे पर अचानक से भाव आ गए और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि अचानक उसके आगे कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक काला भाग्य बिंदु दिखाई दिया। ये भयानक गति से उसकी दिशा में बढ़ रहा था। यह इतना तेज था कि एस के प्रतिक्रिया करने से पहले ही काला भाग्य बिंदु उसके अपने भाग्य बिंदु के साथ जुड़ गया था, और एस का दिल लगभग रुक गया था। लेकिन वह तब चकित रह गया जब उसने देखा कि भाग्य मानचित्र में काला भाग्य बिंदु उसके भाग्य बिंदु से आगे निकल गया था और सीधे आगे बढ़ता रहा और जल्द ही अपनी भयावह गति के साथ गायब हो गया। ठंडे पसीने से भरकर एस ने पीली अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया, आखिर क्या हुआ। हालांकि वह जल्द ही अपनी हैरानी से बाहर आ गया जब नाव अचानक हिलने और ऊपर उठने लगी, और जब उसने आगे देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि 100 मीटर ऊंची लहर उठ रही थी। मुझे मत बताओ कि ब्लैक फेड पॉइंट एक समुद्री जानवर था और वह बस मेरे पास से तैरकर निकल गया। लेकिन किस तरह का जानवर इतना तेज हो सकता है और वह बस मेरे पास से गुजरकर इतनी लहरें पैदा कर सकता है। एस का दिल ठंडा हो गया जब उसने इसके बारे में सोचा, और पहली बार उसने रहस्यमय अंतहीन समुद्र के असली आतंक को महसूस किया। हालांकि नाव उस विशाल लहर से आसानी से बच सकती थी, लेकिन उसकी समस्या अभी शुरू ही हुई थी कि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्योंकि अचानक लाल भाग्य नक्शा अब गहरे लाल रंग में बदल रहा था, इससे पहले कि वह पूरी तरह से काला हो जाए। लाइव फेड मैप को पूरी तरह से काला होते देख एस का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि वह एक घातक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने नाव को नियंत्रित किया और जल्दी से वहां से निकल गया, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि नाव की सारी शक्ति समाप्त हो गई थी और वह आगे बढ़ती रही। एस जल्दी से डेक के किनारे की ओर भागा और वह मुश्किल से देख पाया कि पानी का बहाव बढ़ गया था। यह इतना तेज था कि नाव की संरचना इसके खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। आखिर मैं किस तरह की जगह पर आ गया, भाग्य का नक्शा इस जलधारा की दिशा में ही इशारा कर रहा है, लेकिन ये क्षेत्र पूरी तरह से काला है और यहाँ एनर्जी का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। क्या मुझे वापस तैरने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही यह विचार एस के मन में आया, उसने इसे फेंक दिया जब उसे कुछ मिनट पहले देखा गया काला भाग्य बिंदु याद आया। इसके अलावा उसकी चोर भावना अभी भी शांत थी, जिसका मतलब था कि वह अभी भी घातक खतरे में नहीं था। फिर भी यह एक काला क्षेत्र था और वह एक मूर्ख होगा अगर वह चुपचाप बैठा रहे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करे। एस ने घने काले कोहरे से घिरे आसपास के वातावरण को देखा। इस विकिरण के कारण उसकी दृष्टि बाधित हो गई थी और वह अपने आसपास केवल 10 मीटर तक ही स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। भाग्य मानचित्र अभी भी खुला था और वह उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन या किसी अन्य रंग के भाग्य स्थान के संकेत के लिए नजर रख रहा था। इस समय नाव डगमगाने लगी क्योंकि पानी का प्रवाह और अधिक मजबूत होता जा रहा था और यह एक भयानक जादू के साथ आगे बढ़ रहा था। एस ने अराजक जल प्रवाह को गहरी भौहें सिकोड़ते हुए देखा। मैं बस स्थिर नहीं रह सकता, मुझे निर्णय लेना होगा, अन्यथा मैं बाद में निर्णय नहीं ले पाऊंगा। इस समय एस ने कुछ नोटिस किया क्योंकि उसने अचानक भाग्य के नक्शे को देखा और उसकी अभिव्यक्ति एक भूत की तरह पीली सफेद हो गई। वहां 8 काले भाग्य बिंदु थे जिनके चारों ओर एक और लाल घेरा था और वे सभी उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे थे और वे अपनी गति से 10 सेकंड बाद यहां पहुंचेंगे। इस बार एस उन 8 काले भाग्य बिंदुओं को अपनी ओर आते देखकर घबरा गया और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वे सीधे मेरी दिशा में आ रहे हैं या वे पिछले वाले की तरह बस गुजर रहे हैं। नहीं, लाल रंग दर्शाता है कि वे दुश्मन हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मेरी ओर आ रहे हैं या बस गुजर रहे हैं।
अगर उन्हें नाव का आभास हो जाता है तो वे निश्चित रूप से हमला करेंगे, पिछले वाले के विपरीत जो शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहा था। मुझे इस नाव से छुटकारा पाना है, ये बहुत चमकीली है, एस ने जल्दी से अपने दांत पीसते हुए फैसला किया। अगले ही पल पूरी नाव उसके पैरों के नीचे गायब हो गई और वह पहली बार विकिरण के संपर्क में आया। यद्यपि वह असहज महसूस कर रहा था, जैसे उसकी त्वचा पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगा हो, फिर भी कुल मिलाकर वह पूरी तरह ठीक था। अगले ही पल अस्त व्यस्त पानी पर एक हरे रंग की लकड़ी का तख्ता दिखाई दिया और एस उस पर उतर गया। ये लकड़ी का तख्ता ग्रेड 4 सामग्री का था, लेकिन जैसे ही यह विकिरण कोहरे के संपर्क में आया, इसकी चमक खोने लगी। हालांकि एस का ध्यान उन 8 काले भाग्य बिंदुओं पर है, क्योंकि वह बिना किसी कठिनाई के उन अराजक तरंगों में तख्त पर सवारी करता है। एक साधक के रूप में संतुलन बनाना आखिरी बात थी जिसकी उसे चिंता थी। जब तक कि वह अव्यवस्थित एनर्जी जल के बीच में न चल रहा हो, यह सामान्य जल उसके लिए कतई हानिकारक नहीं था। ऐसा आश्चर्यचकित था, क्योंकि अचानक काले भाग्य बिंदु के चारों ओर के लाल घेरे फीके पड़ गए और काले भाग्य मानचित्र में पूरी तरह से गायब हो गए। इस समय इसको एहसास हुआ, यह मत कहो कि वे मेरी नाव या नाव द्वारा बनाई गई एनर्जी तरंगों के कारण आकर्षित हुए थे। ये स्थान एनर्जी से मुक्त है, इसलिए यह बहुत संभव है कि वे नाव की बाधा द्वारा बनाई गई एनर्जी तरंगों की अचानक उपस्थिति से यहाँ खींचे चले आए हों। अब जबकि नाव यहाँ नहीं है और ये तख्ता ऐसी एनर्जी तरंगे बनाने के लिए बहुत छोटा है, तो वे मुझे नहीं ढूंढ पाए। इसकी पुष्टि करने का एकमात्र तरीका है, एस ने अपने सिद्धांत को आजमाने का निर्णय लिया, क्योंकि यह उसके अस्तित्व का प्रश्न था। जब उसने नाव को दूर रखा, क्योंकि वह अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए इस मोटी विकिरण धुंध का उपयोग करने की योजना बना रहा था, तो वह जानता था कि यह विकिरण पूरी तरह से ऐसा करने में सक्षम था, क्योंकि एनर्जी के साथ कुछ भी यहाँ बेकार होगा, जैसे मार्शल सेंस या आत्मा इंद्रियां। जब तक किसी के पास चोर इंद्रिय के रूप में सक्रिय इंद्रिय नहीं होगी, तब तक कोई भी मार्शल इंद्रिय या आत्मा इंद्रिय का उपयोग करके विकिरण के भीतर जांच करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि अब यदि उसका सिद्धांत सही था, तो उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और बस ये सुनिश्चित करना था कि वह यहाँ एनर्जी का उपयोग नहीं करेगा और वह इस काले भाग्य क्षेत्र में ठीक रहेगा। कम से कम उन्हें तो ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि एक तरह से वे अभी पीछे नहीं जा सकते और उन्हें केवल आगे ही बढ़ना है। उसके हाथ में एक फॉर्मेशन प्लेट दिखाई दी, जो नाव के फॉर्मेशन के बराबर ग्रेड 5 फॉर्मेशन थी। उसने धीरे धीरे इसे सक्रिय किया और एनर्जी उतार चढ़ाव पैदा हुआ। लगभग तुरंत ही एस ने देखा कि 8 काले भाग्य बिंदु पुनः उसी लाल घेरे के साथ प्रकट हो रहे हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत फॉर्मेशन प्लेट को दूर रख दिया। पहले की तरह वे 8 काले भाग्य बिंदु फिर से गायब हो गए और एस की आंखों में आशा की एक झलक चमक उठी। तो ये वास्तव में एनर्जी के बारे में था, उसे इस बात का यकीन था। लेकिन यह समाधान नहीं था, क्योंकि वह अभी भी अज्ञात दिशा में आगे बढ़ रहा था और अब वह वापस जाने में पूरी तरह असहाय था, और यहाँ तक कि उसे कोहरे में नौकायन करने पर पछतावा भी हो रहा था। फिर भी वह जानता था कि उसके पास भाग्य मानचित्र की दिशा का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह अंतहीन समुद्र में कहाँ पहुँच जाएगा। कम से कम उसके पास अनुसरण करने के लिए एक दिशा थी, अन्यथा उसे ये भी पता नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है। पानी की धारा पर सफिंग करते समय तख्ता, जो कुछ क्षण पहले एनर्जी से भरा हुआ था, अब बिना किसी एनर्जी के मुरझाए हुए सूखे तख्ते में बदल गया था। हालांकि एस को इससे परेशानी थी, जब तक ये पानी पर तैर सकता था और उसका वजन खींच सकता था, तब तक वह इसके साथ ठीक था, खासकर जब एनर्जी होने से भयानक अस्तित्व को आकर्षित किया जा सकता था। एक घंटा बीत गया, एस अभी भी एक अज्ञात दिशा की ओर खींचा जा रहा था और बादलों से घिरा काला कोहरा अब और भी घना हो गया था, क्योंकि अब वह कोहरे से गुजरते समय कुछ प्रतिरोध महसूस कर सकता था। ठीक इसी समय एस की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि इस अंधेरे में उसने अचानक कुछ बेतुका देखा। उसने काले कोहरे के बीच प्रकाश और एक पर्वत श्रृंखला की आकृति देखी। एस को विश्वास नहीं हुआ जब उसने प्रकाश और छायादार पर्वत श्रृंखला को देखा, जो पूरी तरह से बेतुका था लेकिन असंभव भी नहीं था। वह न जाने कहां था और यह स्थान ऐसी चीजों से भरा हुआ था जो किसी भी साधक को यहां पहुंचने से पहले ही सैकड़ों बार मार सकती थी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति संयोगवश इस स्थान पर पहुंच भी गया तो क्या वह वापस जा सकता है? एस को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने पाया कि वह प्रकाश के पास पहुंच रहा है और उसके आश्चर्य के लिए कंपास अभी भी उसी दिशा में इशारा कर रहा था और पानी का प्रवाह भी उन छाया पहाड़ों की ओर जा रहा था। हालांकि वह स्थान अभी भी पूरी तरह से अंधेरा था, जिसका अर्थ था कि यह स्थान काफी खतरनाक था, इसलिए वह प्रकाश के पास पहुंचते समय पूरी तरह से सतर्क था। पानी की धारा के साथ एस को ज्यादा समय नहीं लगा और वह सफेद चमक से कुछ फीट दूर था। उसे इससे कोई खतरा नहीं लगा और उसने खुद को उसमें डूबने दिया। हालांकि जैसे ही वह रोशनी में डूबा, एक अजीब दृश्य हुआ। एस को ऐसा लगा कि वह पूरी तरह से अलग जगह पर पहुंच गया है, क्योंकि उसने देखा कि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से उज्ज्वल था और पहले से पानी की धारा कहीं नहीं थी, जबकि वह धीरे धीरे एक शांत क्रिस्टल साफ पानी के ऊपर तैर रहा था।
सबसे बेतुकी बात तो ये थी कि उसके सामने हरी भरी पर्वत श्रृंखला थी और यह स्थान चीज से भरा हुआ था। एस को यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत पीछे देखा और वह हैरान रह गया जब उसने अपने पीछे एक कालापन देखा, क्योंकि कुछ देर पहले का काला कोहरा और पानी पूरी तरह से गायब हो गया था। यह उसके पीछे एक खालीपन की तरह था। हालांकि जब उसने भाग्य मानचित्र को देखा तो वह चकित रह गया, क्योंकि वह अब ग्रे क्षेत्र में था जबकि पीछे का क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से काला था। भाग्य मानचित्र अब आधा ग्रे और आधा ग्रे था। आखिर यह जगह क्या है? एस ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, क्योंकि उसे आगे साफ पानी और पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही थी जिसका अंत वह नहीं देख पा रहा था। इसके बाद एस एनर्जी का उपयोग करके काले क्षेत्र में वापस जाने का प्रयास करता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही वह काले क्षेत्र के पास पहुंचता है, उसे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए एक दीवार ने उसका रास्ता रोक रखा है। जब उसने बल प्रयोग करने की कोशिश की तो उसका हृदय कांप उठा, लेकिन वह अविभाज्य दीवार से पूरी तरह अवरुद्ध था और उसकी अभिव्यक्ति धुंधली हो गई, क्योंकि यह अच्छा नहीं था। क्या मैं फिर से किसी दूसरे क्षेत्र में फंस गया हूँ? एस को यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या ये कोई दूसरा गुप्त क्षेत्र है? वह ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह एक क्षेत्र से निकलते ही दूसरे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसके अलावा वह अपनी इच्छा से इस स्थान पर आया था, किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया था। हालांकि सिस्टम के जवाब ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, नहीं, होस्ट किसी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर चुका था। तो फिर मैं अभी भी गोल्डन स्काई वर्ल्ड में हूँ? एस ने तुरंत दूसरा सवाल दागा। हालांकि उसे सिस्टम की हमेशा की तरह चुप्पी का सामना करना पड़ा, जिससे वह उदास हो गया। लेकिन उसे वह जवाब मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी, इसलिए वह केवल खुद ही इसका पता लगाने की कोशिश कर सकता था। चूंकि मैं गुप्त क्षेत्र में नहीं हूँ, इसलिए ये स्थान राक्षस के तीन निषिद्ध देशों की तरह कोई अजीब द्वीप होना चाहिए। मुझे तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। इस द्वीप के दूसरी ओर कोई और निकास हो सकता है। एस इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही तुरंत शांत हो गया। पिछले वर्षों में उसने बहुत कुछ देखा था, इसलिए अब वह ज्ञानी नहीं था और घबराने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था, इसलिए वह केवल अपने दिमाग को शांत रख सकता था और अच्छे परिणाम की आशा कर सकता था। उसने तख्ते को नियंत्रित करने के लिए अपनी एनर्जी का उपयोग किया और भूमि की ओर बढ़ गया, जो अभी भी शून्यता के किनारे से 2 मील से अधिक दूर थी। आगे बढ़ते हुए एस ने आसमान की ओर देखा, जो भी सुनहरा था, इसलिए अब उसे और भी यकीन हो गया कि वह वास्तव में मुख्य भूमि पर था और अब वह पहले की तरह उत्तेजित नहीं था। तभी उसकी नजर क्रिस्टल की तरह साफ पानी पर पड़ी और उसने समुद्र की शुद्ध चांदी जैसी सतह को भी देखा, जो वास्तव में बेमेल थी और वहां कोई समुद्री जानवर या समुद्री वनस्पति या जीव नहीं था। क्या यह मनुष्य द्वारा बनाया गया है या प्रकृति द्वारा? उसने सोचा, क्योंकि साधना की दुनिया में कुछ भी संभव है, और वह निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसे जैसे वह भूमि के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि एनर्जी और भी सघन होती जा रही है। ये लगभग रॉयल डायमंड कंट्री के स्तर पर थी। आखिर यह कैसी जगह है? कौन यकीन करेगा कि यह जगह घने विकिरण कोहरे में छिपी हुई है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह विकिरण 20 पॉइंट से ज्यादा है, जो कानून जागरूकता क्षेत्र के साधकों के लिए भी घातक है। एस ने गंभीर भाव से सोचा, क्योंकि अज्ञात का डर किसी भी चीज से कहीं ज्यादा भयानक था। लेकिन एस की विचार प्रक्रिया तब बाधित हुई जब उसने महसूस किया कि उसकी चोर इंद्री झुंझुनी कर रही है और उसने तुरंत भाग्य मानचित्र को देखा। वह चौंक गया जब उसने देखा कि एक लाल भाग्य बिंदु उसकी दिशा में आ रहा है। सतर्क होकर उसने जल्दी से अपना हुड पहन लिया और उसका मुखौटा उसके चेहरे पर दिखाई दिया, इससे पहले कि हुड के नीचे उसका रूप बदलना शुरू होता। चूंकि उस समय दूसरा पक्ष लाल रंग में रंगा हुआ था, इसका मतलब था कि वह उसे देखते ही उस पर हमला कर देगा, इसलिए वह तैयार था। इसके बाद जब वह जमीन से कुछ 100 फीट दूर था तो भाग्य बिंदु भी उसकी दृष्टि में आया और उसे आश्चर्य हुआ कि भाग्य बिंदु जमीन पर नहीं बल्कि आकाश में दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह कोई हवाई जानवर है, लेकिन जब उसने स्पष्ट रूप से देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह एक मानव आकृति थी जो आसमानी नीले रंग की लकीर पर चल रही थी और तेज ब्लेड की तरह हवा को काट रही थी। एस को लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था और अचानक आसमानी नीले रंग का वह मांस उसके कुछ मीटर ऊपर आकर रुक गया, जिससे एस को उसका स्पष्ट रूप दिखाई देने लगा। एस की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि 5-11 फीट लंबा व्यक्ति प्राचीन नीले डिजाइन के वस्त्र पहने हुए और छाती पर चमकते हुए सूर्य का प्रतीक लिए हुए एक लंबी तलवार के ऊपर खड़ा है, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे हैं, मानो वह किसी भव्य व्यक्ति की तरह खड़ा हो। लेकिन एस को इस बात से आश्चर्य हुआ कि वह आकृति एक मानव थी। तलवार के ऊपर एक राजसी मूर्ति की तरह खड़े इस व्यक्ति का चेहरा सुंदर और रंग गोरा था और वह लगभग 25 साल का लग रहा था। उसके लंबे काले बाल और तलवार के आकार की भौहें उसे उदास दिखा रही थीं, जबकि उसकी गहरी भूरी आंखें ठंडी और उदासीन थीं। हालांकि जब उसने एस के हुड वाले चेहरे को देखा तो उसकी ठंडी आंखों में नग्न तिरस्कार उभर रहा था, मानो वह किसी कीड़े को देख रहा हो। कुछ क्षणों तक एस को देखने के बाद उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी
क्योंकि एस ने एक भी शब्द नहीं बोला। घबराना तो दूर की बात थी, और उसकी तरह एस भी पहले बोलने के इरादे के बिना बस उसे देख रहा था। उसने कल्पना की थी कि एस उसे देखकर घबरा जाएगा, यहाँ तक कि अपनी जान बख्शने की भीख भी मांगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके अलावा जितना ज्यादा वह लंबे हुड को देखता, जो एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था, उतना ही उसे असहज महसूस होता, क्योंकि वह एस का चेहरा साफ साफ नहीं देख पा रहा था। लेकिन वह इस नश्वर चींटी पर अपनी मार्शल सेंस का इस्तेमाल करने से कतराता था। एक प्रारंभिक चरण एनर्जी आत्मा प्रकटीकरण क्षेत्र मानव और यह युवा, आखिर मनुष्य इतने शक्तिशाली कब बन गए? या उसका रूप युवा है और वह एक बूढ़ा राक्षस है जो युवा होने का नाटक करना पसंद करता है? एस ने तलवार पर खड़े आदमी को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। सच कहा जाए तो एस किसी को उड़ते हुए जानवर की तरह तलवार पर सवार देखकर काफी आश्चर्यचकित था, और उसने सुनहरे आकाश की दुनिया में इस तरह की विधि के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, खासकर मनुष्यों द्वारा ऐसी अनोखी विधि का उपयोग करने के बारे में। इसके अलावा जितना अधिक वह दूसरे पक्ष को देखता, उतना ही अधिक उसे लगता कि कुछ ठीक नहीं है, और उसे तलवार के ऊपर खड़े व्यक्ति से खतरे का भी एहसास होता। फिर भी दूसरा पक्ष निस्संदेह मानव था, और यह बात अकेले ही एस को इस स्थान और यह कहां है के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए पर्याप्त थी। सिस्टम फेज 3 सक्रिय करें। उसका चेहरा अचानक उसके मुखौटे के नीचे मुड़ने लगा। इस समय तलवार वाले व्यक्ति ने आखिरकार अपना मुंह खोला और उसकी गहरी आवाज शांत वातावरण में गूंजी, अपना चेहरा दिखाओ और अपनी पहचान बताओ। सवाल करते समय उसकी आवाज में अहंकार भरा हुआ था। यह अहंकार उसकी हड्डियों में भी गहराई तक समा गया था, क्योंकि उसने अपना संतुलन भी नहीं खोया था। एस ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और हुड के पीछे अपना चेहरा दिखाया। एक 17 वर्षीय मानव चेहरा सामने आया, जो औसत दर्जे का और थोड़ा सा गहरा रंग लिए हुए था। चेहरा नंबर 3 रयान का चेहरा था, जिसका उपयोग उसने मध्य स्तरीय भूमि में किया था, और काफी समय हो गया था जब उसने अपने मुखौटे में बचाए गए कुछ मानवीय चेहरों का उपयोग किया था। उसके मुखौटे में अधिकांश चेहरे राक्षसों के थे, लेकिन इस स्थिति में उसने नहीं सोचा कि इस आदमी के सामने राक्षस का चेहरा दिखाना बुद्धिमानी होगी। एस ये देखना चाहता था कि क्या वह दूसरे पक्ष को उसके खिलाफ जाए बिना मूर्ख बना सकता है। इसलिए उसने कोई ऐसी कला नहीं दिखाई जिससे कि अगर वह उसे कमानते हुए उस पर हमला करता तो उसे चौंका सके। लेकिन यह उसके पक्ष में काम कर सकता है, क्योंकि यह आदमी उसके जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले प्रकट हुआ था, और वह बहुत तेज था, जिसका अर्थ केवल यही हो सकता था कि उसके पीछे खड़े लोगों के पास इस क्षेत्र पर नजर रखने का कोई रास्ता था और उन्होंने उसे इसकी जांच करने के लिए भेजा था। इसके अलावा इस व्यक्ति को यह पता ही नहीं था कि वह अपने पीछे के अंधेरे से प्रकट हुआ है, या तो उसके पास और भी लोग होंगे या फिर उसके पीछे खड़े लोगों को उसके जैसे असामान्य व्यक्ति की परवाह ही नहीं है, जो कि मानवीय जिज्ञासु स्वभाव को देखते हुए विश्वास करना काफी कठिन था। अंत में चूंकि इस व्यक्ति ने तुरंत हमला नहीं किया और उसे अपनी पहचान बताने का मौका नहीं दिया, इसका मतलब है कि पहले वाले परिदृश्य की संभावना अपेक्षाकृत अधिक थी और वह केवल अज्ञात पहचान के कारण ही शत्रुतापूर्ण था। लेकिन एस के बोलने से पहले ही जब उस आदमी ने एस के चेहरे पर ध्यान दिया तो उसकी आंखों में बर्फीली हत्या की नियत चमक उठी और उसने कहा, बेशर्म, तुमने नौकर पहाड़ को छोड़कर इस सड़े हुए तख्त के साथ क्रिस्टल नदी में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? ऐसे अचानक विस्फोट से चकित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरा आदमी किस बारे में बात कर रहा है। हालांकि उसने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि उसके चेहरे का भाव कुछ हद तक शून्य था। चूंकि यह आदमी पहले ही जल्दबाजी में काम कर रहा है तो इसे आगे बढ़ने दो, उसने सोचा, लेकिन वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार था। तलवारधारी व्यक्ति ने जब उस युवा लड़के के चेहरे पर भाव शून्य भाव देखा तो उसके चेहरे पर घृणा की लकीरें उभर आईं और उसकी नजरों में वह एक मूर्ख के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। क्या तुम बहरे हो, गूंगे हो, बेवकूफ हो या तीनों हो, उसने फिर पूछा। उसकी आंखों में हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई, जबकि उसके पैरों के नीचे तलवार से तेज चमक निकल रही थी। हालांकि एस की अभिव्यक्ति खाली रही, क्योंकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि प्रतिक्रिया की कमी के तहत वह क्या करेगा। ये स्थिति बहुत बेहतर थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है और कुछ भी बोलने से उसे केवल नुकसान ही होगा। उसने महसूस किया कि जब उस व्यक्ति ने देखा कि वह एक साथी इंसान है तो उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों से सतर्कता गायब हो गई और वह पूरी तरह से सहज हो गया। वह जो हत्या का इरादा दिखा रहा था वह शायद ये परखने के लिए था कि वह वाकई मूर्ख है या नहीं, और अगर वह मूर्ख नहीं भी था तो भी उस पर हमला कर दिया जाएगा। एस उसे जल्द से जल्द वश में करने के लिए तैयार था, और उसकी असली ताकत का खुलासा किए बिना और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका था कि दूसरे पक्ष को उसे कम आंकने दिया जाए। वह जानता था कि वह दूसरे पक्ष की नज़र में एक नश्वर व्यक्ति प्रतीत होगा, क्योंकि उसने अपनी साधना को छुपाया नहीं था और वह व्यक्ति इसे महसूस नहीं कर पाएगा। जहां तक इस आदमी के पीछे के लोगों का सवाल है, वे उसकी जान बचाने के बाद इस बारे में सोचेंगे। हालांकि जब उस आदमी की आंखों में हत्या की मंशा फीकी पड़ने लगी तो एस को पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। लेकिन अब सवाल यह था कि वह एक बेवकूफ के साथ क्या करेगा।
ये तो बस एक झूठा अलार्म था, लेकिन मुझे ही इस बेवकूफ से क्यों निपटना है। चलो इसे नौकर पहाड़ को सौंप देते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट खत्म करते हैं। उसने बेवकूफ को मौत की नज़र से देखने से पहले हैरानी से कहा, छोटे कमीने, अगर मुझे साथी इंसान को मारने की इजाज़त नहीं दी गई तो तुम चाहोगे कि तुम मर जाओ। एस की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जब उसने ये दिलचस्प खबर सुनी। किसी इंसान को नहीं मारा, तो फिर यहाँ इंसानों के अलावा और भी नस्लें हैं। एस को इस संभावना से और भी अधिक हैरानी हुई, लेकिन उसकी विचार प्रक्रिया तब बाधित हुई जब तलवार की नोक से एक नीली धुंध अचानक उसकी ओर बढ़ी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह खतरनाक नहीं है, उसने प्रतिरोध नहीं किया और इसे अपनी कलाई के चारों ओर लपेटने दिया, और अगले ही पल तलवार एस को एक फटे हुए गुड़िया की तरह घसीटते हुए आकाश की ओर बढ़ गई। एस ने कोई आवाज नहीं की, जबकि उसे पतंग की तरह उड़ती तलवार के पीछे घसीटा जा रहा था। इससे उड़ती तलवार को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को और भी यकीन हो गया कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, और उसे आश्चर्य भी हुआ कि यह आदमी आज तक जिंदा क्यों है। फिर भी वह अभी भी इस मूर्ख पर अपनी सांस बर्बाद करने से घृणा करता था, और वह उसे वापस खींचकर केवल अपना काम कर रहा था, न अधिक न कम। दूसरी ओर एस पर्वत श्रृंखला के भीतर और अधिक गहराई तक जाते हुए पर्वतीय भूभाग पर बारीकी से नजर रख रहा था। एस को लगा कि एनर्जी सघन होती जा रही है, लेकिन जब उसने आगे कुछ आश्चर्यजनक देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब जब वह आसमान में था तो उसे इस जगह का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, लेकिन यह नज़ारा किसी की कल्पना से परे था। उसने देखा कि पहाड़ों के जाल के बीच में एक पत्थर की सीढ़ी थी, बादलों की धुंध में गायब हो जाना। लेकिन जो बात वाकई चौंकाने वाली थी वह थी पहाड़ के नीचे दो पहाड़ी कांस्य द्वार, जिन पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक थे, ठीक उस जगह से पहले जहां सीढ़ियां शुरू होती हैं। इसके अलावा वे द्वार सुनहरे और चांदी के वाइवन की दो ज्वलंत प्रतिमाएं थीं। दसियों मील दूर से भी ऐसे द्वारों की राजसी शक्ति को महसूस कर सकता था, जो किसी भी नश्वर को श्रद्धा से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते थे। एस ने उन द्वारों के सामने चींटियों की तरह एकत्रित हुए लोगों के एक विशाल समूह को भी देखा। आखिर यह जगह क्या है? एस उस विशाल द्वार और सीढ़ियां को देखकर सचमुच चौंक गया जो उस सफेद धुंध के भीतर ले जाती थीं। जहां तक उस धुंध के आगे की बात है, एस को इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि उस बिंदु से आगे की हर चीज घने सफेद धुंध में लिपटी हुई थी। लेकिन जो कुछ वह देख पाया उससे मुझे उस स्थान के बारे में सामान्य जानकारी मिल गई जहां वह पहुंचा था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये जगह दानव महाद्वीप के शाही दानव क्षेत्र से किसी भी तरह से कमतर नहीं हो सकती है, और इस जगह पर इंसानों का उच्च दर्जा है। मुझे मत बताओ कि मैं सुनहरे आकाश की दुनिया के किसी छिपी हुई शक्ति के क्षेत्र में समाप्त हो गया हूं। एस ने एक गंभीर भाव के साथ सोचा, क्योंकि उसने भाग्य के नक्शे को देखा जो अब लाल रंग में रंगा हुआ था। यदि वह मूर्ख बनने का नाटक नहीं कर रहा होता तो वह सचमुच अपने सामने वाले व्यक्ति से पूछ सकता था, लेकिन वह जानता था कि इस समय उसके लिए चुप रहना और मूर्ख बने रहना ही बेहतर है। आत्मा जांच के लिए उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि जब तक वह आदमी अपनी इष्टतम स्थिति में रहेगा तब तक यह विफल हो जाएगा। आत्मा अभिव्यक्ति क्षेत्र कोई मजाक नहीं था, और इसके लिए पूर्ण विश्वास के बिना और इस अज्ञात क्षेत्र में आत्मा जांच की कोशिश करना बहुत जोखिम भरा था। वह इस बात से भी खुश था कि यह आदमी उसे यहां ले जा रहा था, अन्यथा वह कोई जाल बिछा सकता था, या इससे भी बदतर, अगर वह वापस लड़ने की कोशिश करता तो उसका पर्दाफाश हो सकता था। इस समय उड़ती हुई तलवार ने अचानक एक तीव्र बाईं ओर मोड़ लिया, और एस चौंक गया जब उसने पाया कि वे उन विशाल द्वारों की ओर नहीं जा रहे थे। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सामने एक पारदर्शी चांदी की दीवार थी, और उस दीवार के पीछे एक बड़े पहाड़ पर पुरानी दिखने वाली जर्जर इमारतें थीं। यह एक पहाड़ी शहर जैसा था। जब वे इस पुराने पहाड़ के करीब पहुंचे तो एक चौंकाने वाला दृश्य भी देखने को मिला। ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि पत्थर की सड़कों पर पुराने कपड़े पहने हुए चलने वाले निवासियों ने दिया था, और उन निवासियों में सिर्फ इंसान ही नहीं थे। एस को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा था, जब उसने गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले लंबे दानव को एक इंसान के साथ चलते हुए देखा, और वे अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ बात कर रहे थे। यह इसका अंत नहीं था। एक और लंबा नीला मानव जैसा व्यक्ति था, जिसके छोटे बैंगनी चमगादड़ के पंख और उसकी पीठ पर एक तीर की पूंछ थी, जो एक दुकान के सामने खड़ा था। आ शैतान, एस ने तुरंत ही उस शैतान को उसकी अनदेखी न की जा सकने वाली जातीय विशेषताओं के कारण पहचान लिया। वहां तीन अलग अलग मनुष्य भी घूम रहे थे, जिनके बाल पुराने रंग के थे और संभवतः वे शिकारी थे। एस को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में था, क्योंकि उसने देखा कि अलग अलग नस्ल के लोग आपस में लड़ झगड़ने के बजाय एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। अपनी गहरी नजर से उसने ये भी देखा कि सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वे सभी काफी दुबले पतले थे। उड़ती तलवार पर सवार व्यक्ति ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि जिस मूर्ख को वह लेकर चल रहा है वह बड़े पर्वतीय द्वार की ओर उतरते समय सब कुछ देख सकेगा। वहां दो सफेद वस्त्र पहने हुए मनुष्य हाथों में भाले लिए पहरा दे रहे थे, और उनके हाव भाव तब तक सुस्त थे जब तक उन्होंने आती हुई नीली रेखा को नहीं देखा।
वे उन चूहों की तरह थे जिन्होंने बिल्ली का सामना किया था और पीले चेहरे के साथ तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली थी तथा अपनी एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जैसे वे द्वार की रखवाली कर रही पत्थर की मूर्तियां हों। अंततः नीली रेखा पर्वत के द्वार से कुछ मीटर की दूरी पर धीमी हो गई और सुंदर आदमी दिखाई दिया। जब उन दोनों सुरक्षाकर्मियों ने उस व्यक्ति के वस्त्र देखे तो वे घबरा गए और तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और एक स्वर में चिल्लाने लगे, हम भगवान अमर को नमस्कार करते हैं। अमर ऐसे अभिवादन से खुश हुआ, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसकी कलाई के चारों ओर बंधी एनर्जी ढीली हो गई है तो वह चौंक गया और अगले ही पल वह गायब हो गई और वह 10 मीटर से अधिक ऊंचाई से पत्थर की जमीन पर गिर गया। अगर वह वास्तव में नश्वर था तो शायद उसकी हड्डी टूट गई होगी या वह बुरी तरह घायल हो गया होगा, जिसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि तलवार पर सवार व्यक्ति को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह शायद कुछ शक्तिशाली नियमों से बंधा हुआ था जो उसे उसके खिलाफ कोई भी घातक कार्रवाई करने से रोक रहे थे, या वह चींटी से निपटने के लिए बहुत घमंडी था। जो भी मामला था, ऐसे सफर से खुश था और उस आदमी को भविष्य में निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि असली मूर्ख कौन था। इसलिए ऐस ने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और एक खाली भाव के साथ पत्थर की जमीन पर गिर गया। तलवार पर सवार आदमी ने बस उसे देखा और फिर अपना सिर गार्ड की तरफ घुमाया, जो इस अचानक दृश्य से हैरान थे। उसने ठंडेपन से तीखी निगाह से पूछा, इस बेवकूफ को बाहर किसने जाने दिया? वे दोनों गार्ड कांपने लगे और उन्हें पसीना आने लगा। हम नहीं जानते, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई जवाब दे पाता, एक पहाड़ जैसी आभा उन पर छा गई। तुम अभी भी मूर्ख बनने की हिम्मत रखते हो? तलवार पर बैठा आदमी गुस्से में दहाड़ा। चूंकि वह अपनी अभिव्यक्ति की कमी के कारण उस मूर्ख पर गुस्सा नहीं निकाल सकता, इसलिए वह उन दो लोगों पर गुस्सा निकालेगा जिन्होंने उसे एक मूर्ख को वापस लाने के लिए इतनी थकाने वाली यात्रा पर मजबूर किया। वह न केवल क्रिस्टल नदी में नहा रहा था, बल्कि वह वहां एक सड़े हुए तख्त के साथ था। इसके अलावा उसने काला पहना हुआ है, जो सूर्य और चंद्रमा तलवार संघ के बाहर एक निषिद्ध ड्रेस कोड है। अपने पर्वत स्वामी को यहाँ लाओ, मैं देखूंगा कि कौन इन कपड़ों को बुनने की हिम्मत करता है। जमीन पर एसएस नाम से चकित था सूर्य और चंद्रमा तलवार संघ। उन सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर बहुत ही गहरा दाग था, क्योंकि उन्होंने आखिरकार उस सपाट चेहरे वाले काले लबादे वाले मूर्ख को देखा। उन्हें एहसास हुआ और उन्हें उस आदमी की जिंदा खाल उतारने का मन हुआ। मैं जाकर पर्वत स्वामी को ले आऊंगा, हल्की दाढ़ी वाले एक पहरेदार ने तुरंत उत्तर दिया और पीछे मुड़ गया। हालांकि पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ने से पहले ही उसे रोक दिया गया। तुम बहुत ज्यादा समय लोगे और मेरे पास इतना समय नहीं है। बस इस बेवकूफ को संभालो और यूनियन के नियमों के अनुसार उसे सजा दो। ये कहते हुए उसके पैरों के नीचे की तलवार नीली चमक में चमक उठी और फिर नीली लकीर में बदल गई और पहाड़ की चोटी की ओर गायब हो गई। उन दोनों गार्डों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो और उन्होंने खुद को शांत करने के लिए तेजी से सांस ली और छोड़ी। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में द्वेषपूर्ण क्रोध उभर आया और वे दोनों एक साथ इसकी ओर मुड़े। वे क्रोधित थे और वे लगभग मौत के मुंह में चले गए और यह सब इस अज्ञात व्यक्ति की वजह से हुआ। उनमें से एक व्यक्ति तेजी से उसके पास आया और उसे उठाने के बजाय उसके पेट पर जोरदार लात मारी। तुम कमीने, हमारे खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरा भी गुस्से से चिल्लाया और उसने और भी ज्यादा उग्र होकर एस के सिर पर लात मारी। वे उसे गालियां देते हुए पीट रहे थे और इतने क्रोधित थे कि उन्होंने तब तक उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न होने का ध्यान नहीं दिया जब तक कि उन्होंने उसे 3 या 4 बार लातें नहीं मार दी। शायद वह भगवान अमर द्वारा नीचे फेंके जाने पर बेहोश हो गया था। चलो उसे जेल में डाल देते हैं और पहाड़ के भगवान के आदेश का इंतजार करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह जल्द ही उस पर गुस्सा निकालेगा। छोटी आंखों वाले गार्ड ने ठंडे स्वर में उपहास किया। हल्की दाढ़ी वाले गार्ड ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन हमें पहले उसे होश में लाना होगा। अगर वह मर गया तो हम ठीक से जी नहीं पाएंगे। वह अमर शायद इस मौत से भी हाथ धोना चाहता था, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। दूसरे गार्ड का चेहरा बदल गया और वह डर गया। तुमने उसे लात मारने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? दूसरे ने जवाब दिया। यद्यपि वे दोनों क्रोधित थे, फिर भी उन्होंने किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सजा बहुत कठोर थी और वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वे इसे छिपा नहीं पाएंगे। संघ ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी अपनी मर्जी से काम कर सकता था और नियमों का पालन सभी लोग करते थे, यहां तक कि अमर भी। किसी भी उचित सुनवाई के बिना किसी की हत्या करने की सजा थी उस व्यक्ति की हत्या करना, और वह भी सबसे क्रूरतम तरीके से। यद्यपि उन अमर लोगों को उसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाता था जब तक कि वे किसी अन्य अमर को नहीं मारते थे, तथापि वे किसी नश्वर को मारने के लिए दंडित होते थे। शांत होने के बाद उन्होंने एस को उसकी कांख से पकड़ा और उसे घसीटते हुए पहाड़ के दरवाजे से बाहर ले गए। वे एक बड़ी इमारत की ओर जा रहे थे जो गार्ड पोस्ट थी। इमारत में घुसने के बाद दाढ़ी वाले गार्ड ने दूसरे से कहा, मैं इसकी रिपोर्ट लीडर को दूंगा।
तुम जाकर उसे बंद कर दो और उसके काले कपड़े उतारना मत भूलना। छोटी छोटी आंखों वाले पहरेदारों ने सिर हिलाया और फिर ऐस को पत्थर की सीढ़ी की ओर खींच लिया और फिर उसे नीचे खींच लिया। हालांकि सीढ़ियों पर प्रवेश करते ही गार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग भटक गया है और लगभग तुरंत ही उसकी आंखें बंद हो गईं और वह नीचे गिरने लगा। लेकिन वह ऐसे जकड़ा हुआ था जो अब ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, और बेहोश गार्ड को देखते हुए उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। यादों और आपके चेहरे के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इससे पहले कि छोटी आंखों वाले गार्ड पर बिजली चमकती। अगले ही पल एस का चेहरा फिर से बदलने लगा और जल्द ही छोटी आंखों वाले गार्ड में बदल गया। उसने पहले ही दोनों गार्डों की यादों को अपने कब्जे में ले लिया था जबकि वे उसे मारने में व्यस्त थे। वे दोनों नश्वर थे और उनकी यादें एस द्वारा अवशोषित की गई यादों के सामने बस एक बूंद थी, जबकि उनकी किक उसके लिए विशेषताओं की तरह थी। एस बस तलवार पर सवार उस आदमी के जाने का इंतजार कर रहा था और अब वह पानी में मछली की तरह था, लेकिन पहले उसे एक और बेवकूफ का इंतजाम करना था ताकि कोई भी अंतर न बता सके। राहत की बात यह थी कि इन दोनों ने उसके चेहरे को देखने की भी जहमत नहीं उठाई जो आसमान से गिराए जाने के समय उसके हुड से ढका हुआ था, इसलिए दूसरा उसका चेहरा नहीं जानता था और यह आदमी अब किसी को सच भी नहीं बता पाएगा। एस के हाथ में अचानक काली रोशनी चमक उठी और उसने उसे सावधानी से नियंत्रित किया ताकि गार्ड के दिमाग को भूनकर उसे सब्जी बना सके। अगले ही पल वही रोशनी उसके चेहरे को जलाने लगी और फिर उसे इतना मिला दिया कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाई। एस ने फिर उसे एक निम्न श्रेणी की उपचार गोली खिलाई जिससे वह ठीक हो गया और एक बेवकूफ जाने के लिए तैयार था। जो कुछ बचा था वह उसके कपड़े थे। एस के वस्त्र बदलने लगे क्योंकि अब वे गार्ड के समान ही दिखाई दे रहे थे और उसके पास बहुत सारे काले कपड़े थे, इसलिए यह और भी आसानी से किया जा सकता था। जब एस को यकीन हो गया कि सब कुछ सही है तो उसने मूर्ख को घसीट कर एक खाली कोठरी में डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जंगल से बाहर निकलने के बाद उसने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि उदासी थी, क्योंकि उसे इन दो नश्वर मनुष्यों से इस सूर्य और चंद्र तलवार संघ के बारे में बहुत ही बुनियादी जानकारी मिली थी, लेकिन बस इतनी सी जानकारी ही एस को इस जगह के प्रति बेहद सतर्क बनाने के लिए पर्याप्त थी। प्रथम, अमर लोग वास्तव में साधक थे और केवल ये नश्वर लोग ही उन्हें ऐसा कहते थे और साधकों ने भी इसका स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई। दूसरा, यहां आते समय एस ने जो विशालकाय द्वार देखे उनके बाहर जो कुछ भी था उसे मौत का क्षेत्र कहा जाता था। उन द्वारों को सूर्य और चंद्रमा आरोहण द्वार के नाम से जाना जाता था। तीसरा, इस जगह पर कोई जातिवाद नहीं था और यहाँ का माहौल कई जातियों के बीच पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण था, लेकिन फिर भी जो जातियाँ श्रेष्ठ गुणों वाली थीं उन्हें तब तक विशेष व्यवहार प्राप्त हुआ जब तक कि उन्होंने उन गुणों का उपयोग संघ के व्यापक हित के लिए किया। एस को जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली वह ये थी कि संघ के नियम निरपेक्ष थे। संघ के इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था जिसमें कोई व्यक्ति संघ के किसी नियम को तोड़कर बच निकला हो। ऐसा लग रहा था कि उनकी नज़र संघ के हर कोने पर थी, जो एस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। एस के नए भेष का नाम अडोल्फ था और वह इस सेवक पर्वत के रक्षक बल का हिस्सा था जिसे आमतौर पर सर्वेंट माउंटेन सिटी कहा जाता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, सर्वेंट माउंटेन सिटी केवल सूर्य और चंद्रमा तलवार संघ के सर्वेंट रैंक के सदस्यों के लिए एक विशिष्ट शहर था। मॉडल डोमेन में संघ के एक विशेष कानून का पालन किया जाता था और लोगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। सबसे निचली श्रेणी संघ सेवक, फिर संघ नागरिक, संघ अधिकारी और अंत में आधिकारिक संघ सदस्य होती थी। सेवक श्रेणी के लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते थे और वे नागरिकों द्वारा जारी किए गए नश्वर क्षेत्रों में छोटे मोटे काम करते थे और उन कामों को करके संघीय पुण्य अर्जित करते थे। यूनियन मेरिट संघ की मुद्रा थी और उनका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। यूनियन मेरिट्स का सबसे आम और महत्वपूर्ण उपयोग यह था कि इससे संघ में किसी की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता था। एक संघ सेवक तब तक संघ का नागरिक बन सकता है जब तक उसके पास पर्याप्त गुण हो। हालांकि ये कहना जितना आसान था करना उतना ही कठिन था, क्योंकि नौकरों के लिए शायद ही कभी नौकरियां उपलब्ध होती थी और यूनियन के नागरिक नौकरों को अपनी जेब से यूनियन मेरिट्स का भुगतान करने के बजाय स्वयं ही अपना काम करते थे। यही कारण है कि सर्वेंट माउंटेन सिटी में ज्यादातर नौकर रहते थे और नौकरों के पास कोई काम नहीं था। इसके अलावा उन्हें पहाड़ के पीछे जंगल में भोजन की तलाश करनी पड़ती थी जो निम्न स्तर के राक्षसी जानवरों से भरा हुआ था और ये नश्वर लोग सिर्फ एक का शिकार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। हालांकि एस का इससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वह आधिकारिक पर्वतीय शहर की ओर जाने की योजना बना रहा था जो कि सेवक पर्वत से सबसे दूर और सूर्य और चंद्रमा आरोहण द्वार के सबसे निकट का शहर था। आधिकारिक माउंटेन सिटी आधिकारिक यूनियन सदस्य का आवासीय क्षेत्र भी था। जहां तक एस के गंतव्य की बात है तो इसका कारण ये था कि आधिकारिक यूनियन सदस्य अमर बनने के योग्य थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें कल्टीवेशन करने की अनुमति दी गई थी। ओवेल, इतना ही नहीं बल्कि उन्हें सूर्य और चंद्र आरोहण द्वारों के पीछे आरोहण सीढ़ियों पर चढ़ने और बादलों में संघ की पवित्र भूमि में शामिल होने का भी मौका मिला।
कम से कम अडोल्फ और नश्वर क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का तो यही विचार था। लेकिन इसको पता था कि यह संघ के साधकों द्वारा इन नश्वर लोगों को नियंत्रित करने और उनसे पहाड़ों की देखभाल करवाने के लिए किया गया एक दिखावा मात्र था, या फिर वे बस कठिनाइयों के माध्यम से सच्चे विशेषज्ञों का पोषण करने के लिए ऐसा कर रहे थे। जो भी मामला था, एस्को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह बस जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, और एकमात्र तरीका यह था कि संघ के वास्तविक मुख्य क्षेत्र में घुसपैठ की जाए और फिर इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाए। क्योंकि अडोल्फ की यादों के अनुसार संपूर्ण नश्वर क्षेत्र क्रिस्टल झील से घिरा हुआ था और उस क्रिस्टल झील के पीछे शून्यता थी जिसे एस ने स्वयं देखा था। इन लोगों का मानना था कि दुनिया केवल नश्वर क्षेत्र तक ही सीमित है और यदि वे भविष्य में जाना चाहते हैं तो बादलों की ओर जाना ही एकमात्र रास्ता है। उन सभी को क्रिस्टल झील के पास जाने से मना किया गया था और उन्हें 100 कांटेदार कोड़ों से दंडित किया गया था। इसीलिए उड़ती तलवार पर सवार आदमी ने एस को कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह जानता था कि वह इस सजा के साथ नहीं जी पाएगा और इससे उनके जीवन पर यूनियन का नियंत्रण भी ताजा हो जाएगा। वे कोई भी नियम तोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्या वे सिर्फ स्वर्ग का नाटक नहीं कर रहे हैं। एस घृणा से हंसने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि न जाने क्यों उसे ऐसा सोचकर उन सभी को सबक सिखाने की इच्छा हुई। फिर भी वह खुद से आगे नहीं बढ़ा। भाग्य का नक्शा अभी भी लाल रंग में रंगा हुआ था, जिसका मतलब है कि यह पूरा स्थान शाही डोमेन जैसी संरचना पर बनाया गया था। वहां से निकलने की पूरी कोशिश करते समय उसे पूरी सावधानी बरतनी थी कि वह अपनी ओर ध्यान न खींचे। वे एक छोटी सी चींटी पर ध्यान नहीं देंगे, है न? मैं उस क्रिस्टल झील के बारे में तो समझ सकता हूँ, लेकिन नश्वर क्षेत्र में मौजूद हर जीवित प्राणी पर नजर रखना, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन सिर्फ मामले में मुझे प्रयोग करने की जरूरत है। जेल की कोठरियों से मुख्य इमारत में आने से पहले उसने गंभीरता से सोचा। हल्की दाढ़ी वाला गार्ड, जिसका नाम डगलस था, फिर से प्रकट हुआ, क्योंकि वह अभी भी कुछ मिनट पहले हुई घटना के बारे में गुस्से में था। अडोल्फ को आते देख उसने जल्दी से ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप इसका ख्याल रखते हैं? अडोल्फ ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे उन बुरे कीड़ों के साथ कोठरी में बंद कर दिया है। जब सजा शुरू होगी तो वह वैसे भी मर जाएगा, ये हमारा छोटा सा बदला होगा। डगलस की आंखें तुरंत चमक उठी और वह ठंडी हंसी में बोला, बहुत बढ़िया, उस कमीने को सबसे क्रूर तरीके से मरना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमें भी अपने साथ घसीट ले? अडोल्फ अचानक पास आया और गंभीरता से फुसफुसाते हुए बोला, भाई डगलस, हालांकि उस अमर ने हमारे साथ व्यवहार करने से इनकार कर दिया, पहाड़ के राजा के बारे में क्या? वह हमेशा तुच्छ है और अमर द्वारा अनुशासित होने के बाद भी वह हमें नहीं छोड़ेगा। वह हमें खोजेगा और हमारा जीवन दुखी कर देगा। वह हमारे खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल भी कर सकता है। डगलस का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने जल्दी से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अडोल्फ कुछ सोचने लगा और फिर उसने गंभीरता से कहा, क्या हम पहाड़ी जंगल में वापस जाकर शिकार दल में शामिल होने के लिए तैयार हो सकते हैं? जब तक वह हमें नहीं ढूंढ पाता, वह हमसे बदला कैसे ले सकता है? फिर वह सिर्फ उस छोटी सी बात पर गुस्सा निकाल सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि वह हमारे चेहरे भी नहीं पहचान पाएगा। जब तक हम शिकार दल में कम संख्या में रहेंगे, हम इस आपदा से बच पाएंगे। डगलस ने अवाक होकर अडोल्फ को देखा और अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। भाई अडोल्फ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने षड्यंत्रकारी हो। अडोल्फ के होंठ थोड़े से मुने, कोई बात नहीं, तो फिर तुम मेरे साथ हो, डगलस ने तथ्यात्मक रूप से कहा। बेशक, चलो जल्दी से अपने पदों से इस्तीफा दे दें और पहाड़ पर वापस रिपोर्ट करें, यहां तक कि वह अमर भी अब हमारे अंदर कोई गलती नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों तुरंत वहां से चले गए, लेकिन डगलस को पता नहीं था कि वह इसके प्रयोग का विषय बनने जा रहा था। अपनी पुरानी चौकियों को पीछे छोड़कर दोनों रक्षक तेजी से पहाड़ के पीछे की ओर चले गए। शिकार दस्ता किसी भी स्वयंसेवक के लिए एक खुला दस्ता था, लेकिन जंगल में रहने वाले राक्षसी जानवर के कारण ये सबसे खतरनाक दस्ता भी था। शिकार दल में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मनुष्य शायद ही कभी इस दल में शामिल होते थे, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट राक्षसों या शैतानों जितनी मजबूत नहीं थी, नहीं उनमें शिकारियों की तरह साधना किए बिना मूल तत्व एनर्जी का उपयोग करने की जन्मजात क्षमता थी। फिर भी शिकार दल काफी लाभदायक था, क्योंकि यहाँ भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और यही कारण था कि वे साहसी लोग फिर भी उनके साथ शामिल हो गए। आज भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि खुले में पत्थर की मेज के सामने कतार लगी हुई थी और एक नीली त्वचा वाला दानव कतार में खड़े लोगों को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। किसी पर एक नजर डालने के बाद वह बोल पड़ता, स्क्वाड-4, स्क्वाड-5 या स्क्वाड-6। डगलस और अडोल्फ भी कतार में शामिल हो गए, क्योंकि वे अपने भले पकड़े हुए थे जो वास्तव में गार्ड यूनिट की संपत्ति थे। लेकिन जब तक वे नहीं मिल जाते, तब तक कोई भी दो जंग लगे भालों की परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा डगलस के दिमाग में वे माउंटेन लॉर्ड की नजर से बच रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए जंगल में रहने की जरूरत थी, इसलिए उन्हें इस हथियार की जरूरत थी, चाहे कुछ भी हो।
जल्द ही डगलस और अडोल्फ की बारी आई। राक्षस ने उन दो मनुष्यों को भाले पकड़े और सीधे खड़े होने का मौका दिया। उसके होंठ पहली बार थोड़े मुड़े, तुम दोनों स्क्वाड हैश दो। एस की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसे इस राक्षस से द्वेष महसूस हुआ। वह राक्षसों के काम करने के तरीके से बहुत परिचित था, फिर भी ये राक्षस केवल एक नश्वर था, इसलिए उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह बस ये जांचना चाहता था कि उसका सिद्धांत सही है या नहीं, और फिर वह बिना किसी को पता चले यहाँ से चला जाएगा। ये जंगल उसके लिए एकदम सही था, क्योंकि उस जगह पर मारा जाना एक सामान्य बात थी और कोई भी किसी के जीवन की जांच नहीं करता था। इसके अलावा यदि संघ के नियम निरपेक्ष थे तो इस राक्षस के मन में उनके प्रति बुरी नीयत क्यों थी। एस इसका इंतजार कर रहा था। इस समय प्रकृति की खुशबू से भरे और उत्तम जैद और लकड़ी के काम से सजा एक उज्ज्वल हॉल के अंदर उड़ती तलवार पर सवार नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और वह अत्यंत सम्मानपूर्ण ढंग से लंबे बर्फीले बाल और लंबी दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। बूढ़े आदमी ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए युवक की तरह ही कपड़े पहने हुए थे, फर्क सिर्फ बैंगनी रंग का था, जबकि सूरज की चोटी भी वही थी। वह एक शांत प्राचीन व्यक्ति की तरह चटाई पर अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठा था। नीले वस्त्र पहने युवक ने अपना सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, आठवें एल्डर, मैं क्रिस्टल झील में हुई गड़बड़ी के बारे में अपनी रिपोर्ट समाप्त करने आया हूँ। यह कोई मानसिक रूप से बीमार मानव युवक था जो झील में घुस गया था और इसका ध्यान रखा गया है। बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी कांप उठी, फिर उसने आंखें खोली जैसे उसकी धूसर पुतलियां उभरी हों जो कि उतार चढ़ाव और ज्ञान से भरी हुई हों। उसने बिना किसी भावना के अपनी कर्कश आवाज में कहा, उस इंसान को यहाँ लाओ। युवक हैरान रह गया क्योंकि उसे इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि इस जगह पर किसी भी इंसान को तब तक जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि वे उन सीढ़ियों पर चढ़ न सकें। वह पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि बुजुर्ग ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए उसने अपने शब्द निगल लिए। जैसी आपकी आज्ञा। एक और बार झुक कर वह जल्दी से हॉल से बाहर चला गया। वह जानता था कि माउंटेन लॉर्ड शायद गुस्से में उस लड़के को नहीं छोड़ेगा और उसने उसे ऐसा करने के लिए डांटा, लेकिन अब उसे अपने नए आदेश मिल गए थे। वह जाने की जल्दी में था और केवल यही उम्मीद कर सकता था कि वह लड़का अभी भी जीवित हो। हालांकि जैसे ही युवक अपनी उड़ती हुई तलवार निकालने वाला था, आठवें बुजुर्ग की आवाज अचानक उसके सिर में गूंजी जिसने उसे चौंका दिया। कोई प्रतिक्रिया मत करो, बस ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़के को मार दो और सिर्फ उसकी लाश लाओ। किसी को पता न चले वरना तुम मर जाओगे। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा क्योंकि उसे उस आवाज के पीछे छिपी हत्या की मंशा का एहसास हो गया था। वह अपनी भावनाओं पर काबू पाने में मुश्किल से कामयाब हो पाया था कि उसने उड़ती हुई तलवार निकाल ली और राग जैसी अभिव्यक्ति के साथ उड़ गया जैसे कि वह कोई बहुत कठिन निर्णय ले रहा हो। उस युवक के जाने के बाद आठवें एल्ड के ठीक बगल में एक 3 मीटर लंबा तगड़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसने सुनहरा लबादा पहना हुआ था जबकि सूर्य शिखर पूरी तरह से काला था और इस काले सूर्य के ठीक बीच में एक सुनहरी तलवार थी और उसका चेहरा एक काले मुखौटे के पीछे ढका हुआ था। आठवें बुजुर्ग ने बिना अपनी आंखें खोले ही धीमी आवाज में पूछा, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि बिना किसी की नजर में आए कौन उसके पास आ सकता है, सूर्यदेव, क्या यह मामला वास्तव में हमारी पुरानी परंपरा को तोड़ने लायक था? सन लॉर्ड ने अपने हाथ पीछे की ओर बांध रखे थे और उसने एक झटके से जवाब दिया, हाँ ओल्ड आर्ट, तुम सिर्फ इस बात से डरते हो कि अगर कुछ अजीबोगरीब चीज खोजी गई तो वह छोटा लड़का मानव जाति को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं वादा करूं कि मैं मानव जाति को निशाना नहीं बनाऊंगा तो क्या तुम्हें कुछ बेहतर लगेगा? आठवें एल्डर ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली और शांत भाव से उत्तर दिया, सूर्यदेव, आपकी कल्पना शक्ति अभी भी उतनी ही समृद्ध है जितनी पहले थी। इसके अलावा संघ में हम नियमों का पालन करते थे और यदि कोई नियम तोड़ता है, चाहे वह मेरी मानव जाति हो या आपकी शैतान जाति, उन्हें समान रूप से दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि सूर्यदेव भी इसे बदल नहीं सकते। हाँ। यह जवाब सुनते ही सूर्य भगवान अचानक शैतानी हंसी में फूट पड़े और पूरे हॉल में एक भयावह आभा छा गई जिसने सामंजस्यपूर्ण वातावरण को भय में बदल दिया। हालांकि आठवें बुजुर्ग विचलित रहे, सूर्य भगवान की अनियंत्रित हंसी से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई इससे पहले कि वह अचानक रुक जाए क्योंकि ठंडी आभा उसके साथ गायब हो गई। ओल्ड आर्ट, ओ ओल्ड आर्ट, तुम अब भी पहले की तरह ही उपेक्षापूर्ण हो और तुम्हें सिर्फ नियमों की परवाह है। मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताता हूँ, मुझे लगता है कि वह लड़का 10 महाद्वीपों से आया है। सन लॉर्ड की आवाज बेहद कोमल थी लेकिन उसकी आवाज में पागलपन और असीम नफरत का एक संकेत था, इससे पहले कि वह हॉल से गायब हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे वह दिखाई दिया था। आठवें बड़े ने अंततः अपनी आंखें खोली क्योंकि वे अब चिंता और भय से भरी हुई थीं। अडोल्फ और डगलस को 8 अन्य लोगों के समूह के पीछे घने जंगल में चलते हुए देखा जा सकता था। इसके अलावा इस दस्ते का नेता कोई और नहीं बल्कि वही दानव था जिसने उन्हें दस्ते 2 में नियुक्त किया था।
इस दस्ते में 5 राक्षस, 2 शैतान, 1 शिकारी और 2 मनुष्य थे, और 2 मनुष्यों डगलस और अडोल्फ को छोड़कर अन्य को उनसे एक कदम आगे कहा जा सकता था। विशेषकर लाल बालों वाला वह शिकारी स्काउट जो रास्ता खोजने में काफी कुशल था और वह धनुष बाण का प्रयोग कर रहा था। राक्षसों के लिए वे सभी लंबे भले पकड़े हुए थे, जबकि बैंगनी पंख वाले शैतान 2 लंबी तलवारें लिए हुए थे। इससे अडोल्फ और डगलस बच गए, जो तुलना में बहुत कमजोर थे। भाई अडोल्फ, ऐसा लगता है कि उनके साथ शामिल होने का आपका फैसला सही था। इन लोगों के साथ हम इस जंगली जंगल में सुरक्षित रहेंगे, डगलस ने खुशी से अडोल्फ से फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा ही लग रहा था, अडोल्फ ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंदर से एस डगलस जितना आशावादी नहीं था, क्योंकि वह एक नश्वर से कहीं ज्यादा कुछ महसूस कर सकता था। शिकारी के पीछे चल रहे राक्षसों और शैतान को देखकर उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। इसी तरह रात आ गई और समूह को पूरे दोपहर में किसी भी खतरे या शिकार का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए जॉनी नामक दानव नेता ने शिविर को खुले में स्थापित करने का आदेश दिया, जबकि शैतान परिधि स्थापित करने में व्यस्त हो गए। उसी समय मनुष्यों को जलाओ, लकड़ी इकट्ठा करने का आदेश दिया गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जगह इतनी शांतिपूर्ण होगी। इस जगह के बारे में सभी अफवाहें कि यह जगह राक्षसी जानवरों से भरी हुई है, पूरी तरह से निराधार थीं। मुझे तो ये भी संदेह है कि उन राक्षसों और शैतानों ने जानबूझकर सभी लाभों को इकट्ठा करने के लिए उन्हें फैलाया है, डगलस ने जलाओ लकड़ी इकट्ठा करते हुए एडोल्फ से बात की। शायद एस ने नकारात्मक टिप्पणी की। शिकार करने वाले दल में ज्यादातर राक्षस और शैतान होते थे, क्योंकि वे शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे और इसीलिए भोजन पर भी उनका ही नियंत्रण होता था। वे अपना शिकार दूसरे लोगों को बेच देते थे। सरसराहट। इस समय अचानक जंगल से सरसराहट की आवाजें सुनाई दी, जिसने डगलस का ध्यान आकर्षित किया, जबकि एस बिना किसी आश्चर्य के केवल उधर देख रहा था। वहाँ कौन है, डगलस चिल्लाया, और उसने लकड़ियों को जमीन पर फेंका तथा सतर्कता के साथ आवाज की दिशा में भाला तान दिया। सरसराहट, सरसराहट, सभी दिशाओं से और अधिक आवाजें गूंजने लगीं। हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, एस ने शांत भाव से कहा। डगलस का चेहरा ये सुनते ही पीला पड़ गया और वह बोला, चलो मदद के लिए जोर से चिल्लाएं। हम कैंपसाइट से ज्यादा दूर नहीं हैं, वे हमारी आवाज सुन पाएंगे, एस ने अपना सिर हिलाया और बेपरवाही से बोला, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है भाई डगलस, क्योंकि हम अपने दस्ते के सदस्यों के अलावा किसी और से नहीं घिरे हैं। क्या, डगलस ने आश्चर्य से अडोल्फ की ओर देखा। एस ने उसे अनदेखा कर दिया और सरसराहट की आवाज की दिशा में देखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप बाहर क्यों नहीं आते और मेरे साथी लीडर जॉनी को ये समझाते हैं। जैसे ही अडोल्फ की आवाज धीमी हुई, जॉनी की ठहाकेदार आवाज गूंजी, जैसे सभी सरसराहट की आवाजें अचानक गायब हो गई हों और केवल उसकी अजीब भारी आवाज ही खामोश परिवेश में रह गई हो। डगलस हैरान रह गया, क्योंकि इससे अडोल्फ के पिछले शब्दों की पुष्टि हो गई। लेकिन जल्द ही वह हंसने लगा और बोला, लीडर जॉनी, कृपया हमें इस तरह से मत डराओ। उसे राहत मिली कि वे राक्षसी जानवरों से घिरे नहीं थे। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम वाकई कुछ खास हो। जॉनी जंगल से बाहर चला गया, जबकि समूह के अन्य 7 सदस्य उसके पीछे पीछे चले गए। एस ने उन सभी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो आप हमें डराने के लिए ही इस बंजर इलाके में लाए हैं। जॉनी ने अडोल्फ के मुस्कुराते चेहरे को देखा और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक भावना थी, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह ऐसा कई बार कर चुका था और इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। उसने मजाक करते हुए जवाब दिया, तुम्हें कब पता चला? अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें यहाँ फुसला रहा हूँ, तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? डगलस हैरान था, क्योंकि उसे एक बहुत ही बुरा प्रस्ताव सूझा था। एस ने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे उसी क्षण पता चल गया था जब आपने हमें अपनी टीम में शामिल किया था कि आप हमें यहाँ क्यों फुसला रहे हैं। मुझे इसका जवाब बहुत पहले मिल गया था, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप फिर से ऐसा जघन्य कृत्य न करें। क्या कहा तुमने? आहा, क्या तुम मूर्ख हो? दूसरा राक्षस अचानक हंसा और मजाक उड़ाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बंद हो गई। बूमम, उसका पूरा शरीर अचानक फट गया और बाकी सभी 7 लोग इतने सदमे में थे कि उन्हें अपने ऊपर लगे खून के निशानों की परवाह ही नहीं थी। डगलस की आंखें लगभग उसकी आंखों के गड्ढों से बाहर निकल आईं, मानो वह किसी सपने में था। घात, जॉनी का चेहरा दहाड़ते हुए राख जैसा हो गया था। सभी लोग अपनी स्तब्धता से बाहर आ गए और उन्होंने अपने चेहरे पर भयावह भावों के साथ तुरंत रुख अपनाया। ये पहली बार था जब वे ऐसी स्थिति का सामना कर रहे थे। शुरू से अंत तक उन्हें कभी भी यह संदेह नहीं हुआ कि यह उन 2 मनुष्यों का काम था। इस समय एस ने फिर से बात की और उन्हें ठंडी निगाहों से देखा, लीडर जॉनी, क्या आपको इंसानों का शिकार करने में मजा नहीं आया? और जब वे आपसे उन्हें छोड़ देने की भीख मांगते हैं तो आपको रोमांच महसूस होता है? ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किसी भी चीज से ज्यादा मानव मांस का स्वाद पसंद है, इसलिए आप अपना दस्ता तभी इकट्ठा करते हैं जब कोई इंसान शिकार करने के लिए दस्तों में शामिल होने आता है।
मैं उन्हें मारने की बात को अनदेखा कर सकता था, लेकिन मुझे आपकी कोई और हरकत पसंद नहीं है, खासकर उन्हें सताना और फिर उन्हें खा जाना। बताओ, सिर्फ इंसान ही क्यों? जॉनी का दिल कांप उठा जब वह अचानक अडोल्फ की ओर मुड़ा, और उसके साथ शामिल सभी लोगों का भी दिल कांप उठा। हाँ कैसे? लेकिन इससे पहले कि जॉनी बात पूरी कर पाता, बैंग बैंग बैंग, आसपास के क्षेत्र में लगातार 6 विस्फोट हुए और केवल जॉनी ही वहां बचा था, जो वहां एक मूर्ति की तरह खड़ा था और अब वह अपने साथियों के मांस और खून से लथपथ था। लेकिन अब उसकी आंखें भय से भर गई थीं, क्योंकि उसने उस मानव को देखा जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, और उसे लगा कि वह इस मुस्कान से बहुत परिचित हो गया है, क्योंकि जब भी वह मनुष्यों की तलाश में निकलता था तो इसी तरह मुस्कुराता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस मुस्कान से इतना डर जाएगा कि वह वहीं पेशाब कर देगा। वह हमेशा सोचता था कि मनुष्य हीन होते हैं और केवल भोजन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अब उसे लगा कि वह पहली बार किसी इंसान से मिल रहा है। चूंकि असहाय मनुष्यों को मारने का कोई परिणाम नहीं होता, तो मुझे यकीन है कि तुम लोगों को मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस ने बेपरवाही से कहा, इससे पहले कि जॉनी अपने साथियों की तरह वहीं भड़क उठता। एस ने बहुत पहले ही उनकी यादें देखी थीं और वह अपने अनुमान की पुष्टि करने के बाद भाग सकता था, लेकिन जब उसने मनुष्यों के प्रति उनके आचरण को देखा तो वह उन्हें उसी तरह मारना चाहता था जैसे उन्होंने उन सभी असहाय मनुष्यों के साथ किया था। हालांकि उसने पहले भी कई लोगों को मारा था और भविष्य में भी कई लोग उसके हाथों मारे जा सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी इसमें मजा नहीं आया, न ही उसे इस पर गर्व था। उसे सिर्फ चोरी और उससे जुड़ी प्रक्रिया में मजा आता है। यही और डगलस पागल होने ही वाला था कि उसकी आंखें खाली हो गईं। मन चुराने की कला, कांस्य चोर हाथ। एस की पुतलियां अचानक कांस्य रंग में चमक उठी, फिर कुछ ही देर में सामान्य हो गईं। इस प्रकार डगलस, जो कि शून्य में खड़ा था, अचानक मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। एस ने डगलस की ओर देखते हुए ठंडे मन से सोचा, मुझे लगता है कि अभी के लिए यही काफी है। उसे उस जगह की कोई भी बात याद नहीं रहेगी जहां हम आराम करने के लिए रुके थे। एस के लिए किसी नश्वर की यादों को चुराना बच्चों का खेल था, क्योंकि उसे दिमाग चुराने की कला का पहला क्षेत्र, कांस्य चोर हाथ, चुराने की कला आ गई थी। अब डगलस अपनी यादों में उस छोटे से खालीपन को खुद भरेगा जब वह जागेगा और खुद को अकेला पाएगा। एस का काम पूरा होने के बाद वह एक भ्रम की तरह लुप्त होने लगा और अपने पीछे खून खराबे के अलावा कुछ नहीं छोड़ गया। एजोर विंड की रॉयल लैंड्स पूरे साल वहां बहने वाली हल्की नीली हवा के लिए प्रसिद्ध थी। कोई नहीं जानता कि यह हवा कहां से आती है, लेकिन यह हानिकारक नहीं थी। इसके विपरीत ये हवा के तत्व से भरपूर थी। 5 प्राचीन संप्रदाय शाही भूमि के शासक थे और प्रदेश पूर्व में विभाजित थे, पश्चिम में आत्मा ज्वाला संप्रदाय, दक्षिण में पशुतांत्रिक संप्रदाय, उत्तर में अंधकार में दुस्वप्न संप्रदाय, यिन फूल संप्रदाय और केंद्र में नीला पवन पर्वत संप्रदाय था। प्रत्येक संप्रदाय एक दूसरे के व्यवसाय में हस्तक्षेप किए बिना अपने अपने क्षेत्रों को संभालता है। ये क्षेत्र मनुष्यों के निम्न स्तरीय संप्रदायों से भरे हुए थे जो सीधे प्राचीन संप्रदायों के अधिकार क्षेत्र में थे। आमतौर पर प्राचीन संप्रदाय अलग थलग रहते थे और शायद ही कभी इन निम्न स्तरीय संप्रदायों के काम में हस्तक्षेप करते थे, और वे हर 3 साल में पूरे शाही इलाकों से शिष्यों की भर्ती करते थे। यह एकमात्र ऐसा समय था जब पूरे शाही इलाकों में हलचल मच जाती थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से राजसी भूमि का शांतिपूर्ण वातावरण पूरी तरह से गायब हो गया था, जब अचानक 5 प्राचीन संप्रदायों में सामूहिक भर्ती के बारे में घोषणा की गई थी, जो बिना किसी समाप्ति अवधि के हर महीने आयोजित की जाएगी। वे छोटे छोटे संप्रदाय अपने अनुयायियों को प्राचीन संप्रदाय की श्रेणी में शामिल करने का ऐसा मौका कैसे छोड़ सकते थे, खासकर वे अहंकारी और महत्वाकांक्षी युवा जो खुद को प्राचीन संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं समझते थे। इससे पूरे राजघराने में हलचल मच गई, लेकिन 3 महीने पहले ही एक और खबर फैलने लगी। खबर थी एक चोर की जिसने मानवता के साथ विश्वासघात किया था, और वह सभी जीवों का दुश्मन था और सभी जातियां उससे छुटकारा पाने के लिए एक साथ आने वाली थीं। इसके अलावा वह चोर अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए नीला पवन महाद्वीप में प्रकट हो सकता है, जिसे स्वयं नीला पवन पर्वत संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने पकड़ लिया था। कोई नहीं जानता कि यह खबर किसने फैलाई या ये सच थी या नहीं, लेकिन ये तुरंत जंगल की आग की तरह फैल गई और जनता के बीच बहुत लोकप्रिय विषय बन गई। हालांकि जब 5 संप्रदायों में एक राक्षस को प्रवेश करते देखा गया, उसके बाद शैतानों को, तो ये स्पष्ट हो गया कि यह महज एक निराधार खबर नहीं थी। ये लगभग सभी मनुष्यों के लिए पहली बार था जब उन्होंने विश्व की 2 शीर्ष जातियों को अपने महाद्वीप में एकत्रित होते देखा, और कई लोग इस बात को लेकर उत्सुक हो गए कि आखिर एक चोर को उन 2 जातियों का इतना ध्यान क्यों मिला। इस समय डार्क नाइट में असंप्रदाय के क्षेत्र में एक छोटे से संप्रदाय शहर के भीतर लंबे लंबे बालों वाला एक व्यक्ति, जो गंदगी से भरा हुआ था, उसका चेहरा उन गंदे बालों के पीछे छिपा हुआ था, उसका नंगा सुंदर धड़ सभी तरह के घावों और मिट्टी से भरा हुआ था, और उसके निचले हिस्से को बमुश्किल एक छोटे से कपड़े से ढका हुआ था। उसके बगल में धूल से सना हुआ एक खाली पुराना कांस्य कटोरा रखा हुआ था। वह एक स्नोरा जैसा दिख रहा था।
वह एक पुरानी अंधेरी गली में बैठा था जो काफी सुनसान लग रही थी, और अगर उसकी सांसें स्थिर न होती तो कोई उसे एक मृत शरीर समझ सकता था जिसे किसी ने वहां फेंक दिया था। इस समय इस गली के एकमात्र संकरे प्रवेश द्वार पर अचानक एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। जैसे ही वह भिखारी की ओर बढ़ी, 10 से 12 साल की उम्र का एक छोटा दुबला पतला गोरी त्वचा और बड़ी चमकीली भूरी आंखों वाला लड़का नजर आया। उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वे साफ थे, और वह अपने हाथ में रोटी की एक छोटी सी रोटी पकड़े हुए था, जब वह अपनी जीवंत आंखों में उत्सुकता भरी नजर के साथ भिखारी की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि भिखारी को उसके आने का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वह हिल भी नहीं रहा था और केवल सांसें ही चल रही थीं। लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के भिखारी से एक फुट दूर रुक गया और घुटनों के बल बैठ गया। गंभीर भाव से उसने खाली कांसे के कटोरे में रोटी डाल दी, लेकिन उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव था, क्योंकि वह उस रोटी पर एक नजर चुरा रहा था। फिर भी चाहकर भी उसने इसे वापस नहीं लिया और अपनी बचकानी आवाज में कहा, बूढ़े मालिक, उस दिन मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका ऋण चुकाने आया हूँ, और क्या आप मुझे लड़ना सिखा सकते हैं? मैं भी जवाबी हमला करना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुमने उन गुंडों के साथ किया था, और मैं फिर से पीड़ित नहीं होना चाहता। मैं अपनी माँ की सबसे ज्यादा रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए कृपया मुझे सिखाओ। मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं पढ़ाऊंगा, और मैं तुम्हें रोजाना एक रोटी देकर पैसे दूंगा। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं और वह उत्सुकता और चिंता से बूढ़े भिखारी को देख रहा था। यदि कोई उसकी बातें सुनता तो कहता कि वह पागल हो गया है, क्योंकि वह इस शहर पर शासन करने वाले संप्रदाय के पास जाने के बजाय एक भिखारी से लड़ाई करना सीखने के लिए कह रहा है। हालांकि लड़का जानता था कि यह भिखारी बिल्कुल भी साधारण नहीं था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसे शहर के इस बंजर कोने में घसीटा गया था और कुछ बदमाश उसकी मेहनत की कमाई लूटने वाले थे। फिर भी उसे इस बूढ़े भिखारी ने बचाया जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ और बिना किसी चोट के उन बदमाशों को बुरी तरह पीटा। लड़का बूढ़े भिखारी की चाल और उसकी छिपी हुई वीरता से मोहित हो गया, लेकिन वह लूटे जाने से बहुत डरता था और अपनी बीमार माँ के लिए दवा खरीदना चाहता था, इसलिए वह पीछे देखे बिना भाग गया। हालांकि पूरी रात सोचने के बाद उसने आखिरकार भिखारी से उसे पढ़ाने के लिए कहने का फैसला किया, क्योंकि वह अपनी माँ को इस जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। वह उसका एकमात्र परिवार थी और वह उसका भरण पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करता था। यहाँ तक कि यह रोटी भी उसके लिए काफी महंगी कीमत थी, क्योंकि वह केवल इतनी ही कमाई करता था कि वह सभी महंगी दवाएं खरीद सके, और बची हुई रोटी से वह ये सस्ती रोटियां खरीदता था और दिन में 3 बार एक एक रोटी खाता था, जबकि अपनी माँ को 3 बार पूरी रोटी देता था। अगर वह कर सकता तो वह किसी संप्रदाय में शामिल होने के बारे में सोच सकता था, लेकिन उसके पास किसी संप्रदाय में शामिल होने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत या कौशल नहीं था। आवश्यकता बस बहुत अधिक थी, इसलिए वह अभी भी कोशिश करने के लिए पर्याप्त भ्रमित नहीं था। इसीलिए वह इस भिखारी की मदद लेने और कुछ आत्मरक्षा कौशल सीखने के लिए यहाँ आया था, ताकि उसे उन बदमाशों से बचकर न भागना पड़े। उसने दूसरे दिन अपना सबक सीख लिया। भिखारी का चेहरा उन गंदे बालों के नीचे ढंक गया, क्योंकि लड़के के बोलने के बाद पूरी गली में सन्नाटा छा गया। भिखारी द्वारा कोई उत्तर न दिए जाने पर लड़का उत्तेजित हो गया और उसने दांत पीसते हुए दूसरा प्रस्ताव रखा, मैं तुम्हें अपने घर में भी रहने दे सकता हूँ। हालांकि यह काफी खतरनाक था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, और उसे अपनी आंखों पर ज्यादा भरोसा था, और वह जानता था कि यह भिखारी बुरा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह उससे बच गया था। इसलिए उसने उसे अपने छोटे से घर में रहने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि ऐसे विशेषज्ञ का उसके घर में रहना अभी भी पूरी तरह सुरक्षित था। इस तरह उसकी माँ सुरक्षित रहेगी, और जब भी वह घर से बाहर जाएगा तो उसे पूरे दिन उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला और लड़के ने उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं था और वह भिखारी को नाराज नहीं करना चाहता था। वह आभारी था कि उसने उसे बचा लिया, और वह वैसे भी अपनी किस्मत आजमा रहा था। इसलिए वह उठ खड़ा हुआ, रोटी को पीतल के कटोरे में छोड़ दिया और अपना सिर झुकाया, एक बार फिर मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। हालांकि जब वह गली के किनारे पर था तो उसने पीछे से एक कर्कश आवाज सुनी, अगर 1 महीने में तुम उस गिरोह से सब कुछ चुराने में सक्षम हो गए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लड़का चौंक गया और भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे लगा कि उसने गलत सुना है। जब उसने फिर से पूछने के लिए पलट कर देखा तो भिखारी आश्चर्यजनक रूप से अपनी जगह से गायब हो चुका था, लेकिन कांसे का कटोरा अभी भी वहीं था। हालांकि उसके कांसे के कटोरे से रोटी गायब हो गई है और उसकी जगह एक आकर्षक सुनहरे रंग की किताब ने ले ली है। लड़का आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसका ध्यान उस पुस्तक की ओर चला गया था, लेकिन उसने तुरंत अपना ध्यान पुनः केंद्रित किया और उस खाली स्थान की ओर देखा जहां कुछ क्षण पहले भिखारी निश्चल बैठा था। अचानक उसके मन में विचार आया, क्या वह भी उन साधकों में से एक हो सकता है? कांसे के कटोरे में रखी उस किताब को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह वहां गया और सावधानी के कारण उसे तुरंत नहीं उठाया।
हालांकि उसे यकीन था कि बूढ़ा भिखारी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन साधना में शामिल हर चीज साधारण नहीं हो सकती। इसलिए उसने पहले एक टूटी हुई पेड़ की टहनी ढूंढी और फिर पीतल के कटोरे के पास गया और पेड़ की टहनी से कटोरे और सोने की किताब को छूने की कोशिश की। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने अपने दांत पीस लिए और किताब उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जब उसकी उंगली ने ठंडे किताब के कवर को छुआ तो उसने तुरंत उसे वापस खींच लिया और सतर्कता से चारों ओर देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी नहीं हुआ है, उसके मुंह से एक गहरी आह निकली और उसने आखिरकार किताब उठा ली। आनंद से भरकर उसने सुनहरी किताब को देखा और किताब के कवर पर कुछ चांदी के शब्द देखे। अवर्णी चोरी साधना कला नौ आत्मा द्वार मैनुअल। सर्वेंट माउंटेन सिटी से 100 मील से अधिक दूरी पर ऑफिशियल माउंटेन था, जो सूर्य और चंद्र आरोहण द्वार से सिर्फ 10 मील की दूरी पर था। सर्वेंट माउंटेन सिटी की तुलना में आधिकारिक माउंटेन सिटी स्वर्ग की तरह थी, क्योंकि यह जगह जीवंतता और आनंद से भरी हुई थी। इसके अलावा आधिकारिक माउंटेन सिटी में रहने वाले लोगों को एनर्जी गेट्स दायरे की चोटी तक कल्टीवेशन करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा उन सभी को 9 गेट मैनुअल प्रदान किए गए थे। हालांकि इसके बावजूद केवल 10% ही उत्थान की सीढ़ी चढ़ने में सक्षम थे। सूर्य और चंद्रमा के आरोहण द्वार हर महीने खुलते हैं और 30 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति आरोहण सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास कर सकता है। जब तक वे आधिकारिक यूनियन सदस्य थे तब तक प्रयासों की कोई सीमा नहीं थी और वे हर प्रयास के 700 यूनियन मेरिट का भुगतान कर सकते थे। आधिकारिक सदस्य नश्वर क्षेत्र से एनर्जी जड़ी बूटियों की कल्टीवेशन, एनर्जी एस्कों या एनर्जी पत्थरों का खनन करके पुण्य अर्जित करते हैं। ये स्थान सभी प्रकार की खदानों और एनर्जी मिट्टी से समृद्ध था और यह सब संघ के नियंत्रण में था। यद्यपि यहाँ जातियों के बीच कोई बड़ा संघर्ष नहीं था, फिर भी प्रतिस्पर्धा को टाला नहीं जा सकता था, विशेष रूप से तब जब शैतान, दानव, शिकारी, कल्पित बौने जैसी जातियों को श्रेष्ठ जनजात क्षमताओं का वरदान प्राप्त था। इस तरह श्रेष्ठ होने का अहंकार टाला नहीं जा सकता था और संघ में जातियों के बीच एक गुप्त रैंकिंग थी जो आधिकारिक नहीं थी। फिर भी सभी लोग गुप्त रूप से इससे सहमत थे और संघ ने भी उन्हें नहीं रोका। ये रैंकिंग आधिकारिक पर्वतीय शहर में आधिकारिक सदस्यों की संख्या के साथ साथ विभिन्न जातियों में सबसे अधिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले लोगों के आधार पर तैयार की गई है। शैतान, दानव और शिकारी अभी भी शीर्ष तीन में थे। हालांकि मनुष्यों की रैंक 10 महाद्वीपों से बहुत अलग थी। वे 9वें स्थान पर थे और 4थे स्थान पर कल्पित बौने थे। यदि उनकी कल्टीवेशन में प्रतिभा नहीं होती तो वे इस अनौपचारिक रैंकिंग में सबसे अंतिम स्थान पर होते। आज वह दिन था जब सूर्य और चंद्रमा के आरोहण द्वार खोले जाने थे और हमेशा की तरह विभिन्न जातियों के हजारों युवक विशाल द्वारों के बाहर एकत्रित हुए थे। ये युवा अपनी अपनी जातियों के साथ एकत्रित होकर अलग अलग बड़े समूह बना रहे थे और इन समूहों ने फाटकों के बाहर अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किया था उनकी संख्या अलग अलग थी। जैसे शैतान सबसे आगे खड़े थे, उनके साथ 3000 से ज्यादा पंख वाले शैतानी युवा थे। वहीं राक्षस उनके ठीक पीछे थे, जिनकी संख्या उनसे थोड़ी कम थी। स्वाभाविक रूप से मानव युवकों का एक समूह था जिसकी संख्या केवल 103 थी। इसके अलावा ये समूह दो मनुष्यों के पीछे इकट्ठा हो रहा था। एक लंबा सुंदर युवक था जिसकी काया पतली थी और लंबे काले बाल थे। वह नीले रंग का रेशमी लबादा पहने हुए था और उसकी आभा बहुत गंभीर थी, जबकि दूसरी लड़की गुलाबी रंग की फूलदार पोशाक पहने एक सुंदर लड़की थी जिसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थी और वह उस सुंदर युवक से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, क्योंकि वे दोनों भाई बहन थे। जहां तक इन दोनों के सबसे आगे होने का सवाल है तो इसका कारण ये था कि वे मानव जाति के एटलस परिवार से थे, जो आधिकारिक पर्वतीय शहर में मौजूद मनुष्यों में नंबर एक परिवार था। लेकिन एटलस परिवार को ऐसा दर्जा प्राप्त होने का वास्तविक कारण यह है कि उन्हें प्रथम मानव परिवार का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, जो आधिकारिक सदस्य बनने के साथ साथ आरोहण सीढ़ी पर भी चढ़ सका। नश्वर संसार का प्रत्येक मनुष्य एटलस परिवार का सम्मान करता है। यही कारण है कि ये दोनों भाई बहन इस मानव दल के नेता बन गए, इस तथ्य के बावजूद कि यह आरोहण सीढ़ी पर उनका तीसरा प्रयास था। हालांकि ये कुछ अपमानजनक नहीं था, क्योंकि केवल प्रतिभाशाली लोगों में से ही कोई व्यक्ति पहली कोशिश में आरोहण सीढ़ी चढ़ सकता है। यहां तक कि शीर्ष तीन जातियां भी इस तथ्य से सहमत हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पहले 10 टायरों में सीढ़ी चढ़ने में सक्षम था तो उन्हें पहले से ही नश्वर क्षेत्र में प्रतिभाशाली माना जाता है। इस मानव समूह में सबसे अंत में एक लंबा युवक खड़ा था जो एटलस परिवार के युवक से भी अधिक सुंदर था। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर कई निशान थे जो उसे कमतर दिखा रहे थे। उन्होंने ग्रे रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनके लंबे सफेद बाल और चांदी जैसी आंखें उन्हें एक स्वप्निल रूप दे रही थी, जबकि उनकी आंखें तेज और चतुर थीं। उनके व्यक्तित्व से एक ऐसा अवर्णनीय आकर्षण निकलता है जो किसी को भी उनके करीब महसूस कराता है। ये स्वाभाविक रूप से एस था जो इस परीक्षा को देने के लिए अपने चेहरे के साथ यहाँ आया था। एस को सार्वजनिक रूप से अपना मुखौटा पहने हुए और किसी तरह का भेष धारण किए हुए काफी समय हो गया था।
मुखौटा उतारने का कारण ये था कि वह संघ के असली मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उनके पास उच्च स्तरीय संरचनाएं हैं जो उसके मुखौटे को आसानी से देख सकती हैं, खासकर तब जब आरोहण सीढ़ी के आसपास का 10 मील का क्षेत्र भाग्य मानचित्र में काले रंग से रंगा हुआ था। इसीलिए उसने हजार चेहरों वाला मुखौटा पहनकर इस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की, वरना अगर संयोग से उन यूनियन वालों ने उसे पा लिया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने चेहरे की कुछ अनोखी विशेषताओं को बदला है, जैसे कि उन्होंने अपने काले बालों को सफेद करने के लिए एक खास स्याही का इस्तेमाल किया है। साथ ही उनकी आंखों का रंग एक और खास दुर्लभ ग्रेड 6 जड़ी बूटी आईचार्मा वॉटरलिली का परिणाम था, जो एक साल के लिए उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार आंखों के रंग को बदल सकती थी। इसका एकमात्र कार्य यही था, लेकिन एस अपने उस स्वाभाविक आकर्षण के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, और उसके चेहरे पर निशान पैदा करने के बावजूद कई लड़कियां अपने चेहरे पर हल्की सी शर्म के साथ उसकी ओर देख रही थीं, और वह केवल व्यंगपूर्वक मुस्कुरा सकता था। फिर भी चूंकि वह किसी भी संरचना या कौशल का उपयोग नहीं कर रहा था, इसलिए वह एंटी डिस्गाइज संरचनाओं के दायरे में नहीं आता। यहां आने से पहले वह खुद पर ऐसी संरचना का परीक्षण कर चुका था। जहां तक उसकी साधना का सवाल है, वह किसी से भी बेहतर जानता था। कोई भी नहीं बता पाएगा, और जब तक वह खुद अपनी साधना नहीं दिखाएगा तब तक वह केवल नश्वर ही लगेगा। अभी वह नौची द्वार क्षेत्र की एक शिखर जैसी हल्की सी तरंग उत्सर्जित कर रहा था, जिसे केवल आधारभूत क्षेत्र साधक या उससे उच्चतर साधक ही महसूस कर सकते थे। यह विधि एस के लिए अनोखी थी, क्योंकि उसने हाल ही में इसकी खोज की थी जब वह था समुद्र में भटक रहा था। चूंकि कोई भी उसकी वास्तविक साधना को नहीं समझ सकता और वे नकली साधना के मुखौटे से मूर्ख बन जाएंगे, तो फिर यदि वह स्वयं नकली क्षेत्र का आभास दिखाए तो क्या होगा। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। उसे यह समझने में कुछ समय लगा, लेकिन हजार चेहरे वाले मुखौटे के आधार पर और उसके पास अन्य कौशल थे जो इस तरह के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। इसलिए अंत में वह ये सीखने में सफल हो गया कि अंतिम चरण की नींव निर्माण अवस्था तक नकली साधना आभा कैसे बनाई जाए। यदि कोई अन्य साधक आभा छिपाने का कौशल इस्तेमाल करता है तो उसे उच्च स्तर के साधकों द्वारा खोजा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब से उसने अपनी साधना तकनीक के छिपे हुए हिस्से को खोला है तब से किसी को भी उसकी असली साधना का पता नहीं चल पाया है। इसलिए चाहे दूसरे लोग कुछ भी कोशिश करें, उसकी साधना वैसी ही दिखाई देगी जैसी वह दिखा रहा था। अंत में एस का असली मकसद यूनियन में बने रहना नहीं था, बल्कि उसे छोड़ने का रास्ता खोजना था, और जैसे ही वह मुख्य क्षेत्र में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाता वह तुरंत काम शुरू कर देता। इसी समय एक गंभीर अलौकिक आवाज गूंजी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ध्यान दें, सूर्य और चंद्रमा के उद्गम द्वार खुलने वाले हैं। ध्यान दें, सूर्य और चंद्रमा के उद्गम द्वार खुलने वाले हैं। सभी लोग एक स्वर में विशाल द्वार की ओर देखने लगे। एस सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकों वाले कांस्य द्वारों को भी देख रहा था, लेकिन उसकी अधिक रुचि इन दोनों द्वारों के दोनों ओर खड़ी स्वर्ण और रजत वायवन प्रतिमाओं में थी। उन दो मूर्तियों को देखते हुए एस की आंखें एक अंधेरे प्रकाश में चमक उठी, जैसे एक अजीब सुनहरा प्रतीक अचानक उसकी पुतलियों के भीतर दिखाई दिया और वह थोड़ा घूमता हुआ दिखाई दिया। सुनहरा वाइवरण सूर्य प्रतीक के बगल में खड़ा था, जबकि चांदी का वाइवरण चंद्र प्रतीक के साथ द्वार के पास खड़ा था। वह उन दो मूर्तियों से अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था, जो काफी सम्मोहक थी, विशेष रूप से एनर्जी गेट्स क्षेत्र के युवाओं के लिए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देख रहे थे। दूसरों के विपरीत वह उनसे निकलने वाली बहुत हल्की लाल और बैंगनी धुंध देख सकता था। कुछ हेरल्ड्री पुस्तकों के अनुसार वाइवन युद्ध, ईर्ष्या, महामारी और शक्ति का एक पौराणिक जानवर है, लेकिन वे केवल इन दोनों की तरह प्रतीकों या मूर्तियों में दिखाई देते हैं, और किसी ने कभी भी असली जानवर नहीं देखा था। यहाँ तक कि जानवरों के महाद्वीप में जानवर भी उनकी पूजा करते हैं। ये भी संभव है कि वे साइरस के समान ही वर्ग के हों और दूसरे स्वर्ग से हों। जहाँ तक उन स्थितियों का सवाल है, वे काफी अनोखी हैं, क्योंकि उन दोनों से भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। चांदी वाला कोमल आत्मा एनर्जी उत्सर्जित करता है, और सुनहरा उग्र मार्शल एनर्जी उत्सर्जित करता है। मेरे शुरुआती स्तर के इंटरमीडिएट चोर की दृष्टि के साथ भी मैं केवल उन दो रंग की एनर्जी को देख सकता हूँ, जिसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वे कम से कम ग्रेड 7 के खजाने हैं। एक चोर जैसी चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी और फिर गायब हो गई। भले ही वह उन मूर्तियों को चुराना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही वह ऐसा करेगा वह यहां से एक टुकड़े में बाहर निकलने के बारे में भूल जाएगा। इसके अलावा चूंकि उन यूनियन वालों ने उन दो खजानों को प्रवेश द्वार पर रखने की हिम्मत की, इसलिए उन्हें उनकी सुरक्षा करने में काफी आत्मविश्वास होना चाहिए। फिर भी यदि उन्होंने प्रवेश द्वार पर 7वीं श्रेणी की दो अनमोल वस्तुएं रखी थीं, तो वे वास्तव में कितनी मूल्यवान थीं? एस ने तुरंत उन खतरनाक विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह ऐसी जगह पर छापा मारने के लिए तैयार नहीं था जहां ग्रेड 8 सुरक्षा खजाना मिलने की संभावना थी।
भाग्य मानचित्र में काला रंग उसके लिए कोई मूर्खतापूर्ण प्रयास न करने के लिए पर्याप्त कारण था, तथा केवल यहाँ से निकलने और नीला पवन महाद्वीप की ओर जाने का रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार यह जगह कहीं नहीं जा रही थी। गंभीर अलौकिक आवाज फिर से गूंजी, मैं 3 नियम सिर्फ एक बार दोहराऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। भले ही तुम नए न हो, लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम अपने तथ्य सही से समझो। सबसे पहले, 30 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति आरोही सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पात्र है। लेकिन अगर आप 30 वर्ष से एक दिन भी बड़े हैं, तो जैसे ही आप गेट पार करेंगे, आपको एक यातनापूर्ण मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी चले जाइए जब तक आप जा सकते हैं और खुद को यातना से बचाए। कोई भी व्यक्ति वहां नहीं हिला, क्योंकि वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे और गंभीरतापूर्वक उस आवाज के जारी रहने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरा, आरोही सीढ़ी में 1500 सीढ़ियां हैं और इसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है जो आपके 3 पहलुओं का परीक्षण करेंगे। पहला स्तर पहले चरण से 500वें चरण तक आपकी ताकत का परीक्षण करेगा। दूसरा स्तर 500 पहले चरण से 1000वें चरण तक आपकी इच्छा शक्ति का परीक्षण करेगा। तीसरा और अंतिम स्तर 1000 पहले चरण से 1500वें चरण तक आपके साहस, शक्ति और इच्छा शक्ति का एक साथ परीक्षण करेगा। पहले 2 स्तर घातक नहीं है और आपको निरीक्षकों द्वारा बचाया जाएगा। हालांकि जिस क्षण आप 1000 पहले चरण पर कदम रखेंगे, आप बचने का अपना मौका खो देंगे, क्योंकि उस बिंदु से या तो आगे बढ़ो या मर जाओ परिदृश्य। इसलिए अपनी सीमा को पहचानो और अन्यायपूर्ण तरीके से मत मरो। जब तक तुम जीवित हो, भविष्य में वापस लौटने और फिर से परीक्षा देने के हमेशा अधिक अवसर होते हैं। तीसरा और अंतिम नियम, साथी प्रतिभागियों पर हमला करना या किसी भी तरह की धूर्त रणनीति या खजाने का उपयोग करना निषिद्ध है। यदि आप पकड़े गए, तो आपको आपके प्रियजन सहित हिरासत में लिया जाएगा और नश्वर क्षेत्र के निष्पादन मंच पर मार दिया जाएगा। सभी लोग चुप थे और उनके चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि उन्हें बार बार इस विशेष नियम के बारे में चेतावनी दी जा रही थी, क्योंकि यह कोई मजाक नहीं था। अतीत में कई परिवार, चाहे वे प्रभावशाली हों या सामान्य, कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख होता था कि वह छल कपट करने की कोशिश करता था। इस नियम के कारण उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता था और फिर उन्हें मार दिया जाता था। इससे ये मुकदमा सभी के लिए निष्पक्ष हो गया और किसी ने भी गंदा खेल खेलने की हिम्मत नहीं की, चाहे उनमें कितनी भी हिम्मत क्यों न हो। एसके होंठ सिकुड़ गए, क्योंकि उसे जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने इस मुकदमे की तैयारी के लिए पूरा 1 महीना आधिकारिक पर्वतीय शहर में बिताया था। इस समय अचानक धरती हिलने लगी, क्योंकि कोई विशाल वस्तु हिल रही थी और यह कोई और नहीं बल्कि सूर्य और चंद्रमा के 2 आरोहण द्वार थे। द्वार अंदर की ओर चले गए, घनी एनर्जी अचानक बाहर निकल आई, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि सभी की चमकती आंखें पत्थर की सीढ़ी पर टिकी थी जो बादलों में जाती थी। यद्यपि पत्थर की सीढ़ियां अत्यंत साधारण लग रही थी, मानो किसी साधारण राजमिस्त्री ने उन्हें तराशा हो, लेकिन हर कोई जानता था कि उस साधारण पत्थर की सीढ़ी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो जैसे ही वे पहला कदम रखेंगे उन्हें बहुत पीड़ा होगी। एनर्जी शाही दानव क्षेत्र जितना ही सघन है। एस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने लंबी सीढ़ी और दूसरी ओर से घिरे बादलों को देखा। गंभीर अलौकिक आवाज ने सभी को चौंका दिया। अब अपना आधिकारिक सदस्य पहचान टोकन निकालो और गेट पार करो। अगर आपके यूनियन मेरिट पॉइंट 100 से कम है, तो बेहतर है कि आप भाग जाएं, नहीं तो आपको उसी समय सजा दी जाएगी जब आप चुपके से घुसते हुए पकड़े जाएंगे। सभी ने जल्दी से अपने हाथ घुमाए और उनके हाथों में हथेली के आकार के भूरे रंग के घनाकार टोकन दिखाई दिए। कुछ ने उन्हें अपनी जेबों से निकाला और चढ़ाई की सीढ़ी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। चूंकि आधिकारिक सदस्य एनर्जी का उपयोग कर सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास 100 यूनियन क्रेडिट के लिए सबसे निम्न श्रेणी के स्टोरेज रिंग उपलब्ध थे, लेकिन केवल कुछ अमीर परिवार के वंशज ही उन्हें खरीद सकते थे। एस ने भी अपनी जेब से वही ग्रे टोकन निकाला और मानव समूह के पीछे चल दिया। उसके होंठ थोड़े से सिकुड़ गए। मैंने इस छोटी सी चीज को बनाने में पूरा 1 महीना लगाया है, बेहतर होगा कि यह इसके लायक हो। जैसे ही वे युवक एक के बाद एक द्वार से गुजरे, उनके हाथ में मौजूद ग्रे टोकन क्षण भर के लिए चमक उठा और फिर निष्क्रिय हो गया। सभी जातियों के आगे निकल जाने के बाद जल्द ही मनुष्यों की बारी आई और एटलस परिवार के 2 सदस्यों ने नेतृत्व संभाला और बाकी सभी ने भी उसका अनुसरण किया। एस, जो समूह के अंत में था, अपने ग्रे टोकन को पकड़े हुए शांति से पीछे पीछे चला गया। जैसे ही एस 2 स्थितियों के पास से गुजरा, उसने महसूस किया कि एक भयानक जांच शक्ति उसके ऊपर बह रही है, लेकिन वह घबराया नहीं और आगे बढ़ता रहा, जैसे उसे उन युवकों की तरह कुछ भी महसूस न हो। इसके बाद उसके हाथ में टोकन अचानक चमकने लगा और दूसरे लोगों की तरह अगले ही पल वह भी निष्क्रिय हो गया। वह अब गेट के दूसरी ओर चला गया था और उसके होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़े हुए थे। अब सीढ़ियों पर एस ने अपने आसपास के अन्य लोगों की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और पहली पत्थर की सीढ़ी की ओर चला गया जो प्रवेश द्वार से 200 मीटर से अधिक दूर थी। शैतान, राक्षस और शिकारी आगे चल रहे थे, क्योंकि उनके कुछ सदस्य पहले ही सीढ़ी पर चढ़ चुके थे।
वहीं उनमें से कुछ अभी भी तैयार नहीं थे और अपनी नसों को शांत कर रहे थे। अंत में कुछ ऐसे भी थे जो प्रतीक्षा और देखो दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे थे। जहां तक समय सीमा का सवाल है तो 3 दिन की सीमा थी, इसलिए उन्हें पर्याप्त समय न मिलने की चिंता नहीं थी। मनुष्य बाद वाले समूह से संबंधित थे क्योंकि वे सभी अन्य जातियों के प्रतिभागियों को उनके लिए रास्ता बनाते हुए देख रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि यह अर्थहीन था क्योंकि अंत में उनकी अपनी योग्यताएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। कम से कम वे उन शक्तिशाली जातियों को अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते थे ताकि उन्हें स्थिति का स्पष्ट अंदाजा हो सके। यहां तक कि एटलस परिवार के उन 2 लोगों ने भी इस मामले में कोई पहल नहीं की क्योंकि वे इस पर बारीकी से नजर रख रहे थे। उन प्रतिभागियों को पता नहीं था कि उनके ठीक ऊपर बादलों के ऊपर खड़ी 10 बैंगनी वस्त्रधारी आकृतियां उन पर कड़ी नजर रख रही थीं। वे सभी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके उड़ती हुई तलवारों पर खड़े होकर एक गरिमापूर्ण एहसास दे रहे थे। हालांकि उनमें से 5 के वस्त्रों पर चमकते हुए सुनहरे सूर्य शिखर थे, जबकि अन्य 5 के वस्त्रों पर द्वारों की तरह पूर्ण चांदी के चांद शिखर थे। इसके अलावा चांद शिखर वाले 5 लोग सभी महिलाएं थीं, जबकि सूर्य शिखर धारण करने वाला पुरुष था। कोई नई बात नहीं, लंबे सफेद बालों वाला एक मुरझाया हुआ चेहरा वाला इंसान एक खास दिशा में नीचे देखते हुए दुखी होकर आहें भर रहा था। हे, आप क्या उम्मीद करते हैं एल्डर जोसेफ? स्वर्गारोहण की सीढ़ी का परीक्षण हमेशा ऐसा ही होता है। केवल वे ही लोग इसे पार कर सकते हैं जिनमें साहस और शक्ति है, वे नहीं जो चुनौती लेने से भी डरते हैं। बैंगनी चमकदार त्वचा और छोटे सुडौल सींगों वाली एक परिपक्व राक्षसी ने तिरस्कार के भाव से टिप्पणी की, एल्डर जोसेफ, एक मनुष्य के रूप में जानते थे कि यह राक्षसी उन युवकों की ओर संकेत कर रही थी जिन्होंने प्रतीक्षा करने और देखने का निर्णय लिया था और उनमें मनुष्य भी शामिल थे। हालांकि इससे पहले कि वह पलटकर जवाब दे पाता, लंबी दाढ़ी वाला एक छोटा बुजुर्ग व्यक्ति सीधे उस पर झपटा, जैडन, तुम अपने काम से काम रखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी राक्षस जाति ने 3 साल की परीक्षा पास कर ली है। तुम्हें अपनी छोटी छोटी गुड़ियों पर इतना गर्व क्यों है? अंत में जैडन चौंक गई और उसे समझ में नहीं आया कि छोटी छोटी चीजों का क्या मतलब है, जब तक कि अंततः उसे इसका एहसास नहीं हुआ, जब उसने सहज रूप से अपनी छोटी सी छाती पर नजर डाली और उसके भ्रमित भाव की जगह क्रोध ने ले ली। तुम छोटे बौने हो, तुमने घिनौनी टिप्पणी करने की हिम्मत की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? जैडन की आभा तुरंत बढ़ गई क्योंकि हत्या का इरादा उसकी क्रोधित आंखों के सामने चमक गया। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम छोटी फुहड़ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करती। आओ आओ छोटी कुतिया, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास काटने की हिम्मत है या नहीं। छोटा बौना, अपनी बुढ़ापे के विपरीत उसका मुंह काफी घिनौना था और वह पूरी तरह से निडर था क्योंकि उसने जैडन को एक के बाद एक गालियां दी। इस कृत्य से अन्य 4 मादाओं के माथे पर घृणा के भाव उभर आए, जबकि जैडन की आंखें लाल हो गईं। वह बौने को जानलेवा इरादे से देख रही थी, उसे लाखों टुकड़ों में काटना चाहती थी, लेकिन जैसा कि बौने ने कहा था, उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की और केवल घृणा से अपने दांत पीस सकी। ठीक है, तुम दोनों रुक जाओ, भूरे पंखों वाले शैतान ने उन पर ठंडी नजर डाली, एल्डर जैडन, कृपया दूसरों पर रीमेक बनाने से बचें। जहां तक तुम्हारा सवाल है ओल्ड विली, क्या तुम अपनी उस घिनौनी जबान पर लगाम लगा सकते हो? तुम्हारी हैसियत वाले आदमी के लिए यह अशिष्टता है। विली की नजर तुरंत शैतान पर पड़ी और वह उस पर झपटने ही वाला था कि जोसेफ ने विली के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। जोसेफ अपने मित्र के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था और वह उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह सिर्फ उसके पक्ष में बोल रहा था। बूढ़े विली, चलो बस देखते हैं, यह इसके लायक नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी खातिर उन कुतिया को छोड़ दूंगा, विली ने झुंझलाहट में कहा। वह सिर्फ मानव जाति के लिए ही नहीं बोल रहे थे, उनकी पहाड़ी बौनी जाति भी उन लोगों में शामिल थी जो अभी भी पीछे खड़ी थी। माउंटेन ड्वार्फ रेस को स्वर्ण आकाश की दुनिया में 7वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन यहाँ उन्हें 10वां स्थान दिया गया था और उनकी जनसंख्या काफी कम थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व बिल्कुल सीधे सादे थे और वे दुनिया को सिर्फ काले और सफेद रंग में देखते थे और परिणामों से बेखौफ थे। अगर यह कहीं और होता तो वे राक्षस और शैतान उन्हें मारने से पहले आंख भी नहीं झपकाते, लेकिन यहां वे कुछ नहीं कर सकते। देखो, वह छोटी मानव गुड़िया अभी भी हिल रही है, भेड़िए के चेहरे वाली एक लंबी मोटी आकृति ने इस समय आश्चर्य से कहा। उसके शब्दों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने मनुष्यों की दिशा में देखा और उन्होंने देखा कि सफेद बाल और जख्मों से भरे चेहरे वाला एक लंबा युवक शांत भाव से मनुष्यों के पास से गुजर रहा था। कितना सुंदर है, अपने दागों के बावजूद वह बहुत आकर्षक है, एक सुडौल शरीर वाली महिला शैतान ने अपनी काली आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ टिप्पणी की। न केवल महिला शैतान बल्कि अन्य 4 महिलाएं भी युवक को गौर से देख रही थीं। हाहा, अच्छा लड़का, अगर वह पास हो जाता है तो मैं उसे अपने रूनिक स्मिथ विभाग में स्वीकार कर लूंगा।
विली संतोष में हंसा। बाकी लोगों ने उसकी ओर आंखें घुमाई और ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे केवल सफेद बालों वाले उस व्यक्ति को सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। जोसेफ की आंखें आशा से चमक रही थीं जब वह उस युवा को देख रहा था। उसमें कुछ खास बात है। एस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए आसमान में मौजूद 10 निरीक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अगर उसे पता भी होता तो भी वह आगे बढ़ना ही पसंद करता, क्योंकि उसे सूर्य और चंद्रमा के आरोहण द्वारों से गुजरने के बाद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का डर नहीं था। इसके विपरीत अब वह एक शक्तिशाली व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने की आशा कर रहे थे, क्योंकि संघ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने और उससे बाहर निकलने का यह सबसे आसान तरीका था। जल्द ही अन्य मनुष्यों ने भी देखा कि एस एटलस परिवार के सदस्यों के पीछे प्रतीक्षा करने के बजाय आगे चल रहा है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, एक गंजे सिर वाले मोटे मानव युवक ने एस से पूछा, और उसकी आवाज ने आखिरकार सामने खड़े लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एस ने गंजे युवक की ओर देखा और शांत भाव से कहा, बेशक मैं वहां ट्रायल पास करने जा रहा हूं।